Hello people, I hope you're doing wonderful and here we are for another session of FCRA. ये FCRA का आखिरी session होने वाला है. हमारा क्या टारगेट है आज का कि फर्स्ट हाफ के अंदर में फटाफट से आपको सारे डेफिनेशन कवर करा दूं, है ना. डेफिनेशन ज्यादा कुछ है नहीं, छोटी मोटी डेफिनेशन हैं, तो हम सबसे पहले सारे डेफिनेशन कवर कर लें, उसके बाद में हम बिना रुके बिना झुके बिना इधर उधर देखे इस पूरे चैप्टर का एक नाइस रिविजन करके रख लें. और रिविजन इस प्रकार से हो कि वो भाई साहब आपकी नजरों के सामने हो, जब आप चाहें मस्ती से पूरा रिविजन कर पाए. ठीक है, तो हमारा सेकेंड हाफ में टारगेट होगा पूरा रिविजन करना एंड पास ईयर क्वेश्चन एकदम ईजी. चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट टुवर्ड्स द डेफिनेशंस. काफी आसान डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, चलो FCRA 2010 की हम देखने वाले हैं डेफिनेशंस. अति सुंदर, चलिए सब लोग यहां पे आ जाओ एकदम मजेदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया. चल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या लिखा है इसके अंदर देखते हैं हम लोग. इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स फॉरेन कंपनी मींस दिस. कितनी डेफिनेशन देखिए, पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं. पहली चीज फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है. दूसरी चीज फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन देखेंगे. हम जगह जगह पे कहते हैं ना कि वो व्यक्ति फॉरेन सोर्स से पैसा ले सकता है, ये व्यक्ति फॉरेन सोर्स से पैसा ले सकता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन सोर्स हियर. तो फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन देखेंगे. सर बड़ी बड़ी डेफिनेशन से, जी हां. फिर हम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे कि जो पूरा एक्ट ही बात करता है, सेक्शन नंबर 3 बात करता है, 4 बात करता है, 5 बात करता है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, तो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. यहां पर कुछ एक्सक्लूजन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे. एग्जाम्पल्स के साथ में थर्ड था आई गेस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट. फिर फोर्थ आपका पढ़ेंगे आप पर्सन मंजे काय. फोर्थ आप पढ़ेंगे पर्सन की डेफिनेशन, ये छोटी सी डेफिनेशन बड़ी बात नहीं है कि पर्सन मतलब कौन कौन इंक्लूड करता है, सब कुछ इंक्लूड करता है, ठीक है. फिर पढ़ेंगे आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन, 4 मार्क डेफिनेशन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन. कि व्हाट डू मीन बाय फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, कि मैं कहीं जा रहा हूं और कोई मुझे बहुत ही बड़ा ट्रीटमेंट दे रहा है, मुझे बुला रहा है, मेरा ट्रैवल कॉस्ट बेयर कर रहा है, मुझे उसके घर पर रख रहा है, बोर्डिंग लॉजिंग, मुझे किसी रिसॉर्ट में रख रहा है, मुझे किसी होटल में रख रहा है, उसका पे कर रहा है, मुझे हॉस्पिटल का पे कर रहा है. हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल नहीं होता है, हॉस्पिटैलिटी मुझे रिसॉर्ट में बुला के मुझे पूरी हॉस्पिटैलिटी मिल रही है उसकी तरफ से, दैट इज हॉस्पिटैलिटी. उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है. उसके बाद में सिक्स्थ हम पढ़ लेंगे पॉलिटिकल पार्टी. ये ऐसे आप और मैं मिले हैं ना, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी भी देख लेंगे. उसके बाद में सेवन्थ पे आ जाएगा रिलेटिव, ये भी ऐसे ही दम की बात नहीं है. और यहाँ पे आपकी सारी डेफिनेशंस खत्म हो जाएगी, ठीक है ना. तो अच्छी डेफिनेशंस इसकी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ये कुछ अच्छी डेफिनेशंस जो हमें अच्छे से पढ़ना है. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन. चलो न रुकेंगे हम न झुकेंगे हम. चलिए ये ठीक है, सेक्शन 1 बाद में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सबसे पहला फॉरेन कंपनी, एकदम शांत मन से फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स. तो सबसे पहले फॉरेन कंपनी की बेसिक डेफिनेशन दी, उसके बाद में इंक्लूड्स रखा, इंक्लूसिव बाद में रखिए, पहले बेसिक डेफिनेशन क्या दी, एनी कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, खत्म फिनिश. ध्यान देना सबसे पहले डेफिनेशन बढ़ रहा है फॉरेन कंपनी, मुझे 100% फोकस यहां पे चाहिए. फॉरेन कंपनी आसान भाषा में क्या लिखते हैं, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी, एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड Incorporated outside India. Any company, association, body of individual incorporated outside India. ये हो गई basic definition and includes. कि ठीक है भाई साहब, कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई वो तो फॉरेन कंपनी है ही सही, उसके साथ में इट ऑल्सो इंक्लूड्स. और इंक्लूसिव में क्या क्या लिखा है, एंड इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ 591 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा 379 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, ठीक है. एंड
एनी फॉरन कंपनी एज पर सेक्शन 379 ऑफ कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 379 में बात करते हैं कि ये एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 किस तरह से फॉरन कंपनी पे अप्लाई करता है. तो वो वाली फॉरन कंपनी भी इंक्लूड होगी. नेक्स्ट, कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरन कंपनी. एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरन कंपनी उसको भी फॉरन कंपनी माना जाएगा. तो एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरन कंपनी विल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी फॉरन कंपनी. लास्ट, द रजिस्टर्ड ऑफिस, सेकेंड लास्ट, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ फॉरन कंपनी रेफर्ड अबव. तो जो ऊपर फॉरन कंपनी की बात की गई है उसका कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस है उसको भी फॉरन ऑफ कंपनी माना जाएगा. एंड लास्ट इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. सर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब एमएनसी मतलब क्या, वो भी एक्सप्लेन होगा आगे. पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लो, 100% फोकस यहां पे. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरन कंपनी? फॉरन कंपनी मींस एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. खत्म. एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स करके इन्होंने कुछ कहने की कोशिश की दैट ये 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों तो पक्का फॉरेन कंपनी होने वाले. क्या? पहला, फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 379 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओके, फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 379 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. उसके बाद में कह दो सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी. कोई भी फॉरेन कंपनी जो बताई है ऊपर उसकी कोई सब्सिडरी होगी तो वो भी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी. उसके बाद में एनी कैसे कहते हैं प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी या फिर जो आपका रजिस्टर ऑफिस होता है, राइट, एग्जैक्ट वर्डिंग ले लेते हैं यहां से, 100% फोकस यहां पे. रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी. समझना ध्यान से, आपके लिए याद रखना कितना आसान है. तो क्यों मैं लिख रहा हूं उसको, आप देखो अच्छे से. पहला क्या हो गया, फॉरेन कंपनी एक्ट पर 339, उसके बाद में सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, उसके बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी. तो एनी कंपनी विच इज अ फॉरेन कंपनी एक्ट पर 379 वो तो फॉरेन कंपनी है. एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी वो भी फॉरेन कंपनी. एनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, वहां से भी कुछ कंट्रीब्यूशन आता है तो फॉरेन कंपनी का ही माना जाता है ऐसा. तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी. ऑब्वियसली बात है ये तो. एंड लास्ट पॉइंट उन्होंने लिख दिया एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, खत्म हो गई यहां पर डेफिनेशन. लेकिन एमएनसी हमने आज तक जब भी सुना है बड़े जनरल पैरेलेंस में सुना है. तो आप सबके दिमाग में आ रहा है एमएनसी मतलब क्या. एमएनसी हमने बड़े जनरल पैरेलेंस में सुना है कि हाँ ये एक एमएनसी है, एक एमएनसी है, एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारी कंट्रीज में है एमएनसी है. लेकिन लॉ उसको इतना जनरलाइज तरीके से नहीं रखते, इसलिए लॉ को उसको डिफाइन करना पड़ा. For the purpose of this subclause, a corporation incorporated in a foreign country or territory shall be deemed to be MNC if such corporation. MNC किसे माना जाएगा? एक ऐसी corporation which is incorporated in a foreign country and has a subsidiary or a branch or place of business in two or more countries or territories. उसकी subsidiary, place of business, branch कम से कम दो या उससे ज्यादा countries में है. Carries on business or otherwise operates in two or more countries. ठीक है, या तो उसका सब्सिडरी है, ब्रांच है, प्लेस ऑफ बिजनेस है दो या दो से ज्यादा कंट्री में, या फिर वो ऑपरेट करता है, कैरीज ऑन बिजनेस अदरवाइज ऑपरेट्स इन टू और मोर कंट्रीज. तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज भी अगर आप सेटिस्फाई कर जाते हैं तो आप एमएनसी बच जाते हैं. बहुत इजी डेफिनेशन, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, एमएनसी रिफर्स टू कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. एमएनसी रिफर्स टू कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड ईदर which has place of business, registered office in two or more countries, or which has operation of business, which operates its business in two or more countries. खत्म, बात खत्म, finish. तो ये हो गया MNC, बहुत आसान. अब इन्होंने ऐसे थोड़ा ज्ञान बांटने की कोशिश की, सुनना. एग्जाम्पल, ये फर्स्ट डेफिनेशन की फॉरन कंपनी, बहुत आसान डेफिनेशन है. फॉरन कंपनी रिफर्स टू अ कंपनी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स फॉरन कंपनी एज पर 379 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सब्सिडरी ऑफ अ फॉरन कंपनी, प्रिंसिपल बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंपनी एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, खत्म. अब कुछ ऐसी आपको समझाने की कोशिश कर रही है. एग्जाम्पल 1, वेदर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट हैविंग इट्स ऑपरेशन इन टू और मोर कंट्रीज इज टू बी ट्रीटेड एज एमएनसी और नॉट. एमएनसी मानेंगे अगर एक कंपनी है इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और उसके ऑपरेशन दो तीन कंट्रीज में है तो क्या उसको एमएनसी मानेंगे? क्या एमएनसी की डेफिनेशन में क्या लिखा है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया.
कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेट इन अ फॉरेन कंट्री। तो भाई साहब अगर इंडिया में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और भले उसके फॉरेन कंपनी फॉरेन कंट्रीज में भी ऑपरेशन है वो एमएनसी नहीं कहलाएगी। एमएनसी की डेफिनेशन क्या कहती है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज ईदर प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड ऑफिस इन टू और मोर कंट्रीज और विच हैज इट्स बिजनेस ऑपरेशंस इन टू और मोर कंट्रीज। आई होप इट इज सुपर इजी। चलो फर्स्ट डेफिनेशन सॉर्टेड, बहुत ज्यादा आसान डेफिनेशन थी, द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी। चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we are heading towards the second definition. Second definition is foreign source. Foreign source मतलब किस किस पैसे को, किस किस चीज को हम बोलेंगे कि foreign source से आया, वहां से। foreign source मतलब हमारा कहां से आ रहा है। मान लीजिए हम अगर मान लीजिए इंडिया की किसी जगह से पैसा लेते हैं तो वो foreign source से थोड़ी ना आ रहा है, तो foreign source के कहां से पैसा आएगा तो उसको foreign contribution माना जाएगा। कहां से पैसा आएगा तो उसको foreign contribution माना जाएगा। foreign source क्या होता है? एकदम शांति से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो फॉरेन सोर्स इंक्लूड्स, इन्होंने मींस करके टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा इंक्लूड्स बोला कि ये सारी चीजें फॉरेन सोर्स होती है। क्या? द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी और एंड एनी एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट और उसकी एजेंसी। मान लीजिए कल को चाइना जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, चाइनीज गवर्नमेंट, हमारे लिए चाइनीज गवर्नमेंट या उसकी कोई भी एजेंसी, जैसे कि उनका हर एक अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वैसे एक सेंट्रल बैंक होता है, तो उनका जो सेंट्रल बैंक है वो, तो कोई भी गवर्नमेंट या उसकी कोई भी एजेंसी फॉरेन सोर्स कहलाएगी। नेक्स्ट एनी इंटरनेशनल एजेंसी, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी वो फॉरेन सोर्स कहलाएगी। बट सुना केयरफुली, बट इंटरनेशनल एजेंसी डज नॉट इंक्लूड नॉट बीइंग द यूनाइटेड नेशंस और एनी ऑफ इट्स स्पेशलाइज एजेंसीज, द वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और सच अदर एजेंसी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। क्या कहने की कोशिश करें सुनना, कि कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी है, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी है तो वो फॉरेन सोर्स है। कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा आ रहा है तो फॉरेन सोर्स से, एक्सेप्ट फॉर यूनाइटेड नेशंस और इट्स स्पेसिफाइड एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा, ये फॉरेन सोर्स नहीं होंगे। बिकॉज इनका काम ही सब कंट्रीज की मदद करना है और देर आर मेंबर कंट्रीज, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री को बिलोंग करता हुआ नहीं कह सकते, बहुत सारी कंट्रीज इसकी मेंबर है। तो क्या कह रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी से अगर आपको पैसा आता है वो इंटरनेशनल एजेंसी फॉरेन सोर्स मानी जाएगी, एक्सेप्ट फॉर United Nations and its agencies, World Bank, IMF, ये सब नहीं कवर होंगी इन foreign source. Next, a foreign company, of course ये बात है, foreign company foreign source रहेगी, तो government हो गई बाहर की या उसकी कोई भी agency हो गई, international agencies हो गए, foreign company हो गई, foreign source है। A corporation not being a foreign company incorporated in a foreign country or territory, एक ऐसा corporation जो कि foreign company तो नहीं है but still it has been incorporated in a foreign country or a territory, कि कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन जो कि फॉरेन कंपनी में कवर नहीं हुआ लेकिन वो इनकॉर्पोरेट हुआ इंडिया के बाहर, तो उसको भी हम यहां पर इंक्लूड करेंगे, वो भी फॉरेन सोर्स है। एनी कॉरपोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी होता तो बात ही खत्म है। अ कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये नॉट बीइंग को मैं ब्रैकेट में डालता हूं, अ कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी। क्यों कह रहे हैं, फॉरेन कंपनी में कंपनी वर्ड पे फोकस, कोई भी कॉरपोरेशन है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ कोई भी कॉरपोरेशन है। आई होप आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, कॉरपोरेशन इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू अ कंपनी, कॉरपोरेशन इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू कंपनी। तो कोई भी कॉरपोरेशन जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है वो सब डेफिनेशन में कवर होंगे ऑफ अ फॉरेन सोर्स। नेक्स्ट अ मल्टीनेशनल कंपनी, कॉरपोरेशन रिफर्स इन सेक्शन पीछे वाला, तो एमएनसी है वो भी फॉरेन सोर्स होगा। उसके बाद में अ कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 प्रेजेंटली 13 एंड कोई भी कंपनी हैविंग मोर देन वन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर कैपिटल हेल्ड इधर सिंगली और एग्रीगेट बाय वन ऑफ द और मोर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी, सिटीजन्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, कॉरपोरेशंस इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, ट्रस्ट, सोसाइटी, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्मड और रजिस्टर्ड इन अ फॉरेन कंट्री और अ फॉरेन कंपनी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई एक कंपनी है, ठीक है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, मान लो इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, लेकिन उसके 50% उससे ज्यादा जो शेयर्स हैं या तो फॉरेन गवर्नमेंट के पास है या फॉरेन कंपनी के पास है या फॉरेन किसी कॉर्पोरेशन के पास है, ट्रेड यूनियन के पास है जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिविजुअल सिटीजन जो फॉरेन के हैं उनके पास है, कहने का मतलब भली कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन उसके जो मोर एटलीस्ट 50% और मोर देन वन ऑफ, तो रेदर आई शुड से मोर देन 50%, मोर जैसे कि होल्डिंग कंपनी का रूल होता है ना, मोर देन 50% वैसे ही जिसका 50% से ज्यादा शेयर्स आर हेल्ड बाय दीज फॉरेनर्स, इंडिया के बाहर कंट्रोल है, वो फॉरेन कंपनी हो सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती है, वो
आपके सिटीजन ऑफ फॉरन कंट्री हो सकते हैं, फॉरन कॉर्पोरेशन हो सकती है, ट्रस्ट सोसाइटी एसोसिएशन हो सकता है, तो कोई भी ऐसी एंटिटी जो विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और फॉरन सिटीजन, ये अगर ओन करते हैं मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये जो कंपनी है ये भी फॉरेन सोर्स मानी जाएगी। हो मतलब कहने का मतलब है सर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई, यहां फॉर एग्जांपल ले लो हिंदुस्तान यूनिलीवर, एग्जांपल ले रहा हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल, मान लेते हैं कि ये इस कंपनी के 55% शेयर्स आर हेल्ड बाय यूनिलीवर कंपनी विच इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की कंपनी है यूनिलीवर और वो 55% शेयर्स होल्ड करती है हिंदुस्तान यूनिलीवर के, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट, बट मोर देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इन इंडिया जो ये कंपनी है इसको भी फॉरेन सोर्स माना जाएगा, provided that where the nominal value of share capital is within the limit specified for foreign investment under foreign exchange or the rules regulation made there under, then notwithstanding the nominal value of the share capital of a company being more than one half of such value at the time of making the contribution, such company shall not be a foreign source. ये भी आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। FEMA पढ़ने का भी आपको समझ में आएगा कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे 50% से ज़्यादा शेयर्स किसी फॉरेन कंपनी के पास है, ठीक है, लेकिन वो फेमा ने अलाउ किया हुआ है, लेकिन वो फेमा ने एक्सप्रेसली अलाउ किया है, फेमा इज अलाउड मोर देन 50% शेयर्स, अगर फेमा ने एक्सप्रेसली मोर देन 50 अलाउ किया हुआ है तो उससे फॉरेन सोर्स नहीं बोला जाएगा, उसे फॉरेन सोर्स नहीं बोला जाएगा। तो ये आपको फेमा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने के बाद ही मजा आएगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो एक दो जगह पे FCRA में फेमा का रेफरेंसिंग है, बट वो इतनी छोटी है कि फेमा पढ़ने के बाद में आपको खुद से आराम से समझ जाएगा। उसके अंदर भी खत्म नहीं हुआ फॉरेन सोर्स का मतलब, अ ट्रेड यूनियन इन अ फॉरेन कंट्री टेरिटरी, अ फॉरेन ट्रस्ट और अ फॉरेन फाउंडेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड और सच ट्रस्ट और फाउंडेशन मेनली फाइनेंस बाय फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, या तो फॉरेन ट्रस्ट फाउंडेशन है या ऐसा ट्रस्ट और फाउंडेशन विच इज मेनली फाइनेंस बाय फॉरेन कंट्री, अ सोसाइटी क्लब और अदर एसोसिएशन इंडिविजुअल फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, नहीं बस यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद में एक समरी दे रखी है, सुनना मेरी बात को बहुत आराम से, बहुत आराम से। हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फॉरेन सोर्स क्या होता है। देखो कुछ चीज़ें दिमाग में क्लियर है कि भाई इंडिया के बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है तो फॉरेन सोर्स होगा, इंडिया के बाहर से कोई मतलब आप लॉजिक लगाओ। पहली चीज सर क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बोल देंगे राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन सोर्स, जी नहीं आ सकता। फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए, तो आप लॉजिकली समझो। पहली चीज तो क्या, मैं इंडिया में हूँ, इंडिया के बाहर से कोई भी अगर पैसा आ रहा है तो फॉरेन सोर्स होता है मोस्टली, समझ में आ रहा है। तो कुछ चीजें तो वेरी ऑब्वियस है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जिस पर आपको एक्सप्रेसली ध्यान देना है, समझना अच्छे से, एकदम फ्रेश तरीके से समझता हूं। फोकस, इट्स वेरी इजी, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट डेफिनेशन, ऐसा समझो, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले देखो, जो मुझे ऐसा है कि यहां पर कंफ्यूजन ही नहीं है, मान लो कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, चाइनीज गवर्नमेंट इज गिविंग सम कंट्रीब्यूशन इंडिया, चाइनीज गवर्नमेंट इज मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, क्या चाइनीज गवर्नमेंट फॉरेन सोर्स में आएगा? हाँ, कोई डाउट ही नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट है, फॉरेनर ही तो है तो फॉरेन सोर्स में ही आएंगे, कोई डाउट ही नहीं, इजी पॉइंट है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ फॉरेन सोर्स ही है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने लायक क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉरेन सोर्स है, नॉट बींग United Nations or any of its specialized agency, World Bank, International Monetary Fund, मतलब ये लोग अगर इन लोगों से पैसा आया तो वो फॉरेन सोर्स नहीं है, ये स्टार मार्क पॉइंट हो गया कि हाँ यार ये अलग है। बाकी अगर इंडिया के बाहर से कोई भी इंटरनेशनल फंड, इंटरनेशनल एजेंसी भी दे रहा है तो वो भी क्या है हमारे लिए, फॉरेन सोर्स है। नेक्स्ट, एक फॉरेन कंपनी, ऑब्वियसली बात है फॉरेन कंपनी है, पैसा दे रही है, फॉरेन सोर्स है। नेक्स्ट आता है अ कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन सोर्स है। इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, कोई भी चीज विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी वो तो फॉरेन सोर्स होगा ही से, ठीक है। उसके बाद में एमएनसी, अभी तो बड़ा एमएनसी का मतलब ही क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ गया एमएनसी का, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन रिफर्स टू कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, राइट, एंड हैविंग इट्स बिजनेस ऑपरेशन मोर देन टू और मोर कंट्रीज एंड और हैविंग इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर ऑफिस इन टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। तो बेसिक लाइन क्या है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो जैसे इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वो भी बाहर भेज दिया उसको। उसके बाद में इस कंपनी को स्किप करके आगे बढ़ता हूं, अ ट्रेड यूनियन और इन अ फॉरेन कंट्री वेदर और नॉट रजिस्टर्ड इन सच फॉरेन कंट्री, क्या कह रहे हैं, कोई भी ट्रेड यूनियन जो कि फॉरेन कंट्री में है भले रजिस्टर्ड है या नहीं है, एनी ट्रेड यूनियन फॉरेन कंट्री वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, मतलब ट्रेड यूनियन भी कहां है, फॉरेन कंट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो मतलब इनकॉर्पोरेटेड और नॉट बट इट इज आउटसाइड इंडिया, तो बात खत्म, ये भी फॉरेन सोर्स में आएगा। फॉरेन ट्रस्ट और फॉरेन फाउंडेशन, कोई भी फॉरेन ट्रस्ट या फाउंडेशन है, फॉरेन ट्रस्ट या फाउंडेशन है, नाम में ही लिखा है फॉरेन है, ये भी फॉरेन सोर्स के अंदर इंक्लूड होने वाला है, भले ही मान लिया, आप सुनना केयरफुली क्या है, फॉरेन सोर्स और फाउंडेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड और सच ट्रस्ट और फाउंडेशन विच इज मेनली फंडेड
बाय अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी. तो कोई भी एक ट्रस्ट और फाउंडेशन जो कि है ही फॉरेन, या फिर फॉरेन नहीं भी है तो विच इज मेनली ट्रस्टेड बाय फॉरेन सोर्सेस. नेक्स्ट, अ सोसाइटी, क्लब और एसोसिएशन इंडिविजुअल फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया. वापस वही बात, इंडिया के बाहर हुआ है. अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री. तो एक भी पॉइंट में मुझे लगता नहीं कि आपको एग्जामिनर घुमा पाएगा कि बताओ ये फॉरेन सोर्स है. उन्होंने 5 पॉइंट्स दे दिए, बताओ ये फॉरेन सोर्स है कि नहीं है. आई थिंक यू विल बी एबल टू कंफर्टेबली हैंडल इट. हाँ सर, ये इनकॉर्पोरेट ऑप्शन इंडिया, इनकॉर्पोरेट ऑप्शन इंडिया, बाहर 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 फंड है, कोई भी ट्रस्ट वगैरह है तो या तो फॉरेन ट्रस्ट ये फंड है, फाउंडेशन है, नहीं तो अगर मान लीजिए फॉरेन नहीं भी है तो इट इज मेनली फाइनेंस्ड बाय अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी. ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रेड यूनियन वगैरह भले रजिस्टर्ड और नॉट आउटसाइड इंडिया फॉरेन. तो आई थिंक कहीं को कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है. फिर आता है एक और पॉइंट जिसको मैं 4 मार्क पॉइंट देता हूँ. क्या एक कंपनी, एक कंपनी विच इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट जिसके मोर देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंट्री सिटीजन, फॉरेन कंट्री कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और फॉरेन कंपनी. तो अगर मान लीजिए एक कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया लेकिन उसके 50% ज्यादा शेयर्स इनमें से कोई लोग होल्ड करते हैं तो वो भी कहलाएगी एक फॉरेन सोर्स. तो हम अगर सारे पॉइंट्स देखते हैं, सारे पॉइंट्स काफी आसान है, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जिनको आपको 4 मार्क कर लेना है. एक हो गया कि कौन सी कंपनी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होने के बावजूद फॉरेन सोर्स कहलाएगी. जी हाँ. और एक ऊपर कि यार ये वर्ल्ड बैंक से IMF से अगर मान लीजिए बात करते हैं तो ये फॉरेन सोर्स नहीं कहलाएंगे. नहीं. तो दीज आर 2 पॉइंट्स जिसके अंदर अगर एग्जाम में कभी एग्जाम में मान लीजिए 5 पॉइंट आ गया और एग्जामिनर ने पूछा बताओ फॉरेन सोर्स है नहीं, तो ये 2 में ही आप गलती कर सकते हैं, अदरवाइज आप गलती नहीं कर सकते. अरे अदरवाइज तो नाम ही क्लियर है ना, वो आपको बस क्या कंफ्यूज कर देंगे, ट्रेड यूनियन है इंडिया के बाहर क्रिएट हुआ है बट रजिस्टर्ड नहीं है. फिर अरे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, है तो इंडिया के बाहर ना, फॉरेन सोर्स, बात ही खत्म. कोई एक फाउंडेशन या कोई ऐसा ट्रस्ट है जो कि फॉरेन है तो फॉरेन सोर्स है. नहीं नहीं, फॉरेन नहीं है लेकिन विच इज फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंट्रीज, फिर भी फॉरेन सोर्स. तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है. और फिर चाहिए तो इनको भी 4 मार्क कर लेते हैं ताकि आप बच्चे कहीं भी यहां पर गलती नहीं कर पाए. बस तो ये 4 जगह पे 4 मार्क कर लो. तो ये 4 अगर आपने ध्यान रख लिया, रीड करने हैं, याद भी नहीं करने हैं, ये 4 अगर आपने ध्यान रख लिया तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता. चल, सो द सेकंड डेफिनेशन वी हैव रेड इज फॉरेन सोर्स. वेरी इजी डेफिनेशन. सबसे पहले पढ़ा फॉरेन कंपनी, फिर उन्होंने पढ़ा फॉरेन सोर्स. बहुत ज्यादा आसान चल रहा है, अभी तक कहीं कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है. चल, वह ये क्या किया इन्होंने, मतलब मॉड्यूल ने क्या किया था, पहले फॉरेन सोर्स को पूरा पढ़ाया फिर उसका एक समराइज दिया हुआ चार्ट फॉर्म में. तो ये डेफिनेशन ऑफ फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है, बाहर की गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी. लेकिन जानकारी इंटरनेशनल एजेंसी में ये UN वगैरह को एक्सक्लूड किया है. फॉरेन कंपनी, कॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट फॉरेन कंट्री, MNC, कंपनी. कंपनी के अंदर भी क्या है, पूरा पूरी कहानी है फिर उसकी, कि कंपनी ऐसी जो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया है लेकिन उसके मोर देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय दोस पीपल. तो यहाँ पे हमने 4 मार्क लगाया, ध्यान रखना है. यहाँ पे हमने 4 मार्क लगाया, ध्यान रखना है. ट्रेड यूनियन 4 मार्क, कि ट्रेड यूनियन क्रिएटेड इन अ फॉरेन कंट्री वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इरिस्पेक्टिव फॉरेन सोर्स ही होगा. फिर फॉरेन ट्रस्ट और फाउंडेशन, फॉरेन ट्रस्ट और फाउंडेशन अगर है तो बेस्ट फॉरेन है, और अगर फॉरेन ट्रस्ट और फाउंडेशन नहीं भी है लेकिन विच इज मेनली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंट्रीज तो भी उसको हम फॉरेन सोर्स में इंक्लूड करते हैं. सोसाइटी, क्लब, वो जो इंडिया के बारे में, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, ये तो है ही डेफिनेशन ऑफ फॉरेन सोर्स. एक सिंपल तरीके से ध्यान रखते हैं, 4 पे 4 मार्क क्यों करना है. अगर एग्जाम के एक दिन पहले आप जल्दबाजी में भी रीड करें तो 4 का 4 मार्क देखिए, हाँ इसके अंदर एक एक स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रहेगा. चलिए, ये मैंने आपको बता दिया एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है, रीड कर सकते हो आप कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, यहां से जो पैसा आता है उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है, इसलिए इन्हें फॉरेन सोर्स भी नहीं माना जाता है. कि जो यूनाइटेड नेशंस है, IMF है, इन सबको फॉरेन सोर्स नहीं माना जाता है. ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, वही चीज वापस दी है. चलिए यार, विद द सेम ज़ील लेट्स हिट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. चलो यार आ जाओ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं अच्छे से. अब आगे हमने क्या पढ़ा, फॉरेन कंपनी क्या होती है, आसान था. उसके अंदर फॉरेन सोर्स भी देख लिया, आसान है. अब आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर, रुकना. फॉरेन सोर्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन. सर ये लिखने से क्या होता है, सर ये अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है. बेटा जी थोड़ा सा आपको समय मिलता है उस चीज को अच्छे से अब्सॉर्ब होने के लिए और एक ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट से समझ में आता है. चलो फिर आते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन. चलो एकदम शांति से, एकदम शांति से. क्या आखिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अरे हम तो इतनी देर से बात कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन के सेक्शन 3 कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. अब जाके हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंट्रीब्यूशन. आइडियली कैसा है यारों,
कभी कभी क्या होता है कि डेफिनेशन चैप्टर के पहले पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन अगर चैप्टर के पहले पढ़ ले तो बड़ा ड्राई लगता है, उसका हमें पर्पज ही समझ में नहीं आता कि वो डेफिनेशन वैसी क्यों बनाई गई है। लेकिन अब अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन का आपको पर्पज समझ में आ रहा है कि अरे हाँ ये डेफिनेशन इसलिए बनाई गई ऐसा। तो फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 3 पूरा का पूरा ऑलमोस्ट उन लोगों को प्रोहिबिट करता है फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। तो देखते हैं आखिर फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन होता क्या। अच्छा एकदम ईजी डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 4 मार्क कर देता हूं। दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज ये पूरा जो एक्ट है यही दो कंसेप्ट पे तो बेस्ड है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी रेस्ट्रिक्शन है और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पे भी रेस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए दो डेफिनेशन खास इंपॉर्टेंट हो जाती है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। चलो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स द डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर, डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर, डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर, DDT, बहुत ही बढ़िया, DDT बहुत ही बढ़िया, HHH की DDT। ए चलो कोई एकदम लाइटर नोट पे आओ, यहां पे गधों जैसी बातें मत करो मेरे साथ में। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मींस द डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर, डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर DDT मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स अभी जो पढ़ के आए, किसी भी फॉरेन सोर्स ने अगर DDT किया, किसी भी फॉरेन सोर्स ने अगर DDT किया तो दैट इज नोन एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? फॉरेन सोर्स ने अगर DDT किया है, DDT डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर, सर किस चीज का? ऑफ एनी आर्टिकल, एनी करेंसी और एनी सिक्योरिटी। एक्सप्लेनेशन में जाएंगे ठीक है, एग्जाम्पल में जाएंगे ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे ठीक है, फोकस करना। अगर किसी भी फॉरेन सोर्स ने DDT किया, किसका? किसी भी आर्टिकल का, किसी भी करेंसी का या सिक्योरिटी का। सुना ध्यान से, किसी भी फॉरेन सोर्स ने अगर DDT किया ACS का, ये ACS की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको बहुत कंफर्टेबली याद रहेगा आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी, तो उसे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। बात ही खत्म हो गई। अरे मैं क्या कह रहा हूं, खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, अरे मैं मुझे रोको मत, मैं जा रहा हूं, बस बस बस, मैं निकल गया। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स मोर, फॉरेन सोर्स ने DDT किया है ACS का, फॉरेन सोर्स ने DDT किया है ACS का। सर मतलब DDT का मतलब हमने पढ़ा क्या, आप समझ लो उसने डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर। सो फॉरेन सोर्स ने अगर DDT किया है, डोनेशन डिलीवरी या ट्रांसफर किया है टू ऑफ ACS, ऑफ ACS, ACS बोले तो आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी। तो ये तो हम एक्ट में बार बार देखते हैं, तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम आ रही होगी आपको यहां पे। तो अगर किसी भी फॉरेन सोर्स ने DDT किया है ऑफ ACS, दैट इज नोन एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। खत्म हो गया। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फॉरेन सोर्स ने डोनेशन डिलीवरी या ट्रांसफर किया ऑफ एनी आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी, दैट इज नोन एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, हो गया बस, अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या लिखा है। अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स द डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, एनी करेंसी, वेदर इंडियन और फॉरेन, फॉरेन तो भले फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी हमने पहले पढ़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी करेंसी में हो सकता है, तो भले इन करेंसी फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी, ऑफ एनी सिक्योरिटी एज डिफाइंड इन द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड इंक्लूड्स एनी फॉरेन सिक्योरिटीज डिफाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो सिक्योरिटी इंक्लूड्स व्हाट? सिक्योरिटी डिफाइंड अंडर SCRA, जो आपके सिलेबस से हट गया, मैंने बताया था SCRA 1956, सिक्योरिटी डिफाइंड अंडर SCRA 1956 एंड इंक्लूड्स अ फॉरेन सिक्योरिटी डिफाइंड अंडर FMI। तो सिक्योरिटी मीन्स व्हाट? सिक्योरिटी डिफाइंड अंडर SCRA एंड फॉरेन सिक्योरिटी डिफाइंड अंडर FMI। चलो ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? अगर कोई भी फॉरेन सोर्स ने DDT किया है ACS का। अब यहां पे एक एक्सेप्शन दिया है, देख लेते हैं एक्सेप्शन क्या दिया, कि डेफिनेटली कोई भी फॉरेन सोर्स से अगर कभी कोई भी आर्टिकल आया तो वो तो हो जाएगा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, बट उन्होंने एक्सेप्शन क्या दिया है, एन आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन एज अ गिफ्ट फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है फॉर हिज पर्सनल यूज, इफ द मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल एज ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट इज नॉट मोर देन सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सम स्पेसिफाई कर रखा है? एक पेटी। तो अगर कोई भी फॉरेन सोर्स से आपको एक पेटी का गिफ्ट आता है
1 lakh तक गिफ्ट आता है तो दैट इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स, दैट इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स. ओके, बट रूल्स मेड बाय इन दिस बिहाफ द सम हैज बीन स्वेटेड एज 1 lakh एज पर रूल 6A ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट. तो इसका कहने का मतलब क्या है कि व्हाट इन बाय फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कोई भी फॉरेन सोर्स डीडीटी देता है एफ ए सी एस का तो दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. लेकिन ए में अगर कोई आर्टिकल दे रहा है ना आपका 1 lakh तक का, 1 lakh तक का अगर कोई आर्टिकल दे रहा है तो वो इस लिमिट के बाहर है. अरे क्योंकि यार बाहर से हमारे लोग, आपने देखा होगा ना मूवीज में कि बाहर से, आपने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया होगा बट मूवीज में जरूर देखा होगा कि कोई बाहर हमारा व्यक्ति गया है और वो जब आया, बाहर से हमारा कोई व्यक्ति वहां बाहर रहता है, वो आया और उसने आकर हमको भैया ऐसे बैग से निकाला, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. फॉरेन सोर्स अ सिटीजन आउटसाइड इंडिया, हाँ हाँ हमारा चाचा है सिटीजन है आउटसाइड इंडिया के, अ सिटीजन आउटसाइड इंडिया इज गिविंग मी समथिंग एन आर्टिकल बट जिसका वैल्यू 1 lakh के अंदर है, 1 lakh के अंदर है तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा. सो मान लो मेरे चाचा आए और मुझे एक ऐसी चीज देखेगा जिसकी वैल्यू 1 lakh से ज्यादा है तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. मतलब आपके चाचा आए और आपको गिफ्ट में दे दिया उन्होंने एक, आजकल तो मोबाइल भी 1 lakh के ऊपर हो जाते हैं यार, आईफोन, वो भी कौन सा एकदम वो 12, 13 Pro Max सुपर मैक्स आई जो भी आता है सब कुछ, ठीक है, और वो आता है 1,50,000 का फॉर एग्जांपल, तो भैया जी वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया. तो अगर उन्होंने आपको 1 lakh से कम का दिया है तो ये लिमिट पहले 25,000 थी, अमेंड करके इसको 1 lakh, 25,000 में आजकल क्या आता है भैया, आर यू अंडरस्टैंडिंग. सो बाहर से कोई आ रहा है तो 25,000 का आएगा तो बोलेंगे भैया वापस जाओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग. तो इट इज जस्ट कि फॉरेन सोर्स का व्यक्ति, फॉरेन सोर्स से अगर कोई आपको 1 lakh इंडियन मार्केट प्राइस होनी चाहिए उसकी, इंडियन मार्केट प्राइस उस आर्टिकल की अगर 1 lakh तक है, अब इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है बट हाँ 1 lakh तक है, देन उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फॉरेन कंट्रीब्यूशन कवरेज में नहीं आएगा. ठीक है बेटा जी, और आप क्या सोच रहे हो यार, आपके अगर कोई विलायत से आते हैं तो क्या लेकर आते हैं, वो आई लव ऑस्ट्रेलिया के टी शर्ट लेकर आएंगे 250 रुपए के, तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है, आप बस इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो. ठीक है, बिल्कुल लोड मत लो आप ऐसा कि सर हमारे साथ लाइफ में क्या होगा, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है. तो हमने पढ़ा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई भी फॉरेन सोर्स अगर डीडीटी होता है ए सी एस का दैट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. चलो अब इन्होंने आपको समझाने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन लाए हैं, समझना. एक्सप्लेनेशन नंबर वन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन नंबर वन, अ डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल करेंसी और फॉरेन सिक्योरिटी, ठीक है, डीडीटी ऑफ एसीए एसीएस बाय एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स इधर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर पर्सन. अरे यार अगर मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति फॉरेन सोर्स से डायरेक्टली नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति है उससे फॉरेन सोर्स से मिला था क्या एसीएस और अब वो कर रहा है डीडीटी ऑफ एसीएस तो क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा क्या? क्या लिखा है, शेल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज. क्या कह रहे हैं समझ में आपको कि मान लीजिए विलायत से एक व्यक्ति है, उसने लाके दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए इज नाउ डूइंग द डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ दैट आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी तो क्या ये भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है? द आंसर इज येस, ये भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है. आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि फॉरेन सोर्स से डायरेक्टली नहीं आ रहा है, फॉरेन सोर्स से किसी एक व्यक्ति के पास है और वो व्यक्ति आपको दे रहा है तो भी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट सुनना, दी ये भी इंपॉर्टेंट है, दी इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड इन एनी बैंक रेफर टू सेक्शन 17(1). 17 कौन सा था, याद आ रहा है क्या आपको? 18 था इंटीमेशन, 17 आपको बताता है भारत से अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाना चाहते हैं तो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू दिल्ली के ब्रांच में ही एफसीआर अकाउंट में रखना होगा. तो ये कह रहे हैं कि ये जो आप मैंडेटरी अकाउंट से आप रूट करके लाते हैं वहां से अगर कोई इंटरेस्ट आ गया, वहां से अगर कोई इंटरेस्ट आ गया तो दैट इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. क्या कह रहे हैं, कोई इंटरेस्ट और एनी अदर इनकम डिराइव फ्रॉम द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन शेल ऑल्सो बी डीम टू बी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन. तो दो चीजें क्या सीखी हमने, सबसे पहली चीज कि अगर फॉरन सोर्स से किसी एक्स व्यक्ति को दे दिया जो फॉरन सोर्स में कवर नहीं होता है और ये व्यक्ति अगर डीडीटी कर रहा है आगे डोनेशन डिलीवरी या ट्रांसफर कर रहा है सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन. सेकंड की जो फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आया था इस पर अगर कोई इंटरेस्ट या कोई इनकम जनरेट हुई तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन. दो एक्सप्लेनेशन क्लियर होने चाहिए. एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री, एनी अमाउंट रिसीव्ड by any person from any foreign source in India, any amount received by any person from any foreign source in India by way of fee. यार अगर मैंने fees के नाम पे कोई पैसा लिया तो including fees charged by educational institution India for from foreign students, मतलब हमने किसी ने भी fees के नाम पे कोई पैसा लिया कि मैंने बाहर को कोई services दी थी, मैंने बाहर वाले को कोई services दी थी और services दी उसके बदले उसने मुझे fees दी है, या फिर आप ऐसा समझो कि कोई foreign students जो इंडिया में आते हैं और वो colleges को अपनी fees देते हैं तो क्या ये fees भी foreign contribution है, या फिर
towards costs in lieu of goods and services rendered by such person in the ordinary course of business, trade or commerce, whether within India or outside India. या फिर ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति इंडिया से गुड्स भेज रहा है और बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं वो और एनी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एन एजेंट ऑफ अ फॉरन सोर्स टूवर्ड सच फी और कॉस्ट. या फिर कोई एजेंट का हमने काम किया उसके लिए और हमें फीस या उसका कॉस्ट मिल रहा है, क्या ये फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा क्या? नहीं भैया जी, ये तो धंधा है ना. Shall be excluded from the definition of foreign contribution within the meaning of this clause. सुनना, foreign contribution mostly क्या donation type की चीज़ आ रही है. यहाँ पे क्या रहा है कि हमने बाहर कोई goods बेचे उसका पैसा ले रहे हैं, हमने कोई services दी उसका fees ले रहे हैं, तो ये foreign contribution में include नहीं होता है. ये हमने already बताया, कहाँ पढ़ा था आपको याद है कि कोई मुझे बताया कि किस सेक्शन में ऐसी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कि हमने कोई सर्विसेज दी है तो उसका पैसा लेना, कोई गुड्स दिया है तो उसके पैसे लेना, ये सब पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ये हमने एक सेक्शन में पढ़ा था. क्या मुझे कोई वो सेक्शन बता पाएगा कि ये सब चीजें अलाउड है, इन सब तरीकों से पैसे लेना अलाउड था? कोई मुझे वो सेक्शन बता पाएगा? क्या सेक्शन बता पाएगा कोई मुझे जिसके अंदर आपको पढ़ाया था कि अगर वो अपनी सर्विसेज वगैरह दिए तो फिर चलेगा? बहुत पहले बताया था. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? सबसे पहले सेक्शन 3 पढ़ाया था आपको, कह रहा हूं. सेक्शन 3 में कहा था दैट दीज पीपल आर प्रोहिबिटेड टू टेक फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. फिर उसका एक्सेप्शन पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या? उसका एक्सेप्शन पढ़ाया था मैंने सेक्शन नंबर 4 के अंदर, दैट सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई इन सर्टन केसेस, है ना. और उसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि अगर आपने आप एजेंट है, आपने कोई सर्विसेज दी और उसका पैसा आ रहा है, राइट, तो ये सब स्टाइपेंड वगैरह का पैसा आ रहा है, तो उन सब सर्कमस्टांसेस में उससे वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो आप फ्रीली ले सकते हैं. सेक्शन नंबर 4. चल, अब ये हो गया आपका. हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंट्रीब्यूशन? फॉरेन कंट्रीब्यूशन सिंपली मींस कि फॉरेन सोर्स से डीडीटी हो रहा है ऑफ एसीएस. फॉरेन सोर्स से डिलीवरी, डोनेशन, ट्रांसफर हो रहा है आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी का, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन. फिर 3 पॉइंट पढ़ लिए कि यार मान लीजिए बाहर से अगर आ रहा है और मान लीजिए फॉरेन सोर्स से एक व्यक्ति ने लिया और वो व्यक्ति आगे डीडीटी कर रहा है तो भी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है. उसके बाद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन में कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी इनकम जनरेट हुई तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है. और फिर लास्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी फीस या गुड्स बेचे हैं उसके पैसे ले रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एक्सक्लूड होता है. आई होप यू आर क्लियर. वंडरफुल, वेरी गुड सुमित. चलो, यस. अब इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आई विल टेल यू. आपको कौन से एग्जाम्पल में कुछ सीखने को मिलेगा? चलिए एक बार रीड कर लो सारे एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा, बाकी ठीक है. एक फेमा रिलेटेड है तो वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मतलब यू विल वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट राइट नाउ. रीड एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6 and 7. एक बार आप खुद से रीड करो, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई लोड नहीं है. पहले आप खुद से रीड करो, ठीक. कुछ एग्जाम्पल से ICAI ने आपको कुछ और भी चीजें समझाने की कोशिश की है. रीड ऑल दी एग्जाम्पल्स. काफी आसान चल रहा है, इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं. व्हाट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन? कोई भी फॉरेन सोर्स से डीडीटी हो रहा है ऑफ एसीएस, दैट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. इजी. उसके अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सुना, एक और चीज लिख देता हूं. रुको, रीड करने के पहले लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी. फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स. फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स, ऐसे करके भी कुछ लिख देता हूं. फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, समझना. फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा कि आपने अगर मान लीजिए बाहर से पैसा मंगवाया, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट हुई जनरेट हुआ है या फिर उसके ऊपर कोई इनकम जनरेट हुआ है तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड होता है. और मान लीजिए, समझना अच्छे से, ये है फॉरेन सोर्स, इसने किसी व्यक्ति को ये दे दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इसने पैसे दे दिए, ठीक है ना, इसने दे दिया है कुछ भी आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी, इसने ACS किसी भी व्यक्ति को दिया और इस व्यक्ति ने फिर ACS मान लीजिए हमारे यहां पे इंडिया में किसी व्यक्ति को दे दिया, इंडिया में किसी व्यक्ति को दे दिया, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. पहली चीज क्लियर भैया कि फॉरेन सोर्स ने, ये हमने सेक्शन नंबर 3 के नीचे सबसेक्शंस में भी पढ़ा था कि कोई व्यक्ति जो फॉरेन सोर्स है उसने किसी व्यक्ति को दिया और उसने इंडिया में दिया है तो भी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड होगा. दूसरी चीज इंक्लूड करता है एनी इंटरेस्ट अर्न्ड,
कोई भी इंटरेस्ट अगर आपने अर्न किया है और एनी इनकम. कोई भी इंटरेस्ट या इनकम अर्न किए. इफ इट ऑल यू हैव अर्नड एनी इंटरेस्ट और इनकम, इफ इट ऑल यू हैव अर्नड एनी इंटरेस्ट और इनकम, तो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है. सर एक्सक्लूड क्या होता है? एक्सक्लूड में हमने क्या पढ़ा समझना, अगर आपने कोई भी फीस के तौर पे पैसे गए, क्या मतलब है फीस रिसीव्ड इवन कॉलेज फीस, कि जो फॉरेन स्टूडेंट से पैसे आते हैं वो भी वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है. उसके बाद में फीस फॉर एनी सर्विसेस एंड कॉस्ट बाय एजेंट, कि मान लीजिए इंडिया में एक एजेंट है, उसने किसी फॉरेनर का कुछ काम किया, उससे फीस ले रहा है, वो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं है. इंडिया में एक एजेंट है, उसने फॉरेनर काम किया, उससे कॉस्ट और फीस ले रहा है. मतलब कॉस्ट मतलब यहां पे मेरा 5,000 रुपए लगा और 2,000 मेरी फीस, ये ले रहा है 7,000 रुपए, ये भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. और उसके बाद में एनी अमाउंट फॉर सेल ऑफ गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि अगर एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कोई गुड्स वगैरह भी बेचे तो वो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो सिंपल आसान भाषा में बोलू ना, तो हमने अगर कोई गुड्स या सर्विसेज दिए और बदले में कुछ फीस आ रहा है तो दिस इज नॉट कवर अंडर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशन टाइप्स होता है, ठीक है. अब आप लोग बच्चे मस्ती में रीड करो एग्जाम्पल्स, बेटर तरीके से समझेगा आपको. रीड ऑल दी एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल रीड करो. सारे एग्जाम्पल्स मैं भी पढ़ाऊंगा, बट पहले आप अपना पूरा ओपिनियन बना लो, जिससे कि आपका इंटरप्रिटेशन होगा हाँ ये समझ रहा है, ये समझ रहा है, ये समझ रहा है. तो आई थिंक इनमें से दो छोड़ दें तो बाकी तो सारे आपको मस्ती से समझ जाएंगे. गिव इट अ ट्राई. Reader, Two more minutes, people.
2 minutes kya. 30 more seconds and then we'll go ahead. चलिए, आई होप यू रेड दी एग्जाम्पल्स. काफी आसान से सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स, काफी सीधे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. एक दो एग्जाम्पल्स में आपको मदद लगेगी. लेट्स सी. चलिए, एग्जाम्पल नंबर टू. अब हमने क्या पढ़ा पहले? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि कोई भी फॉरेन सोर्स से कोई भी डीडीटी अगर आ रहा है, डीडीटी में क्या आ रहा है? एसीएस आ रहा है, दैट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. इजी एग्जाम्पल टू, वेदर अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेन क्लाइंट्स बाय अ पर्सन इन लियू ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड बाय इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. कि मैंने गुड्स या सर्विसेज दिए, बदले में जो पैसा है वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या? अरे नहीं, अभी तो पढ़ाया नहीं होता है वो. नो, एज पर द एक्सप्लेनेशन नंबर 3, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूड अर्निंग फ्रॉम फॉरेन क्लाइंट बाय पर्सन लियू ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट एज दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ कमर्शियल नेचर. तो आई डोंट थिंक एग्जाम्पल 2 में किसी को भी कोई परेशानी का संभावना थी. डन. एग्जाम्पल 3, कैन फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन रुपीज. मुझे बताओ, अगर किसी ने रुपी में दिया तो भी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या? अरे क्या लिखा था पिछले पेज पे? करेंसी रिसीव हुई है फॉरन सोर्स से, फॉरन सोर्स ने डीडीटी किया है करेंसी का, भले इंडियन और फॉरेनर, चलेगा. यस, एनी डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम अ फॉरन सोर्स वेदर इन रुपीज और इन फॉरन करेंसी इज कंस्ट्रूड एज फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एफसीआर 2010. सच ट्रांजेक्शन इवन इन रुपीज टर्म्स आर कंसिडर्ड फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन. कहीं कोई डाउट नहीं मुझे लगता. 2 भी सबका सेट, मतलब नेक्स्ट 3 भी सबका सेट. 4, will interest or other income earned from foreign contribution be considered foreign contribution? Yes, ऊपर का explanation clearly कहता है, कोई सवाल ही नहीं confusion का. Next, whether donation given by non-resident Indian अगर donation देते हैं, is treated as foreign contribution? अरे ये पढ़ लेते हैं. Foreign contribution is defined as this section to mean DDT made by a foreign source. This section only speak about citizen of a foreign country while inclusively defining foreign source. जब foreign source पढ़ा तब वहां पे मैं NRI का तो कोई discussion नहीं मिला. Non-resident Indian के बारे में कुछ बात नहीं की है. वहां पे क्या की गई है? Citizens of a foreign country. कि citizens of foreign country वो foreign source होते हैं. Therefore, contribution made by a citizen of India living in another country, that is NRI, from his personal saving though the normal banking channel is not to be treated as foreign contribution. Important है, अच्छे समझना. फॉरेन सोर्स में हमने क्या पढ़ा? फॉरेन सोर्स में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी फॉरेन सिटीजन है, सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री है, तो वो फॉरेन सोर्स है. वहां पे हमने ऐसा थोड़ी पढ़ा था सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन फॉरेन कंट्री, नहीं. तो अगर सिटीजन इंडिया का है तो बात ही खत्म. सिटीजन फॉरेन का है तो फॉरेन सोर्स, सिटीजन इंडिया का है तो फॉरेन सोर्स नहीं होगा. However, while accepting any donation from such NRI, अब सुनो, it is advisable to obtain his passport detail to ascertain whether he or she is actually an Indian citizen. ये तो बस कह रहे हैं कि check तो कर लेना Indian citizen है कि नहीं है, वो ठीक है. But अगर हमने Indian citizen से, whether donation by NRI, NRI non-resident Indian, मतलब है Indian है, बस resident नहीं है अभी, तो है Indian ना, citizen India का है, yes. तो अगर उससे हमने donation लिया, क्या वो foreign contribution होगा क्या? The answer is clearly वो foreign contribution नहीं होगा. ये अच्छा point है, 4 mark कर लो. ये अच्छा पॉइंट है कि एक सिटीजन, एक व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है बट राइट नाउ इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, एनआरआई है, तो अगर कोई एनआरआई है वो अगर डोनेशन देता है, दैट इज नॉट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. फॉरेन सिटीजन अगर डीडीटी करता है तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है. आसान है गेस, ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6, वेदर 100% सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन आईटी सेक्टर कैन गिव डोनेशन टू ट्रस्ट हु डजंट हैव रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआर. अब ये केयरफुली सुनना. Yes, it can, as the provisor to this, since the investment is within limits of FEMA. Hence, though it may be a 100% subsidiary of a foreign company, it is not a foreign source. ये आपको समझ में नहीं आएगा. क्यों समझ में नहीं आएगा? अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी एंटिटी कंपनी है जिसके अंदर मोर देन 50%, कोई भी कंपनी है जिसमें कि मोर देन 50% फॉरेन होल्डिंग है, फॉरेन कंपनी,
फॉरेन कंट्री, फॉरेन सिटीजन्स, इस तरह से होल्डिंग है. कॉरपोरेशन, कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इनकी होल्डिंग है मोर देन 50%. तो इस कंपनी को सुनना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन उसके अंदर मोर देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन कॉरपोरेशन, अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन सिटीजन्स इन एसोसिएशन वगैरह है इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, देन दिस कंपनी इज अ फॉरेन सोर्स. ये हम पढ़ चुके हैं. लेकिन वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन था जो मैंने कहा था, वो फेमा पढ़ने का समझेगा, कि एक ऐसी एंटिटी जिसको फेमा ने अलाउ कर रखा है, एक ऐसी एंटिटी जिसको फेमा ने अलाउ कर रखा है, उसको फॉरेन सोर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेदर 100% सब्सिडी ऑफ फॉरेन कंपनी इन आईटी सेक्टर. हमें लगा आईटी सेक्टर इररिलेवेंट है, बट आईटी सेक्टर का रेलेवेंस आपको समझ में आएगा आफ्टर स्टडिंग फेमा. फेमा पढ़ने के बाद, अरे आईटी में तो अलाउड है, तो आईटी सेक्टर में अलाउड है ना, तो क्या एक 100% सब्सिडी ऑफ फॉरेन कंपनी, मतलब एक फॉरेन कंपनी की 100% सब्सिडी है लेकिन किसमें, आईटी सेक्टर है, तो क्या वो डोनेशन दे सकते हैं ट्रस्ट को, हु डजंट हैव रजिस्ट्रेशन और एफसीआर है. तो ये कह रहे हैं, अरे भैया दे सकता है बिकॉज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन में फॉल नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ कंपनी विच इज अलाउड बाय फेमा. देखो एक बार, यस इट कैन, वो दे सकता है, उसको एफसीआर में आएगा ही नहीं, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा. As per this proviso, since the investment is within limits of FEMA, hence though it may be a 100% subsidiary of foreign company, it is not a foreign source. The foreign source exclude हो जाता है अगर वो FEMA में covered होता है तो. ये एक चीज़ जो आपको भी नहीं समझेगी, ये आपको तब समझेगी जब आपका FEMA हो चुका होगा. ठीक है, next, फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की ताकि FEMA के साथ आप बहुत comfortably relate कर पाओ. Last, whether an individual of Indian origin who has acquired foreign nationality is treated as foreign source. Yes, all citizens of foreign country treated as foreign source. कि अगर कोई इंडियन व्यक्ति था लेकिन अब वो फॉरेन सिटीजन हो चुका है, कोई एक व्यक्ति है जो अब फॉरेन सिटीजन हो चुका है, तो उससे अगर कोई पैसा आएगा तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. फॉरेन सिटीजन से पैसा आता है तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है विदाउट एनी डाउट. चलिए, आई गेस यू ऑल विद मी हियर, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है. चाहिए तो इस फेमा वाले पॉइंट पे भी स्टार मार्क कर लो ताकि आपको ध्यान रहे. स्टार मार्क पॉइंट्स होते हैं जो अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ रहे हैं फटाफट फटाफट, तो स्टार मार्क पॉइंट को आप रीड कर लेते हैं जहां पे गलती की संभावनाएं होती है. चलिए, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने तीन डेफिनेशंस कवर किए. बहुत ईजी डेफिनेशन हो गई, फॉरेन कंपनी एक बार, फॉरेन सोर्स, और उसके बाद में हमने पढ़ा हमारा सिंपल सा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. अब ये पर्सन तो कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक अच्छी डेफिनेशन पढ़नी है. पर्सन की डेफिनेशन क्या कहती है, कुछ भी नहीं. पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल HUF एसोसिएशन, ये डी है, डी, ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट लिख दो आपने, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट जैसा है, एक्चुअली मॉड्यूल में भी मिसप्रिंट है. कल मैंने एक पॉइंट भी आपको छुड़वाया था ना, वो पॉइंट भी बताना है, उसमें भी मॉड्यूल में मिसप्रिंट है. ठीक है, चलो, सेक्शन 32 में मैंने एक लाइन आपको कह दी थी, स्किप कर दो इसको भी, तो मॉड्यूल में भी उसमें मिसप्रिंट है. ठीक है ना, तो मैं करेक्ट कराता हूँ एंड में, लोड नहीं लेने का. ठीक है, तो वैसे ये भी एक छोटा सा मिसप्रिंट है. ए पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल HUF एसोसिएशन, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट, नाउ सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 13. आपको पता होगा सेक्शन 25 नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एंड वो अब सेक्शन 8 कंपनी हो चुकी है. ठीक है, तो पर्सन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल HUF एसोसिएशन और अ सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई डेफिनेशन में दम नहीं है. आते हैं हम एक अच्छी डेफिनेशन में, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. ये डेफिनेशन में दम है, ये डेफिनेशन में दम है. जैसे मैंने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में दम है, वैसे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन में भी दम है. सर, तो सिर्फ तीन लाइन की डेफिनेशन है, मैं ये नहीं कि कह रहा हूँ डेफिनेशन छोटी है बड़ी है, डेफिनेशन में दम है, फोकस करना अच्छे से. Foreign hospitality means any offer. Foreign hospitality means any offer. कि वहां बाहर का व्यक्ति मुझे बोल रहा है, not being a purely casual one, which is not a casual one. Casual offer क्या होता है, कि मैं मेरे चाचा के यहां रहने जा रहा हूं, that is a casual one. नहीं, वैसा नहीं है. An offer not being a casual one, made in cash or kind. An offer not a casual one, मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स. बाय, जैसे कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू बी बाय अ फॉरेन सोर्स, वैसे दिस ऑल्सो हैज टू बी बाय अ फॉरेन सोर्स. सुनना, फॉर प्रोवाइडिंग पर्सन विद द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, और विथ फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट. भैया जी आएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे अगर आपको, ये तो दैट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. सुनना अच्छे से, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या था, अगर फॉरेन सोर्स से, अगर फॉरेन सोर्स से डीडीटी हो रहा है, डीडीटी हो रहा है ACS का, मतलब कोई फॉरेन सोर्स आपको डिलीवरी या फिर आपको डोनेशन दे रहा है या आपको ट्रांसफर कर रहा है आर्टिकल का, करेंसी का या सिक्योरिटी का, तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. यहां पर क्या था, कोई फॉरेन सोर्स अगर आपको ऑफर कर रहा है, अगर फॉरेन सोर्स आपको ऑफर कर रहा है क्या चीज, ट्रैवल,
ट्रांसपोर्ट, सर ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट तो सेम हो गया. व्हाट दे मीन टू से इज कि मुझे यहां से ऑफर आया भैया जी, उन्होंने कहा कि भैया जी पहले तो आप आ जाओ हमारे लिए कहां पर, थाईलैंड. तो यहां से थाईलैंड का मुझे पूरा ट्रैवल का भी मिल रहा है, फिर वहां पे ट्रांसपोर्ट के थाईलैंड से मुझे वो लोग फुकेट लेके जाएंगे, वहां से क्राबी लेके जाएंगे, पूरा घुमाने वाले अंदर थाईलैंड के अंदर भी मुझे, राइट. तो वो सब हो गया ट्रांसपोर्ट. ऐसा कहने की कोशिश की है, मेरे लिए गाड़ी बुक की, मस्ती में घूमो सर आप, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग, होटल में मतलब रुकाएंगे भी और खाना खिलाएंगे भी, बोर्डिंग भी लॉजिंग भी और मेडिकल ट्रीटमेंट भी. ठीक है, फोकस करना अच्छे से. ठीक है, सो फॉरन हॉस्पिटैलिटी मीन्स एनी ऑफर नॉट बींग अ प्योरली कैजुअल वन मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरन सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विथ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल. ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, मतलब फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री ट्रांसपोर्टेशन और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट. तो अगर कोई भी फॉरेन सोर्स मुझे ऑफर दे रहा है कि वो मुझे प्रोवाइड करेगा कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, दिस इज नोन एज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. सो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज व्हाट? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मींस एनी ऑफर, नॉट अ कैजुअल वन. मतलब मेरे चाचा ने कहा कि बेटा यहां पर महीना भर रह जा, तो ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में कवर थी होगा, एफसीआर उसको गवर्न थोड़ी होगा, नॉट अ कैजुअल वन. सो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मींस एन ऑफर, नॉट अ कैजुअल वन, मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स, बाय अ फॉरेन सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद कॉस्ट ऑफ ट्रैवल. कॉस्ट ऑफ ट्रैवल में टी ले लेता हूं, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. तो अगर TBLTM, फोकस करना अच्छे से. अगर कोई फॉरेन सोर्स ऑफर दे रहा है TBLTM के लिए, अगर कोई फॉरेन सोर्स ऑफर दे रहा है TBLTM के लिए, अगर कोई फॉरेन सोर्स ऑफर दे रहा है TBLTM के लिए, अगर कोई फॉरेन सोर्स ऑफर दे रहा है TBLTM के लिए, सो दैट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. सर मतलब अंडरस्टैंड, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मींस एनी ऑफर नॉट बीइंग अ कैजुअल वन बाय अ फॉरेन सोर्स फॉर TBLTM. T, travel, cost of travel, B, free boarding, L, B, lodging, T, free transport, M, free medical treatment. तो अगर कोई foreign source offer दे रहा है TBLTM, वो बोल रहा है TBLTM चाहिए क्या? तो अगर कोई foreign source मुझे offer दे रहा है TBLTM का, so that is a foreign hospitality. That is a foreign hospitality. 100% focus मुझे यहाँ पे चाहिए. चल, fourth तो person का पढ़ा, तो उसको ignore करके मैं fifth पे जाता हूँ सीधा. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी 100% फोकस मुझे यहां पे चाहिए सबका. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, अगर कोई फॉरेन सोर्स मुझे ऑफर दे रहा है, अगर कोई फॉरेन सोर्स मुझे ऑफर दे रहा है TBLTM का, अगर कोई फॉरेन सोर्स मुझे ऑफर दे रहा है TBLTM का, सर मतलब क्या? अगर कोई फॉरेन सोर्स मुझे ऑफर दे रहा है नॉट बींग अ कैजुअल वन TBLTM का, टी cost of travel, B, free boarding, L, free lodging, T, free transport, M, free medical treatment. ये offer दे रहा है, this is a foreign hospitality. Foreign hospitality means an offer, not being a casual one, in cash or kind, by a foreign source, offering cost of travel, free boarding, free lodging, free transport or free medical treatment. This is foreign hospitality. So foreign hospitality means foreign source, FS, मुझे offer दे रहा है, TBLTM का. ठीक है, TBLTM का ऑफर दे रहा है, दैट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है. चलो अच्छे से, दिस इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, दिमाग में बैठ जाना चाहिए. सुमित, आई हैव शेयर्ड इट विथ यू ना, आई हैव शेयर्ड ऑन द ग्रुप. सुमित वेट, ओके ठीक है बेटा जी, ओके. सो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी सिंपली मींस कि अगर कोई भी फॉरेन सोर्स ऑफर दे रहा है TBLTM का, और वहीं हमने पढ़ा पीछे क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर फॉरेन सोर्स क्या कर रहा है, ऑफर नहीं दे रहा है, वहां पे क्या कर रहा है वो DDT, डिलीवर डोनेशन ट्रांसफर कर रहा है ACS का, दैट इज आर्टिकल सिक्योरिटी और करेंसी. ठीक है, चलो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. फिर आता है आपका, आराम से देखो, पॉलिटिकल पार्टी रिलेटिव, एकदम मस्ती में अंत की ओर आ चुके हैं हम लोग, पॉलिटिकल पार्टी और रिलेटिव. चलिए
पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी मीन्स एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल पार्टी मीन्स एकदम आराम से एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया टू बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर दिस 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 दिस. तो कोई भी ऐसा एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी और विच हैज सेट अप कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर बट इज नॉट सो रजिस्टर्ड और डीम टू बी रजिस्टर्ड अंडर द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968. सर ये क्या चल रहा है, सर ये क्या, ये कौन सा एक्ट है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968. तो ये कुछ एक्ट हैं जो कहीं आपके सिलेबस में ना थे ना हैं और ना होंगे, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में इलेक्शन लड़ना चाहता है, इफ एनी पर्सन इंटेंड्स टू फाइट इलेक्शन इन इंडिया, तो इलेक्शन वो इसके इन एक्ट्स के अंतर्गत आपको तो राइट मिलता है इलेक्शन लड़ने का. ठीक है, तो हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब सबसे पहले कोई भी एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या सिटीजन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि या तो इज रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. सर ये याद करने की जरूरत है क्या? देखो आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत पड़ेगी, बट अगर किसी को लगता है कंफर्टेबली तो याद रख सकता है. मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ लेकिन आई डोंट थिंक एग्जामिनेशन के अंदर उनको पॉलिटिकल पार्टी पे पूछना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन कि आपको डेफिनेशन की जरूरत पड़ जाए, बट फिर भी ठीक है, हम पढ़ लेते हैं ऑन अ सेफर साइड बिकॉज द की फॉर सी ए फाइनल्स इज सिंपल. मतलब कोई बहुत मतलब हम लोग अननेसेसरी साइड में निकलते हैं, बट एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ दैट फॉर क्लियरिंग सी ए फाइनल्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. आपको कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करना है क्लियर करने के लिए. यू हैव टू डू एवरी स्मॉल थिंग परफेक्टली. हर छोटी चीज परफेक्टली करते जाओ आप फोड़ दोगे मतलब क्लियर बोलो, रैंक बोलो, जो है सब फोड़ दोगे. हर एक छोटी चीज परफेक्ट, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, हर छोटी चीज परफेक्टली करते चलो. ठीक है, चलो आ जाओ यहां पे. पॉलिटिकल पार्टी मींस एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सिटीजन ऑफ इंडिया क्या, विच आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन अंडर द एक्ट. सेकेंड, विच हैव सेटअप कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर, या फिर हु हैव सेटअप कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन फॉर एनी लेजिस्लेचर बट इज नॉट सो रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968. तो अगर आसान भाषा में बात करते हैं सिंपल तरीके से कि कोई भी एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि इलेक्शन कमीशन के पास में रजिस्टर्ड है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, या फिर विच हैज सेटअप कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर विच आर नॉट रजिस्टर्ड और डीम टू बी रजिस्टर्ड और डीम रजिस्टर्ड अंडर अनदर ऑर्डर. ऐसा तो ये अगर आपको ऑर्डर और एक्ट याद रहते हैं, नहीं रहते हैं, इट्स ओके. ठीक है, बट पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होगा, एक व्यक्ति जो क्या तो इलेक्शन कमीशन के साथ में रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्टर्ड नहीं है, बट ये दूसरा जो सिंबल एक्ट आता है, ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के अंदर वो डीम्ड रजिस्टर्ड है या फिर नहीं रजिस्टर्ड तो भी चलेगा, बट दे हैव सेट अप द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन. तो अगर मैं आसान भाषा में आपके लिए करना चाहूँ तो एटलीस्ट ये तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए दैट व्हाट यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी सिंपली मीन्स an association of body of individual citizens of India to be registered with election commission of India as a political party and it's a set of candidates for election to any legislature. ये तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ये तो हर एक के दिमाग में सेट होना चाहिए. What do you mean by political party? Means an association or body of individual citizens of India जो कि who are registered with election commission as a political party or who have set up candidates for election to any legislature. Next, a political party mentioned column 2 of table 1 and 2 to the notification of election commission of India this date to date August as in force for the time being. Abhi kya political party ka pura unhone notification de rakha ki ye sab political parties hain, to jin jin ka naam wahan par hai wo to political party hai isse. Theek hai, to political party ke andar hum thoda sa hamare jo ek chartered accountant ka mindset hota na isse nikal jate hain kyunki kuch aur hi baatein ki hui hai, but ha ek idea aapko kehna chahiye jo maine highlight kiya, jo maine highlight kiya underline kar sakte hain ki this has to be very clear in mind. What do you mean by political party? Ek association body of individual any citizen of India जो कि या तो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है एज अ पॉलिटिकल पार्टी और हु हैव सेट अप कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर. और इसी के साथ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट डेफिनेशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ अ रिलेटिव. एकदम मस्ती में रिलेटिव हैज बहुत ही प्यारा द मीनिंग असाइन टू इट एज पर सेक्शन 241 ऑफ कंपनीज एक्ट. नाउ सेक्शन 277 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो रिलेटिव की डेफिनेशन एफसीआर में नहीं दी, उन्होंने कहा कि जाओ जाके कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट कर लो. सो द डेफिनेशन गिवन इन कंपनीज एक्ट इज द सेम. बहुत ही बढ़िया. वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज इन एफसीआर 2010 एंड नॉट डिफाइंड इन देयर एंड बट डिफाइंड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दिस
year or the Foreign Exchange Management Act shall have the meaning respectively assigned to them in those acts. एक चीज मतलब आई गेस आपको पता है, मैं एक बार आपका रिपीट टेलीकास्ट करा देता हूं उस चीज का. बड़े बड़े एक्ट में, सारे ही एक्ट में, मोस्टली एक्ट में, सारे एक्ट में तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स के अंदर आपको सेक्शन 2 मिलता है, डेफिनेशन सेक्शन. क्यों दिया होता है वो? क्योंकि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. अ सिंगल वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. ईयर, दिस वर्ड कैन मीन अ ईयर 1st जनवरी टू 31st ऑफ दिसंबर. ईयर कैन मीन 1st अप्रैल टू 31st मार्च. So what I'm trying to say is ke a single word can have multiple meaning. Issue, this word can mean a problem, this word can mean kids. So what I'm trying to say, a single word can have different meaning, and that is why, aur ek act jo hai, act has to be very specific, it cannot be vague. To ek act ke andar jo bhi word ko dekh ke aisa lagta hai ki yahan pe confusion ho sakta hai iski meaning ko leke, usko definition section mein explain kiya jata hai, so that jab इस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाएगा कहीं कोई कंफ्यूजन ना. तो पूरे एक्ट में जो जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेके लेजिस्लेटर्स को लगता है कंफ्यूजन हो सकता है, उन सब वर्ड्स को सेक्शन 2 में एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो सबसे पहले तो क्या हो गया कि ये इस प्रकार से आपका एक पूरा हर एक एक्ट के पास में सेक्शन 2 आता है. लेकिन अगर मान लो कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है, कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए भी एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तौर पर एक और एक्ट दिया जाता है. देयर इज अनदर एक्ट जिसका जिसमें सिर्फ डेफिनेशन ही होती है, जिसके अंदर सिर्फ डेफिनेशन ही होती है. इंटरप्रिटेशन के अंदर आप वो चीज पढ़ते हैं अगर आपके सिलेबस में कहीं पे है तो. तो अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है जो आपके एक्ट में नहीं दिया है, तो आप उस आपके एक्ट में दिया ही नहीं है उसका मतलब. मान लीजिए हम FCRA पढ़ रहे हैं, FCRA में बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन इन वर्ड्स का मीनिंग सेक्शन 2 में नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? तो हम उस इंटरप्रिटेशन वाले एक्ट पे जाते हैं, हम उस इंटरप्रिटेशन वाले एक्ट पे जाते हैं. ये नॉर्मल है फॉर ऑल द एक्ट्स इन इंडिया. लेकिन 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 फॉर FCRA उन्होंने स्पेसिफिकली क्या बोल दिया कि अगर कोई भी वर्ड आपको एक्ट में मिलता है लेकिन उसका डेफिनेशन आपको डेफिनेशन क्लॉज में नहीं दिखता है, कोई भी वर्ड आपको एक्ट में मिलता है लेकिन उसका डेफिनेशन डेफिनेशन क्लॉज में नहीं मिलता है, तो आप कहां जाके ढूंढेंगे उसका डेफिनेशन? तो उसका डेफिनेशन आप ढूंढेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यहां जाके ढूंढेंगे. तो अगर कोई भी वर्ड FCRA में यूज किया है लेकिन FCRA के डेफिनेशन क्लॉज में एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो आपको इन एक्ट्स के अंदर मिल जाएगा. एकदम सिंपल है, कहीं कोई परेशानी की बात ही नहीं है. क्लियर, सही है? तो ये ओके, बहुत ही अच्छी बात है. ये आपके इंटरमीडिएट में कवर्ड था, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो ये नॉर्मली वैसा होता है. यहां पर मैंने आपको एक्स्ट्रा क्या बता दिया, FCRA में ऐसा है कि अगर FCRA एक्ट में कोई चीज नहीं दे रखी है तो उसके लिए आप जाएंगे किसके पास? इन तीन एक्ट के पास. क्लियर, इजी. और यहां पे हमारी चीजें होती है कंप्लीट. एक पार्ट है बस, वो मैं चाहता हूं कि एक बार आपको रीड करा दूं. सेक्शन नंबर 1, हमने सेक्शन नंबर 3 से शुरू किया था, साथ डायरेक्टली पढ़ना. हमने डायरेक्टली पढ़ाई शुरू की थी सेक्शन 3 से, क्योंकि सेक्शन नंबर 3-10 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था. तो उसके बाद में अभी हमने सेक्शन 2 डेफिनेशन देख लिया, अब हम आ रहे हैं सेक्शन नंबर 1 के ऊपर. क्या लिखा सेक्शन 1 में? एक्सटेंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ FCRA सेक्शन 1. FCRA सेक्शन 1 क्या कहता है? As per section 1, subsection 2 of FCRA, the provision of act shall apply to whole of India. बहुत ही बढ़िया. के जितना पहला section क्या होता है? Extend applicability commencement. तो वो बता रहे हैं कि कहां तक apply करेगा? Whole of India. And even citizen of India outside India, कि जो Indian citizen India के बाहर है, उन पे भी apply करेगा. And associates, branches or subsidiaries outside India of companies or body corporate registered in India. तो what are they trying to say? सुनना. इंडियन लोग हैं लेकिन इंडिया के बाहर है, सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया. इंडियन लोग हैं लेकिन इंडिया के बाहर है, उस पर भी अप्लाई होगा. इंडियन कंपनीज के ब्रांचेस बाहर है, उस पर भी अप्लाई होगा. ध्यान से समझना क्या, पहले तो FCRA अप्लाई होगा होल ऑफ इंडिया पे, ठीक है? उसके बाद में इंडियन लोग हैं, इंडियन सिटीजन है बट अभी बाहर है, उन पर भी अप्लाई होगा. इंडियन कंपनीज के ब्रांचेस बाहर है, उन पर भी अप्लाई होगा. बहुत आसान. सिटीजन ऑफ इंडिया करंटली आउटसाइड इंडिया एज वेल एज एसोसिएट ब्रांचेस और सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया ऑफ कंपनीज और बॉडीज रजिस्टर्ड इन इंडिया. तो इंडियन सिटीजन जो भी बाहर है उन पे भी FCRA अप्लाई होगा. इंडियन कंपनीज के जो एसोसिएट सब्सिडरीज या ब्रांचेस बाहर है उन पे भी FCRA अप्लाई होगा. एज पर सेक्शन 1(3) ऑफ द एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द 1st day of May 2011 एज द डेट ऑन विच द प्रोविजन ऑफ द सैड एक्ट वुड कम इनटू फोर्स. तो ये क्या है, एक्ट कब आया था? तो एक्सटेंड एप्लीकेबिलिटी एंड कमेंसमेंट होता है, तो कमेंसमेंट आ गया 1st May 2011. कमेंसमेंट आ गया 1st May 2011. एक्सटेंट हमने पढ़ी लिया कि एक्सटेंट क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा हमने पढ़ लिया. एक्सटेंट इज होल ऑफ इंडिया, उसके बाद में इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया, एंड उसके बाद में लास्ट वाला क्या है हमारा कि इंडियन कंपनीज के जो ब्रांचेस एसोसिएट और सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया उन पे भी. तो दैट इज द एक्सटेंट
applicability and commencement of the act. And here we can say that the act is complete. Bas ek baar section 32 pe aajao beta ji. Section 32. Yes. सेक्शन 32 सब लोग आ जाइए पेज नंबर 4.34 ये कल पढ़ाते समय मैंने कहा था इसको छुड़वाया था मैंने कहा कि इसके अंदर कुछ इशू है ठीक है तो वो इशू को भी हैंडल कर लेता हूँ सो व्हाट हैपेंड इज कि आपके मॉड्यूल के अंदर भी ये मिस्टेक दे रखी है उन्होंने क्या है ये इन्होंने क्या लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिवाइज एनी ऑर्डर वेर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर लाइज बट इट हैज नॉट बीन मेड अंटिल द टाइम विच सच अपील मे बी मेड हैज एक्सपायर्ड और सच पर्सन हैज वेव्ड हिज राइट पहले आपको याद दिलाता हूँ सेक्शन 32 क्या था 31 अपील पढ़ा था 32 रिविजन पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो भी अपने ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है विद इन वन ईयर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एप्लीकेशन दे सकते हो कि प्लीज रिवाइज करो ना विद इन वन ईयर ठीक है वन ईयर के बाद भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर देते हो दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज रिविजन के लिए डन उसमें यह पॉइंट लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिवाइज एनी ऑर्डर एंड अपील अगेन इसका कुछ सेंस ही नहीं बनता है गिव इट अ रीड एक बार रीड करो उसको So this is not making any sense, right? So वो इसलिए बना रहे हैं because यहाँ पर अगर आप act में जाके पढ़ते हैं तो इन्होंने एक word गलती से skip कर दिया है इन्होंने से मतलब है module में skip आप module में भी check करेंगे The central government shall not ये not skip कर दिया इससे पूरा sentence का मतलब ही change हो गया Central government shall not revise any order where an appeal against the order lies but has not been made until the time within such appeal has been made has expired or such person has waived his right of appeal or an appeal has been filed under this act I hope you're understanding clear hai isko ab read karo not add karne ke baad now it will make sense thoda sa mistake hai theek hai aap kabhi bhi aise bahut zyada agar koi aap topic padhte hain aur aapko aisa lagta hai ki nahi yaar ye it is not making the correct sense then what you need to do you check it with the bare act ठीक है तो कभी कभी गलती हो जाती है मॉड्यूल से भी ओके नाउ इट इज मेकिंग सेंस राइट कि जब एक व्यक्ति के पास अपील का राइट है तब वो रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है या तो उसने अपील का राइट वेव कर दिया है या उसका अपील का टाइम पीरियड हो चुका है या उसने अपील कर दी थी और अपील ऑफकोर्स मतलब हैज बीन डिसमिस्ड मतलब या तो अपील का टाइम पीरियड ही खत्म हो गया या उसने अपील का राइट वेव कर दिया है या उसने अपील कर दी थी एंड इट हैज बीन डिसमिस्ड तब वो रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है तो जब आपके पास अपील का ऑप्शन है तब आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते अपील का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है अपील आपने कर दिया डिसमिस हो चुका है अपील का आपने राइट वेव कर दिया है तभी आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं तो अपील का राइट है इस दौरान आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते नाउ इट इज मेकिंग सेंस तो जस्ट मेक द करेक्शन एंड दैट विल बी योल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर यू ऑल विथ मी चलिए बेहतरीन तरीके से एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेहतरीन चैप्टर है बड़ा ही मजा आता है आप पास से क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा एकदम लड्डू है कोई परेशानी नहीं होगी एकदम इजी लगेगा बट एक बार मेहनत किया तो एफसीआर का लॉजिक दिमाग में बैठ जाता है राइट एंड दैट विल सर्टेनली हेल्प यू इन योर फ्यूचर एज वेल चल वंडरफुल सो नाउ व्हाट यू गोना डू इज यू गोना टेक अ ब्रेक व्हाई ब्रेक राइट नाउ सो दैट आफ्टर द ब्रेक हम लोग एकदम धुआंधार रिविजन के लिए रेडी हो रिविजन के बाद में विल बी सीइंग द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ओके डोकी चलो वंडरफुल क्या करेंगे आप लोग मस्ती से ब्रेक ले लो एंड उसके बाद में हम लोग मिलेंगे रिवीजन के लिए और मैं ये आशा करके आया हूं कि आप बच्चे रिवीजन कर आए हो ठीक है चल विल मीट एट नाइन ओके चल वो अर्जुन बालकन रिवीजन के फटाफट 15 मिनट में एक बार ओवरव्यू ले लो सरासर
वह 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 चलिए आ रहा हूं। हां हां आपके पास एक मिनट और है। वेरी टाइम स्पेसिफिक। अग्रवाल साहब मैंने कह दिया यार अपलोड हो जाना चाहिए एक दिन में। प्रसाद ही हैंडल करेगा जो आपके ग्रुप पे है ना, प्रसाद सर वही हैंडल करने वाले हैं। चलिए आ रहा हूं। आई ऑल सेट। ओपन हो जाने दो इसको बस भैया जी, ओपन हो जाओ। अरे भाई ओपन हो ना। चलो सबसेट वो हो। हेलो पीपल, आई होप यू डूइंग वंडरफुल 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 एंड हियर वी आर फॉर अ नाइस क्विक रिवीजन ऑफ FCRA। चलिए यार तो FCRA के बारे में बात करेंगे फटाफट से। हमने लास्ट वन वीक के अंदर हमने पूरा FCRA इन डेप्थ पढ़ के कंप्लीट कर लिया एंड हियर वी आर फॉर अ नाइस रिवीजन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो ये जो एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का एक्ट है। इट हैज टू बी रेड विद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011। इस एक्ट का एक पूरा ओवरव्यू आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस एक्ट के अंदर क्या क्या जा रहा हूं, इस एक्ट के अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके 9 तक चैप्टर जाते हैं। देयर आर टोटल सेक्शंस 54। क्या ये सारे 54 सेक्शंस हमारे सिलेबस में है सीए फाइनल्स पे? जी नहीं, पूरे सेक्शंस नहीं है। जो जो सेक्शंस है उनका हम फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 2। That is chapter number 2, regulation of foreign contribution, foreign hospitality, section number 3 to section number 10. हमने सबसे ज्यादा समय भी इसी के अंदर दिया था। 100% फोकस यहां पे। पहले प्रिलिमिनरी की बात करता हूं। प्रिलिमिनरी में आता है आपका सेक्शन नंबर 1 एंड 2। सेक्शन नंबर 1 टॉक्स अबाउट सिंपल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। चलो सब लोग यहां पर रहेंगे। सेक्शन नंबर 1 एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में कुछ भी नहीं है, सबसे पहले चीज आती है एक्सटेंट। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एज वेल एज इंडियन सिटीजंस आउटसाइड इंडिया as well as associates, branches, subsidiary of Indian companies outside India. इन सब के ऊपर अप्लाई करता है FCRA. Commencement कब हुआ था? 1st May 2011 is the commencement date. Easy. फिर आती है बहुत सारी definitions. Definition आती है foreign company definition, etc. etc. यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं, focus करना. Foreign company. What do you mean by foreign company? Any company or association or body of individual incorporated outside India. सबसे आसान भाषा में foreign company refers to any company, association or body of individual incorporated outside India and includes करके चार चीजें दी हैं। Foreign company as under section 379 of Companies Act 2013, subsidiary of such foreign company, any principal office or register office of such foreign company and multinational corporation. Sir, what do you mean by multinational corporation? फिर हमने पढ़ा था multinational corporation का मतलब multinational corporation refers to a corporation incorporated outside India. In India नहीं, multinational corporation refers to a corporation incorporated outside India and has its business operation in two or more countries or has its place of business registered office in more than two or more countries. Done. फिर हम लोग आगे बढ़ा, foreign source की definition बड़ी, foreign source की हमने बहुत लंबी चौड़ी definition बड़ी, उसका हमने सार ऐसा निकाला कि कोई भी entity, कोई भी ऐसी चीज जो इंडिया के बाहर से आ रही, that is foreign source.
तो भली गवर्नमेंट बोलो, ट्रेड यूनियन बोलो, भली फॉरेन कंपनी बोलो, फॉरेन कॉर्पोरेशन बोल दो, कोई भी ऐसा पैसा, किसी भी तरह से पैसा जो इंडिया के बाहर से आ रहा है, फॉरेन सिटीजंस भले, तो वहां से पैसा था, दैट इज फॉरेन सोर्स, समझना अच्छे से। इसमें कुछ पॉइंट्स पे स्टार मार्क करा था, इस पे ध्यान रखना है, इंटरनेशनल एजेंसी, कोई इंटरनेशनल एजेंसी है तो वो भी फॉरेन सोर्स है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब फॉरेन सोर्स में कवर नहीं होते। फिर हमने देखा एक कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसके मोर देन 50% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री के हैं, सिटीजन्स ऑफ फॉरेन कंट्री के पास हैं, कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन कंट्री के पास हैं, ट्रस्ट सोसाइटी जो फॉरेन कंट्री में ऑपरेट कर रही है उनके पास हैं, या फॉरेन कंपनी के पास हैं, तो भले ही इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हुई कंपनी है, लेकिन उसके अगर मोर देन 50% शेयर्स इनके पास हैं, सो ये कंपनी भी फॉरेन सोर्स मानी जाएगी। लेकिन उसमें बहुत खास पॉइंट पड़ा था कि अगर एक ऐसी कंपनी जिसको फेमा ने अलाउ कर रखा है तो वो फॉरेन सोर्स में काउंट नहीं होगी। फिर हमने आगे बढ़ा, स्टार मार्क एक और था कि कोई भी ट्रेड यूनियन है लेकिन वो फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो फॉरेन सोर्स है। तो ट्रेड यूनियन है फॉरेन कंट्री में भले ही रजिस्टर्ड नहीं है तो भी फॉरेन सोर्स है। फिर हम देखा फॉरेन ट्रस्ट या फॉरेन फाउंडेशन, अगर फॉरेन ट्रस्ट या फॉरेन फाउंडेशन है तो फॉरेन सोर्स है, लेकिन भले वो ट्रस्ट या फाउंडेशन फॉरेन में नहीं है लेकिन इट इज सब्सटेंशियली फंडेड बाय फॉरेनर्स, बाय फॉरेन कंट्री, तो भी ये जो ट्रस्ट या फाउंडेशन होगा ये फॉरेन सोर्स में आएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी ट्रस्ट या फाउंडेशन विच इज ईदर इन फॉरेन और विच इज सब्सटेंशियली फंडेड बाय फॉरेन सोर्सेज, वो भी एक फॉरेन सोर्स माना जाएगा। ये हमने पढ़ा था फॉरेन सोर्स के अंदर। फिर अगर आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन की, क्या अगर कोई भी एफएस ने, फॉरेन सोर्स ने डीडीटी दिया ऑफ एसीएस, फॉरेन सोर्स ने डीडीटी दिया ऑफ और ऑफ एसीएस, दैट इज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, डीडीटी बोले तो, अगर फॉरेन सोर्स ने डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर दिया, अगर फॉरेन सोर्स ने डीडीटी किया है, डीडीटी मतलब क्या, फॉरेन सोर्स ने डोनेशन किया है, डिलीवरी किया है या ट्रांसफर किया है, अगर फॉरेन सोर्स ने डीडीटी किया है ऑफ एसीएस, एसीएस मतलब आर्टिकल करेंसी, करेंसी इंडियन भी हो सकती है फॉरेन, हाँ अगर इंडियन करेंसी भी फॉरेन सोर्स से आती है दैट इज ऑल्सो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, यस। तो अगर फॉरेन सोर्स ने डीडीटी किया है एसीएस का, डीडीटी बोले तो डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर किया है ऑफ एसीएस, आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी, तो इसे कहा जाएगा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें मैंने बता दिया पॉइंट टू, नंबर टू, पॉइंट टू भी नोटेड इज करेंसी इंडियन भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है। सर सिक्योरिटी मतलब, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी एज डिफाइंड अंडर एससीआर 1956 एज वेल एज सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी डिफाइंड अंडर फेमा, तो ये भी है यहाँ पे कवर्ड। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिकली बताएगा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ चीजें इंक्लूड होती है, क्या चीजें इंक्लूड होती है समझना अच्छे से, कि अगर मान लीजिए फॉरेन सोर्स ने किसी व्यक्ति को आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी दिया और उस व्यक्ति ने इंडिया के अंदर आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी दिया तो दैट इज ऑल्सो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में इस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन पे कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी इनकम अर्न हुई है दैट इज ऑल्सो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। देन वॉट इज नॉट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर मान लीजिए कोई भी फीस आई है इंडिया में दैट इज नॉट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कि फॉरेन स्टूडेंट्स यहां पर आकर पढ़ते हैं उनकी कॉलेज की फीस आती है, नॉट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां पर एक व्यक्ति एजेंट, उसने किसी फॉरेनर का कुछ काम किया, उससे फीस लिया, उससे कॉस्ट लिया, नॉट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां पर एक व्यक्ति उसने गुड्स सेल किए फॉरेन में, उसके बदले में पैसा आया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको, इनके लिए जो पैसा आता है वो दैट इज नॉट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। मोस्टली डोनेशन टाइप के जो पैसे आते हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर कवर किए जाते हैं। इसके बाद में एक बहुत प्यारी डेफिनेशन आएगी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके हमने एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीजें देखी थी अच्छे से डिटेल में। फिर हमने कुछ स्टार मार्क करते हैं एक्सप्लेनेशन पे, कि मान लीजिए अगर किसी एनआरआई ने डोनेशन दिया तो क्या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या नहीं, एनआरआई ने डोनेशन दिया फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, फॉरेन सिटीजन ने डोनेशन दिया तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है। ध्यान रखना फॉरेन सिटीजन ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, एनआरआई है तो इंडियन सिटीजन ना, तो इसने अगर डोनेशन दिया तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में एक और था अगर आईटी सेक्टर वाला, कि अगर फेमा में अलाउड है तो भले ही 100% शेयर्स भी फॉरेनर ने ओन कर रखे हैं उस कंपनी से जो अमाउंट आता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। फिर पर्सन की डेफिनेशन में दम नहीं है। फिर आया फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, बहुत ही बड़ा डेफिनेशन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन, हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी थी, फोकस करना अच्छे से, क्या अगर किसी भी फॉरेन सोर्स ने ऑफर दिया कि वो आपको टीबीएल टीएम देगा, अगर किसी फॉरेन सोर्स ने आपको ऑफर दिया है कि वो आपको टीबीएल टीएम देगा तो दैट इज अ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। मतलब क्या, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मींस एन ऑफर नॉट बीइंग अ कैजुअल वन, इन कैश और इन काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, टी ट्रेवल, बी बोर्डिंग, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री ट्रांसपोर्ट एंड फ्री मेडिकल अटेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट। सो फोकस करना, अगर किसी भी फॉरेन सोर्स ने आपको ऑफर दिया है वो आपको टीबीएल टीएम दे रहा है, अगर किसी भी फॉरेन सोर्स ने आपको ऑफर दिया है वो आपको टीबीएल टीएम दे रहा है, दैट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी।
फॉरेन सोर्स ऑफर दे रहा है TBLTM का, TBLTM कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री ट्रांसपोर्ट एंड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट. तो ये सब अगर कोई ऑफर दे रहा है दैट इज कवर्ड अंडर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. वंडरफुल. फिर हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है हमारा रिलेटिव. रिलेटिव क्या है? एज पर डिफाइंड अंडर कंपनीज है. खत्म हो गई बात, क्लियर है. फिर हमने एक बात पढ़ी थी सिंपल छोटी सी, कि अगर कोई भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो FCRA में यूज किया है बट उसके डेफिनेशन सेक्शन में नहीं मिलता है तो हम कहां जाएंगे? यहां पे कुछ एक्ट दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1951 एंड FEMA. यहां पर हम जाके उस एक्ट का मतलब देखेंगे. और ये हमने देखा सिंपल सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 2 तो डेफिनेशन है, सेक्शन 1 में ध्यान रखना है कि ये एक्ट कब आया था. 1 May 2011 के दिन आया था. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एज वेल एज इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया एज वेल एज इंडियन कंपनीज का ब्रांच सब्सिडियरी एसोसिएट आउटसाइड इंडिया. इन सब के ऊपर ये एक्ट अप्लाई करता है. और अब हम शुरू करते हैं इस एक्ट का सबसे कोर एस्पेक्ट विद फुल ज़ील. बी विद मी. ये पूरा एक्ट तैयार हूं, ठीक है, एकदम मस्ती से फोकस करना है स्क्रीन पे. हम अभी फोकस करें चैप्टर नंबर 2 के ऊपर. चैप्टर नंबर 2 कवर्स सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 10. चैप्टर नंबर 2 कवर्स सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 10. 100% फोकस यहां पर. चैप्टर 2 क्या बात करता है? सेक्शन 3 बोलता है प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. कि भैया जी हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. सेक्शन 3 कहता है कि किन सर्कमस्टेंसेस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते. प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है. सेक्शन 4 इज एंसिलरी प्रोविजन टू सेक्शन 3. सेक्शन 3 के एक्सेप्शंस हैं. सेक्शन 4 कहता है पर्सन टू होम सेक्शन 3 शेल नॉट अप्लाई. तो सेक्शन 3 कहता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, बट सेक्शन 4 कहता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं. तो सेक्शन 4 इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 3. सेक्शन 5 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन. प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. कैसा है? सेक्शन 3 में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल एंटिटी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं सकती. तो यहां पर सेक्शन 5 में क्या कहता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है which is of political nature, तो central government उसे notify कर सकती है कि you are an organization of political nature and hence you also cannot accept foreign contribution under section 3. Section 5, central government to notify an organization of political nature. तो section 4 and 5 are nothing but ancillary provision for section 3. Section 6 interesting वापस आता है, restriction on acceptance of foreign hospitality. के foreign hospitality लेने के लिए जो restriction आएगी section 6. तो 3, 4, 5, 6 हो गए. 3, prohibition to accept foreign contribution. 4, person to whom section 3 shall not apply. 5, procedure to notify an organization as an organization of political nature. And 6 comes as what? Restriction on acceptance of foreign hospitality. हो गया. उसके बाद में 7, 8, 9, 10 आता है. 7 is what? Prohibition to transfer foreign contribution to another person. कि एक व्यक्ति जिसने कायदे से law में रहकर foreign contribution लिया है, वो आगे foreign contribution को transfer नहीं कर सकता. और कर सकता है तो कितने limit तक कर सकता पड़ेंगे? बहुत interesting provision है भी. Section number 8, restrictions to utilize foreign contribution for administrative purpose. Section 8 कहता है कि आपने foreign contribution ले लिया, वो आप स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते. स्पेक्युलेटिव को डिफाइन किया है कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर उस आपका इन्वेस्टमेंट क्या वैल्यू अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो सकता है. मतलब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगा ना, ऊपर से इंटरेस्ट मिलेगा. तो जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो सकती है, वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन को. एंड यू कैन नॉट इवन यूज इट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. तो एक लिमिट दे रखिए कि उस लिमिट तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को डिफाइन भी किया, बहुत अच्छी बात है. सेक्शन नंबर 9, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन सर्टेन केसेस. सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि जनरली सेक्शन 3 में कुछ लोगों के नाम दिए, दैट दीज पीपल आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये व्यक्ति को भी प्रोहिबिट कर दो, फॉर एग्जांपल शुभम सुक्लेचा. शुभम सुक्लेचा सेक्शन 3 में डिफाइंड नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर शुभम सुक्लेचा को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने दिया तो ये हमारे भारत देश की इंटीग्रिटी के लिए, सोवरेनिटी के लिए, हार्मनी के लिए अच्छा नहीं है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि शुभम सुक्लेचा यू ऑल्सो कैनॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, या फिर यू कैन एक्सेप्ट आफ्टर सर्टन प्रोसीजर. सिंपल. तो सेक्शन 9 गिव्स अ पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो नोटिफाई कर सकता है कि कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन. नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3. सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड लोग तो ले ही नहीं सकते, उनके अलावा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को स्पेसिफाई करना तो कर सकता है सेक्शन 9 में. और सेक्शन 10 इज अ छोटू सा सेक्शन, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट. कि किसी व्यक्ति के पास अगर एक्ट को कॉन्ट्रीवीन करते हुए कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया तो इसको व्यक्ति डिस्पोज नहीं करेगा, डील नहीं करेगा, संभाल के रखेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट आगे के ऑर्डर्स नहीं दे देता. तो दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सेक्शन सीरीज, सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 10. ये दिल में उतर गया तो आधा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, ये मैं हमेशा से कहता हूं. तो पूरा फोकस दो सेक्शन 3 टू 10, उसके बाद में 11 टू 54 तो ऐसे चले जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे. सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 10, 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. चलिए सेक्शन 3 में क्या पढ़ते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो मैं बता रहा हूं, दीज पीपल आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. कौन? पहला, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन. अगर एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है तो वो किसी भी हालत में किसी भी हालत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता.
सेकेंड करस्पॉन्डेंट कॉलमनिस्ट कार्टूनिस्ट एडिटर ओनर प्रिंटर पब्लिशर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड लोग हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. नेक्स्ट पब्लिक सर्वेंट जज गवर्नमेंट सर्वेंट और इंप्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी कंट्रोल एंड ओन बाय गवर्नमेंट. कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, जज है या फिर कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन उसका इंप्लॉय है, ये लोग भी किसी भी हालत में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं. आई गेस यू अंडरस्टैंडिंग भाई, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेके उनको हम फेवर देने का सोचेंगे, संभावना ही खत्म कर देते हैं, ये लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. नेक्स्ट इज वॉट मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, तो अगर कोई भी लेजिस्लेचर का मेंबर है तो ऑफकोर्स वो फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता. नेक्स्ट इज वॉट पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर देयर ऑफ, ऑफकोर्स ना तो पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है ना उसके ऑफिस बेरर फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं. नेक्स्ट इज वॉट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर स्पेसिफाइड सेक्शन 5, जो मैंने बताया था कि सेक्शन 5 में गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई कर सकती है दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज एसोसिएशन और कंपनी इंगेज्ड और इन द प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज और ऑडियो विजुअल न्यूज और करंट अफेयर्स प्रोग्राम थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. समझना अच्छे से क्या लिखा है यहाँ पे कि मास कम्युनिकेशन किसी भी तरह से अगर आप मीडिया में इन्वॉल्व हैं, आप न्यूज देते हैं, ऊपर न्यूज़पेपर कवर कर लिया यहाँ पे, टीवी न्यूज चैनल्स वगैरह या कोई भी ऑडियो विजुअल मीन से आप न्यूज बांटते हैं लोगों में, तो ऐसे लोग भी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि न्यूज़पेपर में आप इन्वॉल्व हैं वो भी नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आप बायस हो गए तो कैसे चलेगा. और जो यहां पे न्यूज चैनल्स वगैरह फिर ऑडियो विजुअल मीन्स से न्यूज देते हैं वो लोग भी नहीं 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 ले सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज व्हाट करेस्पॉन्डेंट कॉलमनिस्ट कार्टूनिस्ट एडिटर ओनर ऑफ द एसोसिएशन और कंपनी रिफंड सेक्शन जी, तो जो जी में जो न्यूज चैनल्स वाले हैं उनके एसोसिएटेड लोग भी जो है ना तो न्यूज चैनल ले सकता है ना ही उनके एसोसिएट लोग ले सकते हैं. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लोग किसी भी हालत में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. देखो याद रखना भी आसान है, 8 में से समझो इलेक्शन वाला व्यक्ति नहीं ले सकता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन नहीं ले सकता ऑब्वियसली बात है, फिर पब्लिक सर्वेंट इंप्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सब नहीं ले सकते ऑब्वियसली बात है, फिर आया न्यूज़पेपर और उसमें काम करने वाले रिलेटेड लोग नहीं ले सकते, जो ऑडियो विजुअल न्यूज में इन्वॉल्व है टीवी चैनल्स वाले वो और उनसे रिलेटेड लोग भी नहीं ले सकते. एंड मैंने आपको पहले बताया था रेगुलर बैच के अंदर यू डोंट हैव टू रेक्टिफाई दीज पॉइंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, अगर इनमें से कोई एक पॉइंट पे एग्जाम में केस स्टडी बना के पूछे तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट. सो सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स, सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स कि ये लोग किसी भी तरह से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. फोकस करना अच्छे से. उसके बाद में सेक्शन 4 आता है पर्सन टू होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई. सुनो मेरी बात को, सेक्शन 3 में ये आ गया, उसके बाद में सेक्शन 3 आगे भी चीजें कहता है कि सुनो ये तो हमने कह दिया कि ये लोग नहीं ले सकते, मान लो भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेता है और इनको देता है, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, वो भी आप नहीं कर सकते. ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 4 के ऊपर पर्सन टू होम सेक्शन 3 शेल नॉट अप्लाई. ये लोग हैं एक्चुअली सेक्शन में पर्सन लिखा बड़ी केसेस है कि इन केसेस के अंदर आप फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, मतलब ये केसेस के अंदर ये 8 लोग भी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं. सेक्शन 4 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 3, सो सेक्शन 4 में जो केसेस दिए उन केसेस के अंदर ये 8 लोग जो सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड है वो भी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं. समझना, सेक्शन 3 सेज ये 8 लोग फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, सेक्शन 4 सेज रुको 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 ये 8 लोग इन केसेस में फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं. कौन से केसेस में? पहला केस By way of salary, wages, remuneration due to him or any group of person working under him for any foreign source, from any foreign source or by way of payment in for any business. समझो जैसे हमने definition में पढ़ा ना वैसा ही कि अगर आपने कोई services दिए उसके आपको salary, wages, remuneration, goods भेजे हैं उसका आपको amount आ रहा है तो ये सब allowed है, ये ले सकते हैं, ये 8 लोग भी ले सकते हैं. Next, or by way of payment in the course of international trade or commerce on the ordinary course of business transacted by him outside India. वही कि आपने international business किया, मतलब first और second point में क्या difference है, अगर आपने India में किसी को goods वगैरह services दिए और वो payment आपको बाहर से दे रहा है, foreign contribution allowed है, आपने foreign में ही services और goods भेजे और वो वहां से आपको payment दे रहा है, सब allowed है, ये सब allowed है, ये प्रकार के foreign contribution allowed है, उन 8 लोगों को भी allowed है. नेक्स्ट एज एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय सच फॉरेन सोर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कि कोई भी एजेंट की तरह आपने काम किया, आप इंडिया में हो, आपने एज एन एजेंट काम किया एक फॉरेनर के लिए कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना था, परमिशन लेनी थी, ये सब लेके आपने दे दी, उसके बदले वो आपको पैसे दे रहा है, फीस के पैसे दे रहा है, ये भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अट्रैक्ट नहीं होगा, यहां ये भी अलाउड है, ये 8 लोग ये भी ले सकते हैं, इस प्रकार का फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है. नेक्स्ट बाय वे ऑफ गिफ्ट, ओ गिफ्ट कैसे, गिफ्ट नहीं अलाउ करेंगे, गिफ्ट ही तो रोकना था कि हम जजेस को बाहर से गिफ्ट आएगा और वो अगर बायस डिसीजन देंगे तो, अरे रुको भैया क्या लिखा है पढ़ तो लो पूरा, बाय वे ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, अगर गिफ्ट वगैरह मिलता है एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन प्रोवाइडेड दैट सच गिफ्ट और प्रेजेंटेड वाज एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू द एक्सेप्टेंस और रोटेशन ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन. क्या कह रहे हैं कि गिफ्ट प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, अरे नहीं अरे रुको ना,
एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन विद इन द रूल्स बाय गवर्नमेंट. रूल्स क्या है नहीं बता, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन आप ले सकते हो. जैसे कि इंडिया का कोई डेलीगेशन है वो यूएस में गया, यूएस का डेलीगेशन इंडिया में आता है, तो आप उनको कुछ बेसिक गिफ्ट दे सकते हैं ना, तो विद इन द रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो गिफ्ट्स को ले सकते हैं. ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं लूंगा. वहां पे हमारे कोई भी हमारा बड़ा बड़ा पॉलिटिकल एक व्यक्ति वहां जाता है और उसको वहां पे ऐसी शॉल पहनाई जाती है, बोलता है नहीं मैं नहीं लूंगा, हमारा एक्ट प्रोहिबिट करता है. अरे भैया जी छोटा मोटा गिफ्ट है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो अगर कोई गिफ्ट आप एज अ इंडियन डेलीगेशन के मेंबर के रूप में जा रहे हैं और आप मेरे को ले रहे हैं, तो आप ले सकते हो विद इन द रूल्स एंड लिमिट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रॉम हिज रिलेटिव. रिलेटिव से ले सकता है, बहुत बढ़िया बात है. और बाय वे ऑफ रेमिटेंसेस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल, पोस्ट ऑफिस, एनी ऑथराइज्ड पर्सन, फॉरन एक्सचेंज अंडर द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट के एक्ट के तहत अगर वो ले रहा है तो भी वो अलाउड है. रिलेटिव से भी लेना वेना सब चलता है, बट एक लिमिट लगा देते हैं उस पर भी. आगे आ जाओ. बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और पेमेंट ऑफ लाइक नेचर. तो हमारे यहां पे भारत में बहुत सारे छात्र होते हैं जिनको फॉरेन से स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो भी अलाउड है, वो भी अलाउड है. सिंपल. तो हमने क्या पढ़ा, सुनना ध्यान से यहां पे केयरफुली. सेक्शन 3 सेज के जो 8 लोग बताए, दोज 8 पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. फिर आया सेक्शन 4 कि यार रुको, वो लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं फॉर दीज पर्पसेस. इसके अंदर मैं आपको समरी करके बताऊं तो अगर आपने कोई भी जेन्युइन कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया है, जहां पे आपने गुड्स दिए हैं, सर्विसेज दिए, उसके लिए पैसा आ रहा है, आप ले सकते हो. ठीक है, उसके अलावा जो आपका स्टाइपेंड लास्ट वाला पॉइंट है कि स्टाइपेंड वगैरह का पैसा ले सकते हो, या फिर गिफ्ट वगैरह लिमिट के अंदर स्पेसिफाइड है तो आप ले सकते हो एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन. बहुत ही बढ़िया बात है. चलो सेक्शन 3, सेक्शन 4 डन. सेक्शन 3 क्या कहता है, प्रोहिबिशन. ये 8 लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. सेक्शन 4 कहता है पर्सन टू हुम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई. हो गया. सेक्शन नंबर 5 आता है प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. तो अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो मस्ती से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इनका तो पॉलिटिकल नेचर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं पूरा क्लियरली, या फिर इनका क्लियरली एक इंक्लिनेशन दिखता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, तो इनको भी अलाउ नहीं करेंगे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. देखो क्या लिखा है, एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 3. अभी सेक्शन 3 में कवर्ड नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी तरफ टुकुर टुकुर देखा और देख के सोचा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट मे नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी. कि ये ऑर्गेनाइजेशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, बट देयर एक्टिविटीज एंड आइडियोलॉजीज propagated by them may be such as to be closely aligned with that of a registered political party. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को देखा कि भले ही ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर्ड नहीं है, इवन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी, बट देयर आइडियोलॉजीज एंड एक्टिविटीज क्लियरली सजेस्ट देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी. तो इन सर्कमस्टांसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देंगे एक नोटिस विद ग्राउंड्स के इस कारण से हमें लगता है कि आपको हम पॉलिटिकल नेचर का बताना चाहते हैं. वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन देंगी, उनको देना है कि हमें मत करो आप जो भी वो कहना चाहती है विद इन 30 डेज. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इमीडिएटली पास कर सकता है ऑर्डर, पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट के, पास कर दिया ऑर्डर, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. तो सबसे नोटिस दिया, उनका रिप्रेजेंटेशन है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया नहीं हम तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है पास करके ऑर्डर, बात खत्म. ठीक है, इस बीच एक ऑप्शनल चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यार हम कंफ्यूज हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इवन टेक दी हेल्प ऑफ एन अथॉरिटी. तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो आया था, रिप्रेजेंटेशन जो आया था इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो उस अथॉरिटी को सेंड कर सकते हैं, अथॉरिटी की रिपोर्ट आएगी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपना ऑर्डर पास करेगा. तो दिस लास्ट वन इज एन ऑप्शनल थिंग, जरूरी नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ यार नहीं, हमें तो इनको डिक्लेयर करना ही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली पास कर सकते हैं ऑर्डर, डिक्लेयर कर सकते हैं उनको एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं 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 यार हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो अथॉरिटी को रिपोर्ट भेज सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, और अथॉरिटी के रिपोर्ट के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें डिक्लेयर करना है या नहीं. जब डिक्लेयर किया जाता है तब ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है. सो दैट इज सेक्शन 5. सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. चलो सेक्शन 5 क्या है, सेक्शन 6 रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. 100% फोकस चाहिए कि ये कोई भी व्यक्ति मजे से फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर सकता है क्या. देखो क्या लिखा है, सबसे पहले prior permission of central government is required before accepting foreign hospitality while visiting any country by or territory outside India by. कि ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग अगर abroad में foreign hospitality लेना चाहते हैं तो इन्हें central government का approval लेना होगा. ये 5 लोग अगर foreign hospitality लेना चाहते हैं तो इनको central government का approval लेना होगा. कौन 5 लोग? Member of any legislature, ऑफिस बेरर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. देखो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना ले सकती है, थोड़ी कि भाई सबको लेके जा रहे. ऑफिस बेरर्स कुछ जा रहे होंगे तो उनको अलाउड नहीं है, जजेस को अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अलाउड नहीं है, एंड एम्प्लॉयज ऑफ एनी कॉर्पोरेशन एनी अदर बॉडी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. ये पॉइंट्स आपको वहां पे भी दिखे थे जिनपे सेक्शन 3 में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड है, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया कि आप लोग अगर
फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेते हो तो आप नहीं ले सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 6. सेक्शन 3 सेज प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. तो सेक्शन 3 कहता है कि वो 8 लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. सेक्शन 6 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. तो ये कह रहे हैं कि ये 5 लोग ले सकते हैं विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड अगर ये 5 लोग लेना चाहते हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. अब देखो ये ऊपर वाला क्या बोल रहा है, ऐसे ना देख मुझे, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर आया हूं. तो कहने का मतलब है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज नॉट प्रोहिबिटेड. Foreign hospitality is not prohibited, but it is just that prior permission of central government is required for obtaining foreign hospitality. Wonderful. उसके बाद में क्या देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से. उसके बाद में अरे सुनो 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 सुनो, मैं कहीं अब्रॉड गया था और मुझे लग गई, तो क्या मैं पहले प्रायर परमिशन लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेना होगा फॉरन हॉस्पिटैलिटी लेना है. फॉरन हॉस्पिटैलिटी का डेफिनेशन पढ़ा है, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, याद आ रहा है. तो यार अगर मेरे को बाहर कभी लग गई तो मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे परमिशन दे दो, मुझे यहां पर एक व्यक्ति से फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेनी पड़ रही है. मुन्ना भाई की बात हो जाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि अगर एक आदमी मर रहा है तो क्या फॉर्म भरना जरूरी है क्या? अरे कहने का मतलब यह है कि इफ एट ऑल पर्सन नीड्स मेडिकल एड अर्जेंटली, राइट, तो यार वो प्रायर परमिशन लेके फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कैसे लेगा? अगर कोई व्यक्ति फॉरेन विजिट पे है और वहां पे उसे कुछ हो जाता है, ध्यान रखना इंडिया में कुछ हो जाता है फॉरेन जा रहा है नहीं, अगर वो फॉरेन में ही है वहां अगर कुछ हो जाता है और मेडिकल उसको एड चाहिए अर्जेंटली, तो वहां पे एक एक्सेप्शन बनाया गया है, देखना स्पेशल केस. स्पेशल केस में क्या लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति है जो फॉरेन विजिट पे था और वहां पे उसे कुछ हो जाता है तो वो विदाउट प्रायर परमिशन मेडिकल एड ले सकता है, लेकिन मेडिकल एड लेने के बाद में उसे पूरे डिटेल्स गवर्नमेंट को भेजने हैं, सोर्स कि किसने मेडिकल एड दिया एंड अमाउंट जो मेडिकल एड आया और किस तरह से मेडिकल एड का अमाउंट खर्च हुआ. तो एक एक्सेप्शन है प्रायर परमिशन को लेके, दैट द जनरल रूल इज दैट यू हैव टू टेक अ प्रायर अप्रूवल इन सबको, लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शन दिया है कि इस केस में ये लोग विदाउट प्रायर अप्रूवल भी गो अहेड कर सकते हैं अगर मेडिकल एड चाहिए तो, एंड यू आर ऑलरेडी देयर इन फॉरेन कंट्री. इंडिया में लगी फॉरेन में जा रहे हो नॉट कवर्ड, फॉरेन में है और वहां पे मेडिकल एड अर्जेंटली चाहिए तो आप विदाउट प्रायर परमिशन ले सकते हैं. बट उसके बाद आपको अब पूरे डिटेल्स देने होंगे, सुना ध्यान से. उसके बाद ये चल रहा है अभी तक सेक्शन 6. Following cases need not be submitted for grant of permission to accept foreign hospitality. फिर उन्होंने कह दिया कि ये कुछ लोगों को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल भी ये लोग foreign hospitality enjoy कर सकते हैं. देखो कितने खुश हैं. We don't need central government approval. Section 6 क्या कहता है कि ये 5 लोगों को foreign hospitality के लिए central government का prior approval चाहिए. उसका एक exception भी पढ़ लिया, medical aid के लिए नहीं चाहिए. अब बता रहे हैं कि कुछ केसेस में नहीं चाहिए. कौन से केसेस में नहीं चाहिए? पहला, where the entire expenditure on the proposed foreign trip visit is being made by central state government. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU. तो कहने का मतलब है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हमारा PSU ही होल्ड कर रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या PSU ही पूरा आपका एक्सपेंडिचर बेयर कर रहा है तो अप्रूवल क्या लोगे, वही तो आपको भेज रहे हैं. नेक्स्ट, वेदर प्रपोज फॉरन विजिट इज बींग अंडरटेकन बाय अ पर्सन इन हिज और हर पर्सनल कैपेसिटी एंड द एंटायर एक्सपेंडिचर देयर इज बींग मेड बाय द पर्सन कंसर्न. भैया जी मैं भले जज हूं, मैं सिंगापुर घूमने जा रहा हूं अपने पैसे से, इसमें आपको पूरा हिसाब देना पड़ता है बाद में, वो हमारे सिलेबस में कवर्ड नहीं है, लेकिन मैं अगर अब्रॉड घूमने जा रहा हूं अपने खर्चे पे तो मुझे भैया जी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है. मुझे वहां कोई अगर बुला के फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दे रहा है तो अप्रूवल लेना है, मैं खुद के खर्चे पे जा रहा हूं फॉर अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं. नेक्स्ट, वेयर द फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एन इंडियन नेशनल लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री. अगर आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दे रहा है एक इंडियन नेशनल लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री तो भी चलेगा. फॉर एग्जांपल एक जज है, ठीक है, जज के भैया रहते हैं US में, उन्होंने इनको बुला लिया है एक महीने के लिए, जा सकते हैं. तो ये खर्चा खुद बैर कर रहे हैं या फिर एक ऐसा व्यक्ति बैर कर रहा है हु इज एन इंडियन नेशनल तो भी चलेगा. नेक्स्ट, केसेस इन्वॉल्विंग एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट ऑन सैलरी फी और रेम्युनरेशन. कि अगर आप किसी असाइनमेंट पे अब्रॉड जा रहे हैं तो भी चलेगा ना, असाइनमेंट पे अब्रॉड जा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको सैलरी वगैरह वहां से मिल रही है. केसेस इन्वॉल्विंग फंडिंग ऑफर्ड बाय एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड इन एनेक्सा 2. तो इस एक्ट का एक एनेक्सा है, वहां पे कुछ एजेंसीज का नाम लिखा है, उन्होंने अगर आपको बुलाया है तो भी आपको अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट, केसेस इन्वॉल्विंग विजिट्स अंडरटेकन बाय मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अंडर बायलेटरल एक्सचेंज. दो पॉइंट है, दोनों कंफ्यूज करेंगे, ध्यान से क्या लिखा है यहां पे सुनना. कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अंडर बायलेटरल एक्सचेंज, बायलेटरल एक्सचेंज के तहत इंडिया के डेलीगेशन वहां जा रहे हैं, वहां के डेलीगेशन यहां आ रहे हैं, बायलेटरल एक्सचेंज के तहत इंडिया के डेलीगेशन वहां जा रहे हैं, वहां का डेलीगेशन यहां आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड, उसमें भी अप्रूवल नहीं चाहिए. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडर बायलेटरल अग्रीमेंट भी अगर विजिट्स हो रहे हैं
तो बायलेटरल एक्सचेंज के तहत भी अगर जा रहे हैं तो भी अप्रूवल लेनी चाहिए, और बायलेटरल अग्रीमेंट के तहत भी विजिट्स हो रहे हैं जहां पर रिक्वेस्टेड डिपार्टमेंट का अप्रूवल ले लिया है तो भी आपको गवर्नमेंट का वापस अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अरे देखो ये कितने खुश दिख रहे हैं क्लास में, बाकी कितने खुश दिख रहे हैं, वी डोंट नीड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो सबसे पहले सेक्शन 6 का कहता है कि अगर इन पांच में से किसी भी व्यक्ति को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव करनी है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी है, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी। फिर उसका एक्सेप्शन आ गया मेडिकल एड, फिर कहते हैं कि इन लोगों को प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी नहीं, अप्रूवल ही रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट लास्ट इज केसेस इन्वॉल्विंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रेनिंग कोर्सेज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, कि अगर कोई ट्रेनिंग कोर्स के लिए जा रहे हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो कि इस डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर रखा है तो भी आपको अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझना, मैं वापस रिपीट करूं कि आपको इन पॉइंट्स को रेक्टिफाई नहीं करना है, मेरे साथ बस इन पॉइंट्स को अच्छे से एक बार समझ लेना है समझ में, ताकि अगर एग्जाम के किसी क्वेश्चन में पॉइंट को उन्होंने फेंका तो आप चिपक जाओगे भैया 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 भैया, इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एक व्यक्ति खुद के खर्चे पर जा रहा है नहीं नहीं उसको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक व्यक्ति को इंडियन नेशनल बुला रहा है अप्रूवल रिक्वायरमेंट नहीं है। बायलेटरल एक्सचेंज के तहत जा रहा है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बायलेटरल अग्रीमेंट के तहत जा रहा है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो किसी असाइनमेंट पे जा रहा है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एजेंसीज अंडर एनेक्स 2 बुला रहे हैं अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कुछ केसेस में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट व्हाट, सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पे जो रिस्ट्रिक्शन है, तो उन पांच लोगों को अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी चाहिए तो प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। लेकिन इन केसेस में ये लोग कितने खुश दिख रहे हैं भैया, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती। That is section number 6. Wonderful. Focus here. Section number 7. Prohibition to transfer foreign contribution to other person. कि किसी व्यक्ति ने कायदे से foreign contribution लिया, वो अब आगे अगर देना चाहता है, भैया जी नहीं दे सकता। देखो क्या लिखा है यहां पर, फोकस करना बहुत आसान से। No person who is registered and granted a certificate or is obtained prior permission under this act and receives any foreign contribution. एक व्यक्ति, अब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, सेक्शन में 11 के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, तो एक व्यक्ति जिसने रजिस्टर कर लिया खुद को या फिर उसने प्रायर परमिशन ले लिया है और उसने फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है, किसी व्यक्ति को फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है तो उसके पास दो रूट होते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, प्रायर परमिशन ले लिया। तो अगर एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है या फिर उसने प्रायर परमिशन ले लिया है एंड देयर आफ्टर द पर्सन इज एक्सेप्टिंग फॉरन करेंसी, देयर आफ्टर पर्सन इज एक्सेप्टिंग फॉरन करेंसी and this foreign contribution, sorry foreign contribution, then this foreign contribution is received, no person who is registered or obtained prior permission and received any foreign contribution, isne receive kar liya, shall transfer such foreign contribution to other person, lekin wo transfer nahi kar sakta, uske aage kuch limit de rakhi hai, dekhna dhyan se, provided that such person may transfer with prior approval of central government a part of such foreign contribution to any other person who has not been granted a certificate under this act in accordance with the rules made by central government. सुनना बहुत carefully, बहुत बारीक point पढ़ा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। क्या रुको, इससे निकल के आपको समझाता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा। डिस्कार्ड कर दिया मैंने, मैं गया इधर शॉर्ट, ये रहा हमारा शॉर्ट, ये वाला शॉर्ट। फोकस करना अच्छे से, बहुत अच्छे से। अगर एक व्यक्ति ने फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया है, This guy was registered, certificate, permission लेके इसने foreign contribution receive किया है, and this person transfers the foreign contribution. सुनना, now the question is कि जिसको ये transfer कर रहा है वो registered है या वो unregistered है? जिसको ये transfer कर रहा है वो registered है या unregistered है? अगर वो unregistered को transfer कर रहा है, so the limit is what? Up to 10% of foreign contribution. जो total foreign contribution व्यक्ति ने receive किया था, उसका up to 10% वो दे सकता है unregistered person को। ये 10% पर फाइनेंशियल ईयर चेक की जाती है, कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपने foreign contribution लिया, उसका maximum कितना? 10% आप आगे दे सकते हो, ठीक है? With the prior approval of central government. तो समझो, अगर एक व्यक्ति जिसने रूल से अप्रूवल लेके, सर्टिफिकेट लेके या प्रायर परमिशन लेने के बाद में फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है, वो एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, अनरजिस्टर्ड मतलब जो FCRA में रजिस्टर्ड नहीं है, ये व्यक्ति FCRA में रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को वो अपने फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट दे सकता है, लेकिन कितना? 10%, एग्रीगेट 10% द एंटायर फाइनेंशियल ईयर दे सकता है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अनरजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड को देना चाहता है हु हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो वो दे सकता है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, विदाउट एनी लिमिट। तो अगर एक व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड है, उसने लिया है विद प्रायर परमिशन लिया है, ठीक है, वो अगर एक रजिस्टर्ड को देना चाहता है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, विदाउट एनी लिमिट दे सकता है, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड को देना चाहता है तो वो अप टू 10% दे पाएगा और विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे पाएगा। ये बात ध्यान रखनी। चलो वंडरफुल, कहां तक पहुंच गए थे? ओफो, चलिए, यस पीपल, वी आर ऑल सॉर्टेड। चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट कनेक्ट द चार्जर। आप सेक्शन 8 को रीड करो, सेक्शन 8 रीड करो तब तक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट कनेक्ट द चार्जर। वो
सो हमने क्या किया, सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 हो चुका है हमारा अभी तक, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 के ऊपर है कि कोई भी व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव या स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज नहीं कर सकता। तो यहां पे स्पेकुलेटिव पर्पस तो क्लियरली मना कर दिया कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ऊपर नीचे हो रहा है, जहां पे इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट हो सकता है, देयर इज एनी काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, वहां पे आप अपना पैसा लगा नहीं सकते, दैट इज वन एस्पेक्ट। और एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर लिमिट दे दिया है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मैक्सिमम कितना 20% तक अमाउंट खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए खर्च नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उन्होंने कह दिया कोई भी जगह अगर आप काम कर रहे हैं वहां का रेंट है, वहां का कोई भी पावर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वहां पे आप जो छोटी मोटी सैलरीज वगैरह पे कर सकते हैं, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव में, रिपेयर वगैरह का खर्चा हो गया, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आता है। लेकिन मान लीजिए अगर एक हॉस्पिटल है डॉक्टर्स को सैलरी दे रहे हैं वो मेन खर्चा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। एक स्कूल है टीचर्स को पैसे दे रहे हैं वो मेन खर्चा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है नहीं होता, ऐसी लिमिट दी। तो इस सेक्शन ने दो ही बात बोली कि अगर सेक्शन 8 कहता है कि जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है वो स्पेकुलेटिव के लिए तो बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकते, आप स्पेकुलेटिव में तो लगा ही नहीं सकते। स्पेकुलेटिव मतलब जहां पे उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज है, म्यूचुअल फंड शेयर्स कहीं नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसी जगह जहां पे वैल्यू चेंज होता है, डेट सिक्योरिटीज लगा सकते हो, तो जहां पे भी रिस्क है वैल्यू के ऊपर नीचे, चिट फंड्स वगैरह नहीं लगा सकते, जहां पे वैल्यू ऊपर नीचे होने का रिस्क है वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्लियर है। स्पेकुलेटिव नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप मैक्सिमम 20% तक लगा सकते हो, ज्यादा नहीं लगा सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा खर्चे जो रेगुलर खर्चे होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, पावर बोलो, रिपेयर बोलो, रेगुलर सैलरी बोल दो, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में आती है, यहां मैक्सिमम 20% कर सकते हो, क्लियर है। मैंने दो स्पेसिफिक एग्जांपल की, ध्यान रखिएगा कि अगर आपने हॉस्पिटल खोला है, हॉस्पिटल में बाकी लोगों की सैलरी वगैरह, रिपेयर वगैरह, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन डॉक्टर्स की सैलरी इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, तो मेन खर्चा है। स्कूल खोला, टीचर्स की सैलरी इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मेन खर्चा है। तो अगर सेक्शन 8 कहता है कि आप स्पेकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं कर सकते और एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम पे मैक्सिमम 20% कर सकते हो। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 9, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस। ये क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है इन 5 केसेस के लिए, इन 5 कारणों में, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि शुभम सुक्लेचा ने, कोई भी व्यक्ति शुभम सुक्लेचा ने अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया, दिस विल प्रीजुडिशियली इफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए नुकसान दे होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नुकसान दे होगा, फ्रीडम ऑफ फेयरनेस ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर के लिए नुकसान दे होगा, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट इसके लिए नुकसान दे होगा, या हार्मनी बिटवीन रिलीजियस रेशियल सोशल लिंग्विस्टिक, इनमें से किसी भी ग्राउंड पे जो हार्मनी बनी हुई है ये बिगड़ेगी। अगर ये व्यक्ति फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहा है और ये 5 में से कोई भी केस में नुकसान हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझ पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप नहीं ले सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट 5 तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, प्रोहिबिट करता है भैया आप फॉरेन करेंसी ले ही नहीं सकते, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले ही नहीं सकते, या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हो ओनली विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। फॉरेन हॉस्पिटल में मैं उन 5 में कवर्ड नहीं हूं, मैं सेक्शन 3 के उन 8 में कवर्ड नहीं हूं, सेक्शन 6 के उन 5 में कवर्ड नहीं हूं, फिर भी मुझ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। या फिर आपने कोई भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ली तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहा है और उसमें ये 5 में नुकसान हो रहा है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रीडम और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट और द हार्मनी बिटवीन रिलीजियस रेशियल सोशल लिंग्विस्टिक और सिमिलर चीजें, इसके अंदर अगर हैम्परिंग हो रहा है, तो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर, इन सर्कमस्टांसिस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करता है भैया जी आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लोगे, लोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल से लोगे, आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लोगे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल से लोगे, और कोई भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हो तो आप हमें इन्फॉर्म करोगे, सेक्शन 9। फिर आता है देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये मैंने जो आपको ऑर्डर्स बताए, ये 5 ऑर्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 10, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट। कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने करेंसी रिसीव की है इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ऑर्डर पास कर सकता है कि भैया जी आप इसे यूज नहीं कर सकते, आप इसे यूज नहीं कर सकते, डिस्पोज नहीं करोगे, डील नहीं करोगे, रुकोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के फर्दर ऑर्डर्स के लिए। सेक्शन नंबर 10 हो गया, मैं आपको क्या कहता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं अगर आप सेक्शन नंबर 3-10 टिप्स पे नहीं है। सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prohibition to accept foreign contribution, 4 person on whom section 3 shall not apply, 5 any organization to be notified as organization of political nature, 6 restriction on acceptance of foreign hospitality, 7 any person not to transfer foreign contribution to another person, 7 8 foreign contribution not to be used for administrative purpose and speculative purpose, 9 jo abhi hum padh kar aaye 9th wala, power of central government to prohibit receipt of foreign contribution on specific person, and 10 jo abhi humne padha Power to prohibit the payment of currency received in contravention of the act. क्या आपका contravention में आ गया, उसका bargain में आ गया। तो I hope each and everyone is super sorted up till section में 3-10. अरे नहीं, yes बोलो, yes बोलो, yes बोलो यारों। 3-10 एकदम sorted, 3-10 दिमाग में बैठ चुके हैं। So then we change the gear and we go to the next chapter. Next chapter मतलब FCRA Act में। Chapter 1 हो गया, Chapter 2 हो गया, Chapter 3 की Chapter 1 में क्या दो ही sections हैं ना? क्या? Short title, extended commencement.
राइट एंड सेक्शन नंबर टू डेफिनेशन, फिर सेक्शन नंबर 3-10 हमने पढ़ा, अब हम जाते हैं 11-16 के ऊपर. 11-16 जनरली टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन, 100% फोकस यहां पर. चलिए नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3 रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या है 11-12-13-14-15-16, बहुत आसान. 11 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन, 11 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 11. सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है कि कुछ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के दो रूट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा. सो सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है. सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो 11 में आप अप्लाई करते हैं, 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देता है, 13 में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकता है, 14 में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सर्टिफिकेट को कंसल्ट कर सकता है, 14 ए में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सर्टिफिकेट को सुरेंदर कर सकता है, उसके बाद में 15 में अगर किसी के सर्टिफिकेट को कंसल या सुरेंदर कर दिया गया है, किसी के सर्टिफिकेट को कंसल या सुरेंदर कर दिया गया है तो उसके फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ क्या होगा, ये 15 में लिखा है. एंड 16 में रिन्यूअल का प्रोसीजर है, पूरे क्लास का फोकस यहां पे. सेक्शन में 11 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 11 में आप अप्लाई करोगे, 12 में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 13 सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट, पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कैंसिल करना, तो उस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सर्टिफिकेट को सरेंडर कर सकती है. ठीक है, 14 हो गया आपका क्या, कैंसिलेशन, 14 ए सुरेंडर, क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल करी तो 14 में हुआ. अगर आप चाहते हो कि हमारा जो सर्टिफिकेट है हम सरेंडर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं 14 ए में, वंडरफुल. उसके बाद में आता है आपका 15 कि अगर किसी का सर्टिफिकेट सरेंडर या कैंसिल हो चुका है, किसी का सर्टिफिकेट अगर सरेंडर कैंसिल हो चुका है तो किसी का सर्टिफिकेट अगर सरेंडर या कैंसिल हो चुका है, किसी का सर्टिफिकेट अगर सरेंडर या कैंसिल हो चुका है तो उसके फॉरन एक्सचेंज फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे मैनेज किया जाएगा. एंड 16 टॉक्स अबाउट रिन्यूअल, बिकॉज जो ऊपर सर्टिफिकेट मिलता है 5 years का मिलता है, तो उसका रिन्यूअल का प्रोसीजर, सुपर इजी प्रोविजन, फोकस है, वंडरफुल. सबसे पहले सेक्शन 11 पे आ रहे हैं, ऊपर 12 नहीं, 11 पे ध्यान दो, 11 है रजिस्ट्रेशन. देयर आर टू मोड्स ऑफ एक्सेप्टिंग फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी को भी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, दो मोड्स हैं. क्या दो मोड्स हैं, फोकस करना. पहला, आप रजिस्ट्रेशन कर लो, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर आप मस्ती में फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन लेते रहो जितना लेना है, और ईयर एंड पे बता दिया करो बस कि हाँ इतना इतना लिया है. ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 18 इंटीमेशन के अंदर, कि आप क्या करो, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो उसके अंदर बस आप इंटीमेट करते लो इतना इतना लिया, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड इज, अगर आपको वन टाइम ही एक्सेप्ट करना है तो बाय प्रायर परमिशन भी आप फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हो. सो देयर आर टू मोड्स ऑफ एक्सेप्टिंग फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, द फर्स्ट मोड इज बाय रजिस्ट्रेशन, दैट इज अ परमानेंट काइंड ऑफ नेचर. सेकंड वन इज बाय प्रायर परमिशन, वन टाइम आ रही तो प्रायर परमिशन ले लो, सिंपल. तो देयर आर टू मोड्स ऑफ एक्सेप्टिंग फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, बाय रजिस्ट्रिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय ऑब्टेनिंग वन टाइम अप्रूवल. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है कुछ क्लास ऑफ लोगों को, कुछ एरिया को, कुछ पर्पस को, कुछ सोर्सेस को, जिनको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है कुछ पर्सन को, कुछ एरिया को, कुछ पर्पस या कुछ सोर्सेस को, कि इन लोगों ने विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है. और उसके बाद में एक सिंपल सा नोट आता है कि अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार इसको हमने सर्टिफिकेट दे दिया या अप्रूवल दे दिया है, इसको हमने सर्टिफिकेट या अप्रूवल दे दिया है मगर बाद में लग रहा है कि यार ये तो लॉ वायलेट कर रहा है या लॉ वायलेट करेगा, ये तो रॉन्ग नंबर है, ये तो लॉ वायलेट करेगा, ये तो रॉन्ग नंबर है, ये तो लॉ वायलेट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके सर्टिफिकेट को जब्त कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है. फोकस करना अच्छे से, ठीक है. और अगर मान लीजिए उसने तब तक थोड़ा ही कॉन्ट्रीब्यूशन लाया था तो उस पर भी स्टे लगा सकती है. फोकस करना. 11 का फॉर्मेट देखो, सेक्शन 11 में क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति को चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 11 में हूं अभी मैं, कि एक व्यक्ति को अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो उसके दो मोड्स हैं, या तो रजिस्ट्रेशन करा ले या प्रायर अप्रूवल के लिए अप्लाई करे, तो वो कर सकता है इन दीज टू फॉर्म्स. फोकस करना, फॉर्म 3A फॉर्म 3B के लिए वो इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि अगर उसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना प्रोसीजर देख रहे हैं. ठीक है, साथ में उसको देना होता है एक एफिडेविट. इसके अंदर क्या है, एफिडेविट क्या शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय Each office bearers and key functionary and members in performa A. तो performa A में उनका affidavit है. It should be executed by each office bearer and key functionary and members. इन्होंने execute करना affidavit. तो ठीक है भैया जी, हम अगर कभी भी apply कर रहे हैं for section 11 के अंदर permission approval, कि हमें certificate दे दो या prior permission दे दो, तो form FC3A या form FC3B में apply कर सकते हैं. सर 3A कब आएगा, 3B कब आएगा? अगर आप registration के लिए apply कर रहे हैं, registration certificate के लिए 3A में, और अगर आप one time approval के लिए, prior permission के लिए apply कर रहे हैं 3B में. तो अगर वन टाइम अप्रूवल 3B और आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं 3A के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. फोकस करना, ठीक है, इतना सा बस. तो अगर किसी भी व्यक्ति को दोनों में से कोई भी मोड के अंदर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए तो फॉर्म FC3A या फॉर्म FC3B के अंदर अप्लाई कर सकता है. वंडरफुल, अलॉन्ग विद रेफरेंस. ठीक है, अब आता है सेक्शन नंबर 12 के, उस व्यक्ति ने अप्लाई तो कर दिया. देखो, उस व्यक्ति ने अप्लाई तो कर दिया. सेक्शन नंबर 12 के अंदर तीन हर्डल है, समझना अच्छे से. सेक्शन नंबर 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी एप्लीकेशन है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. सेक्शन 12 के अंदर
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी एप्लीकेशन आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे समझो यहां से एप्लीकेशन के व्यक्ति आया है, देयर आर थ्री हर्डल्स, पहला वाला हर्डल क्लियर करना है, दूसरा वाला हर्डल क्लियर करना है, तीसरा वाला हर्डल क्लियर करना है, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट देती है। फोकस करना चाहिए, क्या कहने की कोशिश करें कि किसी भी व्यक्ति को अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको तीन हर्डल्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। व्हाट आर दोस हर्डल्स? अंडरस्टैंड द फर्स्ट हर्डल, सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंश्योर कि ये जो व्यक्ति है जो अप्लाई कर रहा है वो इन सब में किसी भी पॉइंट में कवर नहीं हुआ, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट में वो व्यक्ति कवर नहीं हो, दिस इज द फर्स्ट हर्डल। तो अगर वो जो व्यक्ति जिसने अप्लाई किया है वो इनमें से कहीं भी कवर नहीं होता है तो फर्स्ट हर्डल पास हो गए। देन कम सेकंड हर्डल, ये पॉइंट्स कंप्लाई होनी चाहिए कि ये जो पैसा आ रहा है वो इंडिया की सोवरेनिटी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, ये सारे पॉइंट सेकंड हर्डल। फिर आता है थर्ड हर्डल कि जो पैसा आ रहा है उससे वो भी इंप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों हर्डल सेटिस्फाई हो जाते हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट देता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर अप्रूवल। तो कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले समझ लो, अगर सेक्शन 12 के अंदर अप्लाई कर रहा है, कोई भी व्यक्ति सेक्शन 11 में अप्लाई कर रहा है और सेक्शन 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको सर्टिफिकेट देना है, तो ये तीन हर्डल्स हैं जो कि इंश्योर किए जाएंगे सेक्शन 12 में। ठीक है, सेक्शन 12 के तीन हर्डल्स आते हैं। पहला हर्डल आ रहा है वो व्यक्ति को चेक किया जाएगा, क्या? देखो ध्यान से, पहला दैट द पर्सन इज नॉट अ पर्सन, नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन, रियल व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा द पर्सन हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर कन्वर्जन एक्टिविटीज, रिलीजियस कन्वर्जन होते ना, तो वो रिलीजियस कन्वर्जन के अंदर वो कभी इन्वॉल्व नहीं था। नेक्स्ट द पर्सन वॉज नॉट इन्वॉल्व इन कम्युनल टेंशन, कम्युनल टेंशन के काम में वो इन्वॉल्व नहीं था। और एक और चीज है, सेडिशन नहीं करेगा वो इस पैसे से। सेडिशन क्या होता है? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को प्रोवोक करना, ये ठोकरे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, हमको परेशान कर रही है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को प्रोवोक करना, दैट इज सेडिशन। तो पहले तीन कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें समझ लो कि इस पैसे से ये चेक कर रहा है सेक्शन 12 में कि वो व्यक्ति, ये जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है, ये व्यक्ति सेडिशन नहीं करेगा, कम्युनल टेंशन में कभी इन्वॉल्व नहीं था और कन्वर्जन में कभी इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, तीन हो गए। फिर नेक्स्ट तीन पॉइंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लाइक कि बेनामी तो नहीं है, इसके बाद इसने पहले कभी डायवर्जन या मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड में इन्वॉल्व तो नहीं था, या फिर ये व्यक्ति ने कभी एक्ट को, ये जो पैसा लिया है वो अनडिजायरेबल पर्पसेस के लिए तो यूज नहीं करेगा। तो तीन फाइनेंशियल चीजें हो गई कि बेनामी तो नहीं है, व्यक्ति एक्चुअली एग्जिस्ट तो करता है ना, ठीक है यार, इसके ऊपर पहले कभी मिसयूटिलाइजेशन का केस तो नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये अनडिजायरेबल पर्पसेस के लिए तो यूज नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये तीन पॉइंट होगा, तीन कॉन्ट्रोवर्शियल, फिर तीन फाइनेंशियल नेचर के। उसके अंदर दो पॉइंट कि इसने कभी लॉ को वायलेट तो नहीं किया, ऐसा जनरल पॉइंट, द पर्सन हैज नेवर कॉन्ट्रीव्यूड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड हैज नॉट बीन प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि प्रोहिबिटेड भी नहीं है और इसने कॉन्ट्रीव्यून भी नहीं किया है। और लास्ट के दो पॉइंट आ जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी लॉ में कन्विक्ट हुआ है, एनी लॉ लिख दिया भैया जी, बहुत बड़ा स्कोप, कोई व्यक्ति अगर किसी भी लॉ में अगर कन्विक्ट हुआ है तो वो व्यक्ति भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, सर्टिफिकेट नहीं ले सकता, रजिस्टर नहीं हो सकता। और कोई भी अदर देन इंडिविजुअल, कंपनी वगैरह उनके डायरेक्टर, ऑफिस बेरर, अगर कभी भी किसी भी लॉ में कन्विक्ट हुए हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। बहुत ही बड़ा स्कोप दिया लास्ट दो पॉइंट के अंदर, एकदम सिंपल तरीके से हम देखते हैं, मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट हर्डल में वो चेक करते हैं तीन कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, ठीक है, तीन फाइनेंशियल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, एक्ट को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, प्रोहिबिटेड भी नहीं हो, और किसी भी लॉ के अंदर आप कन्विक्ट नहीं हुए, आप या कंपनी है तो कंपनी के ऑफिस बेरा डायरेक्टर किसी भी लॉ में अगर आप कन्विक्ट नहीं हुए तब फर्स्ट हर्डल कंप्लाई हो चुका है। और अब आप आगे जाके क्या ले सकते हो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। रुको, अभी दो और हर्डल बाकी है, दो हर्डल इजी है। नेक्स्ट हर्डल इज व्हाट, ये कहते हैं कि अगर आप जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं दैट इज लाइकली टू इफेक्ट प्रीजुडिशियली व्हाट सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रीडम और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक एंड सिमिलर ग्राउंड्स पे। तो कहने का मतलब है कि आप जो पैसा ले रहे हो उनसे ये जो सिक्स ग्राउंड्स हैं ये क्या प्रीजुडिशियली इंपैक्ट होंगे, ये क्या नुकसान होगा, क्यों हमारे सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट को, फ्रीडम ऑफ फेयरनेस ऑफ इलेक्शन को, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्री या हार्मनी ऑफ द कंट्री, इन सब पे अगर इंपैक्ट आने वाला तो पैसा नहीं लाने देंगे। तो पहला सेक्शन 12 आपको रजिस्ट्रेशन दे रहा है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, लेकिन वहां पे तीन हर्डल लगाया उसने। पहला हर्डल लगाया कि वो व्यक्ति शुड बी एलिजिबल टू ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स। नेक्स्ट कि आपका पैसा इनमें से किसी के लिए तो यूज नहीं हो रहा है। और थर्ड हर्डल काफी आसान है कि आप जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहे हैं दिस शुड नॉट लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, कि कोई ऑफेंस इसके कारण इंसाइट नहीं होना चाहिए, एंड शैल नॉट एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। ये लास्ट वाला हर्डल है, सबसे छोटा हर्डल है। तो दिमाग में ऐसे इमेजिन करो यारो, जैसे कि ये व्यक्ति है, इसको रजिस्ट्रेशन चाहिए, इसने सेक्शन 11 में अप्लाई किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं
पहले इस हर्डल को पार करो, फिर इस हर्डल को पार करो, फिर इस हर्डल को पार करो, फिर सर्टिफिकेट लेने के लिए आना। तो व्यक्ति सबसे पहले चेक करता है व्यक्ति एलिजिबल है ना। ओके, पहले वाले पॉइंट में कि वो बेनामी भी नहीं है, वो कभी कम्युनल टेंशन कन्वर्जन समय इन्वॉल्व नहीं था, सारे पॉइंट्स को कंप्लाई करते हैं। फिर ये जो पैसा ले रहे हैं, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी फ्रेंडली रिलेशन फॉरन कंट्री हार्मनी किसी को हैम्पर नहीं कर रहा है। थर्ड हर्डल कि जो पैसा ले रहे हैं, दिस विल नॉट रिजल्ट इन इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस और विल नॉट एंडेंजर फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, नहीं हो रहा है। तब ये व्यक्ति जब इन सबको कंप्लाई कर देगा तब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा सर्टिफिकेट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 12। सेक्शन नंबर 11, दैट अ पर्सन हैज गॉट टू रूट्स टू गेट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। एक तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक वन टाइम परमिशन के लिए। ठीक है साहब, उसका प्रोसीजर गया FC 3A 3B, हो गया एकदम आराम से। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पर कि भैया जी 12 में वो सर्टिफिकेट कब देगा, सर्टिफिकेट प्रायर परमिशन देगा। ये तीनों हर्डल अगर कंप्लाई कर दिए तो ही। चलिए ब्रीफ प्रोसीजर वापस एक बार। एक व्यक्ति ने फॉर्म 3A 3B इलेक्ट्रॉनिकली भरा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक व्यक्ति ने फॉर्म 3A 3B इलेक्ट्रॉनिकली भर दिया। सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसीट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन मे रजिस्टर सच पर्सन विद इन 90 डेज एंड ग्रांट अ सर्टिफिकेट और गिव प्रायर परमिशन। कि जैसे ही व्यक्ति ने फॉर्म 3A या 3B दिया था, डिपेंड करता है ना, वो वन टाइम परमिशन ले रहा है, रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली दे दिया था अलॉन्ग विद एफिडेविट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 90 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों हर्डल चेक कर लेता है, विद इन 90 डेज उसको दे देगा कि आपको रजिस्ट्रेशन दे रहे या नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे तो रीजन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो जो सर्टिफिकेट आपको दिया दैट विल बी वैलिड फॉर 5 years। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर सर्टिफिकेट दे, दैट विल बी वैलिड फॉर 5 years, 5 साल तक मस्ती से आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। बट एवरी ईयर के एंड में आपको सेक्शन 18 के तहत बताना होगा, दैट इज ओके। और अगर आपने वन टाइम परमिशन ली तो उस परमिशन के ऑब्जेक्टिव के लिए जो वन टाइम लिए वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इन केस रिफ्यूज करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रीजन देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया सेक्शन नंबर 12, समझना अच्छे से। सेक्शन नंबर 11, एक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए। दो मोड्स हैं, या तो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लो, या फिर आप वन टाइम परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रायर अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हर्डल चेक करता है 3, और उसके बाद में आपको देगा। जो सर्टिफिकेट देगा 5 years के लिए वैलिड रहता है, इजी टू गो। और अगर नहीं देगा, रिजेक्ट करता है विद इन 90 डेज, नहीं दे रहा है तो रीजन देगा, वंडरफुल। फिर आता है सेक्शन 13, अब इजी आ गया। सस्पेंशन, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहे, उसको लगता है कि आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल करना है, तो जब आपका कैंसिलेशन कंसिडर किया जा रहा है उस दौरान के लिए आपके सर्टिफिकेट को सरेंडर कर, आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन मैक्सिमम हो सकता है 180 डेज के लिए। ठीक है, तो जब आपका सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन कंसिडर हो रहा है उस दौरान के लिए, आपका सर्टिफिकेट कैंसिल करने का सोच रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, कैंसिल किस ग्राउंड पर करेगा कैंसिलेशन में पढ़ाऊंगा मैं, कैंसिलेशन करना कंसिडर कर रहा है उस दौरान आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम सस्पेंशन हो सकता है 180 डेज के लिए। जब आपका सस्पेंशन होगा उसका मतलब है उस दौरान आप कोई भी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ले नहीं सकते, जो लिया हुआ है उसको आप यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। राइट, लिमिट के, अगर आप लिमिट के आसपास यूटिलाइज करना चाहते हो चलेगा, अदरवाइज आप यूटिलाइज भी नहीं कर सकते, फोकस करना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिमिट दे रखी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से कितना यूटिलाइज कर सकते हो। सुना ध्यान से, अगर आप पे सस्पेंशन लग गया है तो आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया था उसको आप 25% तक यूटिलाइज कर सकते हो विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। सस्पेंशन के दौरान आप 25% ऑफ जो आपने रिसीव कर लिया था, जो अभी आपके पास में है, जो यूटिलाइजेशन करना है उसका 25% आप यूटिलाइज कर सकते हो ड्यूरिंग सस्पेंशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। राइट, 75% तो आप सस्पेंशन हटने के बाद ही करोगे, एंड सस्पेंशन मैक्सिमम हो सकता है 180 डेज का। फिर आता है कैंसिलेशन। अब सुना ध्यान से, कैंसिलेशन किन ग्राउंड्स पे होते हैं? ये 5 ग्राउंड पे, ये 5 ग्राउंड दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। ये 5 ग्राउंड पे आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। क्या? पहला पॉइंट, आपने इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट दिया था इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन और इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल। के रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 11 में एप्लीकेशन दिया, रिन्यूअल के लिए सेक्शन 16 में एप्लीकेशन दिया, तो जब आपने वो एप्लीकेशन दिया था उस दौरान आपने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, या फिर आपने वायलेट कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेट और रिन्यूअल, आपने इंफॉर्मेशन गलत दिया, या फिर आपने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिन्यूअल या जो सर्टिफिकेट उसको वायलेट कर दिया, या फिर आपने एक्ट को ही वायलेट कर दिया, यू हैव वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द ऑर्डर। ये 3 चीजें की तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। वापस 3 चीजें क्या हो गई? पहली चीज क्या, आपने सर्टिफिकेट लेने के लिए या फिर रिन्यूअल के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी। दूसरा, आपने जब आपको सर्टिफिकेट दिया है रिन्यूअल दिया तब जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो आपने वायलेट कर दिए, या फिर आपने एक्ट को ही वायलेट कर दिया। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ, इफ द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एंगेज इन एनी एक्टिविटी फॉर 2 years, आपने सर्टिफिकेट लिया और 2 consecutive years तक आपने कुछ एक्टिविटी की ही नहीं, डिफंक्ट हो गए आप, तो उस केस में भी आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। द लास्ट पॉइंट इज, इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक इंटरेस्ट में आपके सर्टिफिकेट हटाने तो हटा सकते हैं। ये 5 केसेस में आपके सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकते हैं, 5 केसेस दिमाग में बैठाना। मैं जनरली क्या कह रहा था, आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आना चाहिए, केस स्टडी क्वेश्चन आंसर कर दो, लेकिन ये 5 पॉइंट तो आपको अच्छे से दिमाग में याद भी रहना चाहिए। ये 5 केसेस में आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है। किन 5 केसेस में?
आपने सर्टिफिकेट को अप्लाई करते टाइम या रिन्यूअल के टाइम पे, सर्टिफिकेट को अप्लाई करते टाइम या रिन्यूअल के टाइम पे कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, आपने सर्टिफिकेट लेते टाइम या उसके रिन्यूअल के टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको वायलेट किया है, आपने एक्ट को वायलेट किया है। होल्डर ने सर्टिफिकेट तो ले लिया बट टू कंसेक्यूटिव ईयर्स तक कुछ एक्टिविटी नहीं की है, डिफंक्ट हो चुका है। और लास्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में आपके सर्टिफिकेट कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड आता है। आज सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ, 3 सालों तक आप वापस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक बार सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ 3 सालों तक आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है सुरेंद्र, भाई साहब कैंसिल हो गया। सुरेंद्र की बात कर, सुरेंद्र कोई भी व्यक्ति को मस्ती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि मैं सुरेंद्र करना चाहता हूं अपने सर्टिफिकेट को। सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि इसने कोई एक्ट कॉन्ट्रवीन तो नहीं किया है, नहीं किया है तो आपके सरेंडर को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। 15 आता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरन करेंसी ऑफ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी पर्सन हुज सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड और सरेंडर्ड। तो कोई भी एक व्यक्ति है सेक्शन 15 के अंदर जिसका सर्टिफिकेट कैंसिल या सरेंडर हो चुका है, उसके फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? तो सिंपल तरीके से कहते हैं, फोकस करना चाहिए कि जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, यस पीपल, कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है ये अथॉरिटी के हिसाब से चलेगा। फोकस करना अच्छे से, शेल वेस्ट इन द बैंकिंग अथॉरिटी। जो आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आपने ले लिया था, यूटिलाइज नहीं किया था और अब आपका सर्टिफिकेट ही कैंसिल हो गया या सरेंडर कर दिया आपने, तो दिस विल बी इन द कंट्रोल ऑफ बैंकिंग अथॉरिटी। ठीक है, आपको मैं सेक्शन 17 में पढ़ाऊंगा। बताए इंडिया के बाहर से कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तो मैंडेटरली SBI न्यू दिल्ली, अरे नाम दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अकाउंट से रूट होना चाहिए। तो मान लीजिए ऐसी किसी बैंकिंग अथॉरिटी के पास में कोई पैसा बच गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन और आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल और सरेंडर कर चुके हैं, तो वो जो पैसा है वो बैंकिंग अथॉरिटी के पास रहेगा और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बताता है वैसे आगे उसको प्रोसीड नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉजेस भी हैं कि अगर जरूरत पड़ती तो बैंकिंग अथॉरिटी आपके बिजनेस को मैनेज भी करेगी, जो आपका था एक्टिविटी को कंटिन्यू भी करेगी, और एक्टिविटी को कंटिन्यू करते टाइम शॉर्ट ऑफ फंड्स हो रहा है तो आप ही के कुछ असेट्स में से असेट्स को बेच के भी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकती है। ये सब चीजें होती है कब, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड और सरेंडर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। सिंपल, सुनना बहुत केयरफुली, आपका सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 इयर्स, तो ये जो आपके लास्ट 6 मंथ्स होते हैं इसमें यू टू एंश्योर यू गेट इट रिन्यूड। जो लास्ट 6 मंथ्स होते हैं उसमें यू टू एंश्योर यू गेट इट रिन्यूड। आज मेरा सर्टिफिकेट है 5 इयर्स का है, मान लीजिए मुझे जब भी ईयर में मिला था 5 इयर्स में एक्सपायर होने वाला है, 31 दिसंबर 2022 एक्सपायर होने वाला है, तो उसके लास्ट 6 मंथ्स में मुझे अप्रूवल ले लेना है। मतलब लास्ट 6 मंथ्स कब, 30th of June को ही मुझे अप्लाई कर देना है। 30th of June पे 6 मंथ्स शुरू हो रहा है ना, और उन 6 मंथ्स में मुझे मेरा रिन्यूअल करा देना है। सो whenever, फोकस करना बहुत केयरफुली, whenever यू हैव योर रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर होने वाला है उसके लास्ट 6 मंथ्स में ही आपको उसको रिन्यू करा लेना है। सर मान लो लास्ट 6 मंथ्स में रिन्यू नहीं करा है तो क्या होगा, देन योर सर्टिफिकेट विल सीज टू एग्जिस्ट, वो सीज हो जाएगा, फिर आप फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर क्या हम बाद में अप्लाई कर सकते हैं? सुनना, आपका फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट जो है फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन को सीज हुआ उसके 1 साल तक आप लेट फीस के साथ रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। सो 31 दिसंबर 2022 को एक्सपायर हो रहा था, मैं 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ में अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर, लेट फीस कुछ 5000 के आसपास है, नॉर्मल फीस 1500 के आसपास है, तो यहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर सर एक्सपायर हो गया और 1 साल भी हो गया फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको फ्रेश तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप रिन्यू नहीं करा सकते। ठीक है, रिन्यू का प्रोसीजर क्या है, कोई भी व्यक्ति फॉर्म FC3C, FC3A 3B हो गया, 3C में रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देते हैं अलॉन्ग विद एफिडेविट एंड फीस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सर्टिफिकेट रिन्यूअल जो मिलता है वो भी 5 इयर्स का मिलता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां भी 90 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना, 90 डेज के अंदर वो आपके सर्टिफिकेट रिन्यू कर देगा, एंड द रिन्यूड सर्टिफिकेट इज आल्सो वैलिड फॉर 5 इयर्स। तो ऐसे ही चलता है, 5 इयर्स का मिला ये लास्ट 6 मंथ्स में वापस रिन्यू करा लिया, नेक्स्ट 5 इयर्स भी चला, लास्ट 6 मंथ्स में वापस रिन्यू करा लिया, नेक्स्ट 5 इयर्स, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो दैट इज अबाउट सेक्शन 16, फोकस करना अच्छे से। तो व्हाट आर वी डन विद, वी आर डन विद द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 एंड 2, इजी है। 1 मई को आया है, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है, सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया पे भी अप्लाई करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंडियन कंपनीज है उनके ब्रांचेस सब्सिडीज पे भी अप्लाई करता है, ये कर लिया हमने चैप्टर 1 के अंदर, डेफिनेशन पढ़ लिया। फिर आया चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 10, यहां पे हर एक व्यक्ति क्लियर है। सेक्शन नंबर 3 टॉक्स अबाउट व्हाट, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेक्शन नंबर 4, पर्सन ऑन होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। सेक्शन नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन बी नोटिफाइड एज पॉलिटिकल नेचर वाली ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन नंबर 6, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सेक्शन नंबर 7, पर्सन हु हैज रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू सम अदर पर्सन। सेक्शन नंबर 8, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्पेक्युलेटिव पर्पस। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10 बहुत ही प्रिलिमिनरी टाइप सेक्शन थे, राइट। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10 बहुत ही प्रिलिमिनरी टाइप सेक्शन थे। सेक्शन नंबर 9 में छोटी सी बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति है वो अभी तक सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड नहीं है बट सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ऑर्डर करके उसको रोक सकता है।
सेक्शन नंबर 10 कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में फॉरेन करेंसी आ गई है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट, तो वो उसके साथ डील नहीं करेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेगा। तो 3-10 सबका डन है। हमने 11-16 पढ़ा, 11-16 में कि कोई भी व्यक्ति इसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है वो अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। दो ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन है वन टाइम अप्रूवल, अप्लाई करेगा FC3 या 3B में, डन अप्लाई कर दिया उसने। फिर सेक्शन नंबर 12 के अंदर आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देगा, अगर तीनों के तीनों कंप्लायंस कर दिए उसने तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकता है विच इज वैलिड फॉर 5 years। डन। अब ये देने के बाद में सस्पेंशन, कि 180 डेज का आपका सस्पेंशन हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कैंसिलेशन कंसीडर कर रही है तो उस दौरान सस्पेंड कर लेती है 180 डेज के लिए। ओके, सस्पेंशन हो गया। सेक्शन नंबर 11, 12, 13 सस्पेंशन, सेक्शन नंबर 14 कैंसिलेशन। उन पांच ग्राउंड पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल भी कर सकता है सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 है सुरेंदर, अगर आपको लगता है अपना सर्टिफिकेट सुरेंदर करना है तो आप सुरेंदर कर सकते हैं। 15, अगर आपके सर्टिफिकेट के साथ कंसल हो गया या सुरेंदर हो गया है तो उन सर्कमस्टांसेस में, आपके सर्टिफिकेट के साथ कंसल हो गया है या सुरेंदर हो गया है तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के असेट्स हैं वो कैसे मैनेज किए जाएंगे, तो वो बैंकिंग अथॉरिटी के पास रहते हैं एंड वो हैंडल किए जाते हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या सेक्शन 15। और लास्ट सेक्शन नंबर 16 रिन्यूअल, लास्ट 6 months ऑफ योर टेन्योर के अंदर आपको रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी होती है। अगर आपने रिन्यूअल कराना है तो FC3C के अंदर आपको रिन्यूअल कराना होता है अलॉन्ग विद फीस ऑफ 1500 रुपीज। आपको रिन्यूअल अगर आपने नहीं कराया, सीज हो गए, देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सीज होने के विदिन 1 year आप लेट फीस के बाद रिन्यूअल करा सकते हैं, 1 year हो गया उसके बाद रिन्यूअल नहीं करा सकते, फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कैंसिलेशन अगर आपका होता है तो 3 years का, 3 years का कूलिंग पीरियड है, एक बार आपका सर्टिफिकेट कैंसिल किया है तो 3 साल तक आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते फ्रेश एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट। आई होप यू आर ऑल विथ मी। सेक्शन नंबर 1-16 तक हम सब लोग साथ में, आई होप सो। Wonderful. So without wasting any time, let's go ahead. बस यहां तक खास थे, अब सारे छोटे-छोटे sections हैं। 100% focus on the screen. Section number 17 से आगे बढ़ने वाले हम लोग। अब अगला आता है, next chapter आता है, section number 17 से 22. 21 आपके syllabus में नहीं है, section number 17 से 22. 17 क्या कहता है? Focus करना. Foreign contribution through scheduled bank. Section number 17 क्या कहता है? कि अगर कोई, अब सारे छोटे sections हैं, 100% focus on the screen. Section number 17 कहता है foreign contribution to scheduled bank. कि अगर कोई भी foreign contribution India में आ रहा है, it has to mandatorily route through SBI New Delhi के account. तो कोई भी foreign contribution India में आएगा, तो आपको FCRA account open करना होता है न्यू दिल्ली SBI के ब्रांच में, और वहीं से रूट होगा। तो उसके बाद में आपको चाहिए कोई और अकाउंट ओपन करना, तो ओपन कर सकते हो। कहने का मतलब है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक बार तो सबसे पहले 100% FCRA अकाउंट विद SBI न्यू दिल्ली में आएगा, वहां के एक अकाउंट ओपन कराना है आपको। उसके बाद में आपको किसी और अपने किसी और शेड्यूल बैंक के साथ अकाउंट ओपन कराना है फॉर योर कन्वीनियंस, ऑपरेशनल कन्वीनियंस, तो आप कर सकते हो, बट हर एक मैंडेटरली वहां से रूट होगा। क्लियर है? बैंक के ऊपर वहां पर एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है या यूटिलाइज हुआ है तो उनको 48 hours के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। ये दिया है सेक्शन नंबर 17 में कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में आएगा वो SBI से रूट होते हुए ही आएगा। सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट इंटीमेशन, ये मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट इंटीमेशन, ये क्या कहते हैं, रफ आईडी देता हूं, कि हर एक व्यक्ति जिसने सर्टिफिकेट लिया है अंडर सेक्शन 12 उसको मैंडेटरली ईयर एंड पे पूरा हिसाब देना है कि इस साल में मैंने इतना फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया, ये मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स है, मेरे बैंक ऑफिसर ने इसको अप्रूव भी किया हुआ है, ये मेरे बैलेंस शीट है, मेरे पीएनएल अकाउंट है, ये मेरा रेसिडेंट एक्सपेंडिचर है, मेरे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसको सर्टिफाई भी किया हुआ है, देख लो सारा। हर एक व्यक्ति इसका सेक्शन 12 का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसने प्रायर परमिशन ले रखी है, उसको इंटीमेशन देना है सेक्शन 18 में मैंडेटरी। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, हर एक व्यक्ति जिसने 12 में परमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे बुक्स मेंटेन करने, इजी। फिर आता है 20 ऑडिट, सुनना, ऐसा मत समझना हर एक व्यक्ति इसने सेक्शन 12 का रजिस्ट्रेशन लिया है उसको ऑडिट कराना है, नहीं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन तीनों में से कहीं पर शक होता है कि एक व्यक्ति जिसने प्रॉपर इंटीमेशन नहीं दिया है, इंटीमेशन ही नहीं दिया, या इंटीमेशन दिया बट इन अकॉर्डिंग ऑफ लॉ नहीं दिया, या फिर उसने जो इंटीमेशन दिए साल भर के उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं इसके ऊपर तो हमें ऑडिट करना होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट करता है और आपका ऑडिट होता है। तो सेक्शन नंबर 20 टॉक्स अबाउट ऑडिट, सबका नहीं होता है। आपने अगर इंटीमेशन नहीं दिए, इंटीमेशन दिए बट अकॉर्डिंग विद लॉ नहीं दिए, या फिर आपके इंटीमेशन देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि आपने कोई लॉ को वायलेट किया है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर ऑडिट ऑर्डर कर सकता है। एंड 21 आपके सिलेबस में, फिर 22 आता है डिस्पोजेबल ऑफ असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि अगर आपने कोई भी असेट्स को क्रिएट कर दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से और अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया कि बस अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उन असेट्स का क्या होगा, दोस असेट्स विल बी डिस्पोज एज पर लॉ और एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, एज पर लॉ और एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, खत्म।
तो सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 20, 22 बहुत आसान है, वापस फोकस करना। सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी इंडिया में आएगा एसबीआई अकाउंट से आएगा और बैंक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, बैंक्स के ऊपर कंप्लायंस है कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है या यूटिलाइज होता है 48 आवर्स में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट इंटीमेशन कि हर एक व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है उसको एवरी ईयर एंड उसको फॉर्म भर के बताना है सारी डिटेल्स के, मैंने ये इस तरह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, यूटिलाइज किया। उसके बाद में सेक्शन नंबर 19 के अंदर हर एक व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन लिया उसको मेंटेन करने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन नंबर 20 के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करता है उन तीन केसेस में पकड़ जाता है तो उसका ऑडिट होगा। सेक्शन 22 के अंदर अगर असेट्स आपके बच गए तो डिस्पोज होंगे एज पर लॉ और एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर। इंटीमेशन को अच्छे से देखो क्या लिखा है, इंटीमेशन क्या होता है, ये जो मैं इंटीमेशन का सेक्शन 18 है उसको डेप्थ में बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 18 का जो इंटीमेशन है कि कोई भी व्यक्ति जिसने सेक्शन नंबर 12 में सर्टिफिकेट या अप्रूवल ले रखा है उसको एवरी ईयर एंड पे फॉर्म FC4 सबमिट करना है। फॉर्म FC4 सबमिट करना है, सर यहां पे FC1 लिखा है, FC1 इज फॉर आर्टिकल्स। अगर आपने आर्टिकल रिसीव किया तो FC1, सिक्योरिटी रिसीव की तो FT1, लेकिन अगर आपने करेंसी अमाउंट रिसीव किया तो FC4। FC4 सबमिट करना है किसके साथ में, देखना ध्यान से, FC4 हैज टू बी सबमिटेड अलोंग विद स्कैंड कॉपी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट अलोंग विद चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन के सब कुछ सही है। उसके साथ में आपने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है वो आपके बैंक ऑफिसर या फेमा का जो ऑथराइज व्यक्ति है उन्होंने उसको ऑथराइज भी करना है कि हाँ ड्यूली यही पैसा इन्होंने रिसीव किया है। एंड इट ऑल्सो हैज टू इंक्लूड कि अगर आपने फंड्स किसी और को ट्रांसफर किया गया तो उसकी रिपोर्ट। वापस एक बार रिपीट करता हूं, सेक्शन 18 कहता है कि एवरी ईयर हुज गॉट अप्रूवल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 ही हैज टू मैंडेटरली फाइल FC4 फॉर करेंसी, FC1 फॉर आर्टिकल और सिक्योरिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे ईयर एंड होता है उसके 9 मंथ्स में, ईयर एंड होगा उसके 9 मंथ्स में आपको FC4 फाइल करना होता है, FC1 फाइल करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। इसके साथ में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके साथ में आपको अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके साथ में आपको बैलेंस शीट, ये सभी देनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई भी करना है, फिर आपको बैंक के ऑफिशियल से या फिर फेमा के ऑथराइज व्यक्ति से भी सर्टिफाई करना है कि इतना ही पैसा आया था, और अगर आपने फंड्स किसी और को ट्रांसफर किया तो वो भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर कुछ दिमाग में डाउट आ सकते हैं, बता देता हूँ कि सर अगर मान लो इस साल हमारे पास रजिस्ट्रेशन था बट हमने इस साल में एक भी पैसा नहीं रिसीव किया तो भी फॉर्म भरना है? हाँ, निल रिटर्न ऑल्सो हैज टू बी फाइल, लेकिन बस निल रिटर्न फाइल कर दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको बैलेंस शीट, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, ये सब आपको फिर साथ में देने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो भी रिकॉर्ड्स होंगे दे हैव टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 6 ईयर्स, सेक्शन 18 के रिकॉर्ड्स हैव टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 6 ईयर्स, दैट इज इंटीमेशन अंडर सेक्शन 18। तो हमने क्या पढ़ा लास्ट में, हमने पढ़ा है ये, हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, नहीं 22। 17 में क्या कहा, कोई भी भारत में पैसा आता है तो वो एसबीआई के थ्रू ही आएगा, एसबीआई न्यू दिल्ली के एक अकाउंट होना चाहिए, एफसीआर अकाउंट, उसके थ्रू ही आएगा। उसके अंदर कि कोई भी बैंक के पास पैसा आता है जाता है तो बैंक ऑफ 48 आवर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। फिर आता है सेक्शन नंबर 18 इंटीमेशन, कोई भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन लगता है सेक्शन नंबर 12 के अंदर या प्रायर परमिशन ले रखी है उसको ईयर एंड पे FC4 फाइल करना है अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर बड़ा मेंटेनेंस, सेक्शन नंबर 19 कहता है कि हर एक व्यक्ति जिसने अप्रूवल ले रखा है उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड पूरा का पूरा मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है ऑडिट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इसने सेक्शन 18 के इंटीमेशन सही से नहीं दिए, दिए ही नहीं, या अकॉर्डिंग विद लॉ नहीं दिए, या फिर जो दिए थे उसमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो वो लॉ वायलेट हुआ है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट ऑर्डर कर सकता है। एंड सेक्शन नंबर 22 टॉक्स अबाउट कि अगर आपके असेट्स को डिस्पोज करना तो कैसा होगा, अकॉर्डिंग विद लॉ और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। दिस इज सेक्शन नंबर 17 to 22। डोंट यू थिंक दीज आर सुपर इजी सेक्शंस, अभी पूरा ऐसे छोटे 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 सेक्शन आते हैं, सबसे दमदार सेक्शन रहता है 3 to 10 और उसके बाद में 11 to 16। बस चलो 22 के बाद आगे चलते हैं, 28, 29, 30 क्या बात करता है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एडजुडिकेशन। 28 क्या कहता है कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने लॉ को वॉयलेट करके कोई आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी थी तो उसको सीज की है, दैट इज लाइबल टू कॉन्फिस्केशन, कि कोई भी सीज किया हुआ आइटम है तो दैट कैन बी कॉन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट, कि कोई भी आपने लॉ को वॉयलेट करके चीज ली थी तो दैट कैन बी कॉन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 28। सिर्फ इतना सा कि कॉन्फिस्केशन हो सकता है अगर आपने लॉ को वॉयलेट करके कोई भी आर्टिकल, कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी करेंसी इंडिया में लिया एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। 28 टॉक्स अबाउट द एडजुडिकेशन कि हाउ इट विल बी एडजुडिकेटेड, कि अगर मान लीजिए कोई करेंसी पाई गई, कोई आर्टिकल पाया गया, कोई सिक्योरिटी पाई गई कि यार ये एक व्यक्ति के पास है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इन वॉयलेशन ऑफ एक्ट आया, सो देन देयर विल बी एन अथॉरिटी इज गोइंग टू एडजुडिकेट। हु इज गोइंग टू एडजुडिकेट, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, बारीक पॉइंट समझना, सेशन कोर्ट विदाउट एनी लिमिट कैन एडजुडिकेट, सेशन कोर्ट विदाउट एनी लिमिट कैन एडजुडिकेट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट सर्टन पीपल, जहां पे नाम दिया रखा है एडिशनल सेशन जज, दे कैन एडजुडिकेट अप टू 10 लाख। तो जो सीज किया हुआ आइटम है उसकी वैल्यू 10 लाख तक है तो एडिशनल सेशन जज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड लोग उसको एडजुडिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू उससे ज्यादा है तो सेशन कोर्ट ही उसको एडजुडिकेट करेगा। आई रिपीट अगेन, सेशन कोर्ट कैन एडजुडिकेट द केस विदाउट एनी लिमिट,
or person specified by central government or additional session judge can adjudicate up to 10 lakh. तो ये एडजुडिकेट करेंगे कि ये जो असेट मिला है, ये जो आर्टिकल मिला है, सिक्योरिटी मिला है, ये जो करेंसी मिला है, इसका क्या होगा, ये कॉन्फिस्केट होगा या फिर किसी को रिटर्न किया जाएगा. ठीक है, दिस इज सेक्शन नंबर 28 कहता है कि कॉन्फिस्केशन हो सकता है. सेक्शन नंबर 29 कहता है एडजुडिकेशन कैसा होगा. सेक्शन नंबर 30 कहता है प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है बस. तो 28, 29, 30 टॉक्स अबाउट एडजुडिकेशन. 28 कहता है कि कॉन्फिस्केशन हो सकता है, 29 कहता है कि एडजुडिकेशन होगा, कौन करेगा, और 30 कहता है कि प्रोसीजर फॉलो करना है सिंपल, दैट यू टू फॉलो एनी ऑर्डर आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. तो 28, 29, 30 एक ही लट्टे बट्टे. ठीक है, 29 कहता है कॉन्फिस्केशन हो सकता है 29 के अंदर, 29 एडजुडिकेट कैसे होगा बताता है, और 30 कहता है आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है प्रोसीजर में. ठीक है, 29, 29, 30 एडजुडिकेशन. 31 और 32 इंटरेस्टिंग है, फोकस करना 31 और 32. अब ये समझो खत्म, ये चैप्टर इसी शीट पे खत्म हो जाएगा, सारे सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए. सबसे मैं बात करता हूँ अपील एंड रिविजन का, सेक्शन 31, 32 बात करता है. 31 टॉक्स अबाउट अपील, 32 टॉक्स अबाउट रिविजन, 100% फोकस यहाँ पे. 31 क्या कहता है, सेक्शन 31 कहता है कि अगर कभी भी आपको अपील करनी है तो दो चीजें दे रखिए, दो केसेस हैं. पहला, अगर आपको अपील करना है अगेंस्ट सेक्शन 29 में एडजुडिकेशन हुआ था कि कोई आर्टिकल, कोई करेंसी या कोई सिक्योरिटी जब्त किया था गवर्नमेंट ने, और फिर सेशन कोर्ट ने या फिर एडिशनल सेशन जज ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये तो है ना जब्त होगा, कॉन्फिस्केट होगा. इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 29, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 29, तो अपील का हायरार्की क्या है सुनना बहुत केयरफुली. If the order with which you are not satisfied has been passed by वो लिमिट के 10 लाख के अंदर वाले लोगों ने, एडिशनल सेशन जज ने, तो अपील फाइल करोगे आप सेशन कोर्ट के पास. अंडर सेक्शन 29 आप सेटिस्फाइड नहीं हो ऑर्डर से, द ऑर्डर वॉज पास बाय एडिशनल सेशन जज, अपील करोगे सेशन कोर्ट के पास. लेकिन वॉट इफ द वैल्यू वॉज मोर देन 10 लाख एंड द ऑर्डर हैज बीन पास बाय सेशन कोर्ट ओनली, तो अगर सेक्शन 29 के सेशन कोर्ट के ऑर्डर से आप खुश नहीं हैं तो अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट के पास. आई रिपीट अगेन, अपील के अंदर पहला पार्ट है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 29, तो 29 में ऑर्डर या तो एडिशनल सेशन जज वगैरह कर सकता है या फिर सेशन कोर्ट कर सकता है. तो अगर एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर से आप खुश नहीं है तो अपील करेंगे सेशन कोर्ट के पास, और सेशन कोर्ट के ऑर्डर से खुश नहीं तो अपील करेंगे हाई कोर्ट के पास. क्लियर है, अपील करने के लिए आपको 1 मंथ दिया है, 1 मंथ में अपील हो जानी चाहिए, और अगर 1 मंथ में नहीं की तो एडिशनल 1 मंथ है आफ्टर सेटिस्फाइंग द अथॉरिटी. क्लियर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अपील. सेकंड पार्ट ऑफ अपील समझना, सेकंड पार्ट ऑफ अपील में इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर ऑफ, आपने एप्लीकेशन दिया, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आपके सर्टिफिकेट उन्होंने कैंसिल कर दिया है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 में बोल दिया कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगेगा, ऐसा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिससे आप खुश नहीं है तो भी आप अपील कर सकते हैं डायरेक्टली विद हाईकोर्ट. सो दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, और हाईकोर्ट के अपील करने के लिए आपको मिलते हैं 60 डेज. हाईकोर्ट के अपील करने के लिए आपको मिलते हैं 60 डेज. तो अपील के अंदर दो केसेस ऑफ अपील है, सेक्शन 29 के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो अपील का प्रोसीजर अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो अपील का प्रोविजन विद इन 60 डेज, यू कैन डायरेक्टली मेक एन अपील टू हाईकोर्ट. क्लियर अपील. ये हो गया सेक्शन में 31 अपील. सेक्शन में 32 टॉक्स अबाउट रिविजन. सुना ध्यान से, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से खुश नहीं है तो रिविजन की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं. रिविजन दो केस में दो तरीके से हो सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो रिविजन कर सकता है कि यार हमने ये ऑर्डर पास किया था बट हमें लगता है ऑर्डर सही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है. तो रिविजन कैन बी डन सुओ मोटो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर. सेकंड थिंग, रिविजन हो सकता है ऑन योर एप्लीकेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, आप उससे खुश नहीं थे, तो यू वांट टू मेक एन एप्लीकेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, आप उससे खुश नहीं थे, यू वांट टू मेक एन एप्लीकेशन कि प्लीज इसे रिवाइज कर दो, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो. कब? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर. आपको जब तक ऑर्डर पता चला था उसके विद इन 1 ईयर यू कैन मेक एन अपील फॉर, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन. ठीक है, मान लो 1 ईयर के बाद भी आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इट इज जस्ट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी सेटिस्फाइड. तो आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी सेटिस्फाइड. यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे मॉड्यूल में मिसप्रिंट है, गलत दिया हुआ है. सुनना ध्यान से, एक पॉइंट इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपके पास अपील करने का राइट है, अगर आपके पास अपील करने का राइट है तो आप रिविजन के लिए नहीं जा सकते. आपने अपील के राइट को एग्जॉस्ट कर दिया है, या फिर अपील का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, या फिर आपने वेव कर दिया है कि मैं अपील नहीं करूंगा, तभी आप रिवीजन कर सकते हो. तो जब आपके पास अपील का राइट है तब आप रिवीजन नहीं कर सकते. सो सेक्शन नंबर 31 और 32 टॉक्स अबाउट अपील एंड रिवीजन. इजी. उसके बाद में आता है आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के सेक्शन. 33 टू 38 टॉक्स अबाउट सर्टेन पेनल्टीज ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कि आपने कुछ ऑफेंस कर दिया तो उनकी पेनल्टीज क्या होगी, ये 33 टू 38 के अंदर दिया है. फिर आता है 39, 40 और 41. 39 कहता है ऑफेंस बाय कंपनीज. 39 क्या कहता है? ऑफेंस बाय कंपनीज, अगर एक कंपनी ने कोई ऑफेंस किया है तो हु विल बी लायबल? एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स. एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स. सेकंड, एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स. एंड थर्ड,
कंपनी इटसेल्फ, दे विल बी लायबल. फिर एक पॉइंट आता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति है जिसने ड्यू डिलिजेंस से काम किया था या फिर उसको नॉलेज ही नहीं था, यह व्यक्ति लायबल नहीं होगा. फिर एक और पॉइंट आता है कि कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का सेक्रेटरी, ये लोग जो हैं, कंपनी का ऑफिसर, ये लोगों की अगर नेग्लिजेंस के कारण कोई एक्ट हुआ है, इनके अगर नेग्लिजेंस के कारण कोई एक्ट हुआ है तो उन सर्कमस्टेंसेस में, इनके अगर नेग्लिजेंस के कारण कोई एक्ट हुआ है तो उस सर्कमस्टेंसेस में दे विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल. आई रिपीट अगेन, ऑफेंस बाय कंपनी, कंपनी ने अगर ऑफेंस किया है, ध्यान से सुनना, कंपनी ने अगर ऑफेंस किया है तो एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द कंपनी विल बी लायबल. Any person who's man, who's responsible for the conduct of the company will be liable and company itself will be liable. फिर एक पॉइंट आता है कि ये liable नहीं होंगे. कोई भी व्यक्ति जिसको knowledge ही नहीं थी उस act की, या फिर जिसने due diligence से काम किया था, वो व्यक्ति liable नहीं होगा. फिर एक और पॉइंट आता है, लेकिन ये liable होंगे, कंपनी के जो ऑफिसर हैं, employee हैं, director हैं, manager हैं, secretary है, ये लोग की अगर negligence के कारण कोई act हुआ है तो ये लोग liable होंगे. This is offense by company. Easy. Next is bar on prosecution offense under the act. Simple सा point इतना सा कि यहां पर जब तक कोई व्यक्ति केस फाइल नहीं करेगा, जब तक कोई व्यक्ति केस फाइल नहीं करेगा, कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर केस फाइल नहीं करेगा, कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता. छोटा सा पॉइंट है. नेक्स्ट, कंपाउंडिंग ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस. इतनी सी बात है कि कंपाउंडिंग बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कंपाउंडिंग उन ऑफेंसेस के लिए नहीं हो सकती जहां पे ओनली इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन है, वहां पे नहीं हो सकती है. ठीक है, तो नॉर्मल रूल है ओनली इंप्रिजनमेंट एंड फाइन एंड इंप्रिजनमेंट के अंदर कंपाउंडिंग नहीं होती है. कंपाउंडिंग क्या होता है कि मैं कह रहा हूं कि मेरे अगेंस्ट ऑफेंस चल रहा है, मेरे अगेंस्ट चीज का केस चल रहा है, मैं फाइन देके निकलना चाहता हूं. ठीक है, एक बार अगर आपने एक ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग की है तो 3 years तक वापस सिमिलर ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है. ठीक है, 3 years के बाद आप फ्रेश तरीके से सिमिलर ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग कर सकते हो, बट विद इन 3 years वापस कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है. दैट इज देन. तो 33 to 38 बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेज और उनकी पेनल्टीज, 39 ऑफेंसेज बाय कंपनीज, 40 छोटा सा बार ऑन प्रोसिक्यूशन एंड 41 टॉक्स अबाउट कंपाउंडिंग. इजी. और इसके बाद में लास्ट चैप्टर आता है आपका, That is miscellaneous. हिम्मत के साथ बने रहो, खत्म हो जाएगा यहां पे तो कुछ है नहीं, बहुत टाइम पास है. इसको आप मॉड्यूल में भी देखोगे तो 2 पेज भी नहीं है. 42 एंड 43 क्या कहता है, पावर टू कॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेट टू केस अंडर द एक्ट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट को बुला सकता है और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उसके पास भी पावर है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन या कॉल कर सकता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को. और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन अथॉरिटी के वास्ते पावर है, इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर करेगा तो उनके पास भी पूरी पावर रहेगी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकते हैं. 42-43. फिर आता है 46 एंड 47, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए वो जो भी डायरेक्शन इश्यू करना चाहे वो कर सकते हैं, एंड दे कैन इवन डेलीगेट दिस पावर, बट पावर टू मेक रूल कैन नॉट बी डेलीगेटेड. पावर टू मेक रूल कैन नॉट बी डेलीगेटेड. फिर आता है सेक्शन 48, पावर टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रूल व्हिच कैन नॉट बी डेलीगेटेड. फिर आता है 50, पावर टू एग्जेम्प्ट इन सर्टेन केसेस. सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति को हमें एग्जम्प्ट कर देना है कि भैया तू फ्रीली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर, तेरे पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू एग्जम्प्ट एनी पर्सन एज वेल. फिर आता है 51, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन पे एक्ट अप्लाई नहीं करता है. एंड 52, एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड. KFCR यानी के मतलब ये नहीं है कि दूसरे लॉज अप्लाई नहीं होंगे. तो जो फेमा बोलो या जो दूसरे लॉज चल रहे हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे और साथ में FCRA भी कंटिन्यू करेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट Foreign Contribution Regulation Act 2010. And I hope this revision has very nicely and fruitfully helped you all. चलिए यार, आशा करता हूं कि पूरा का पूरा Foreign Contribution Regulation Act दिल में है. This is all about this act. I guess unnecessarily एक हाई पर रहता है, अननेसेसरी बच्चे डरते हैं, but I guess comfortable तरीके से आपने इस तरह से पढ़ा था. This is all sorted. If at all, this is all you remember. You just have to give a nice reading of the module and you will be all sorted. Right? I hope you're all with me. Right, people. तो इसके बाद में कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ हो चुका है. सिर्फ एक छोटी सी चीज है, that कुछ पास्टर क्वेश्चंस देख लेते हैं तो एक और आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से होता है. बट आई गेस यू आर ऑल विथ मी. Are you all with me? Are you all feeling FCR to be very comfortable? So then we can go ahead then. चलिए यार, तो FCR के कुछ क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं आराम से, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा. चलिए यार, बिल्कुल परेशानी होने वाली नहीं है. सबसे पहला क्वेश्चन देखता हूं. जैसे हमने जो पढ़ाया थे, आई डोंट थिंक कोई भी क्वेश्चन आपको दूर दूर तक परेशानी वाली, बट लेट्स सी दिस क्वेश्चन, यू विल गेट अ फेयर आइडिया. सेड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट कैन कैंसल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू पर्सन अंडर FCR. कि किस केस में उसके सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन, मुझे कैंसिलेशन का सेक्शन बोलो फटाफट. कैंसिलेशन का सेक्शन क्या था? देखो, हम उसमें था 11 में अप्लाई करता है, 12 में सर्टिफिकेट मिलता है, 13 में सस्पेंड होता है, 14 कैंसिलेशन, 15 सरेंडर.
14 कैंसिलेशन, ठीक है। कैंसिलेशन पांच ग्राउंड, मैंने कहा था बहुत केयरफुल रहना, कैंसिलेशन पांच ग्राउंड पे हो सकता है। पहला ग्राउंड क्या था कि उस व्यक्ति ने इंटीमेशन ही नहीं दिया, इंटीमेशन दिया बट इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं दिया, इंटीमेशन जो उसने आई एम सॉरी फोकस करना यहां पे क्या कह रहे हैं हम लोग, सॉरी उसने फॉल्स कैंसिलेशन का बोल सकते कैंसिल, मैं ऑडिट के पॉइंट बोल गया, कैंसिलेशन कौन कन केसेस में होते हैं 100% फोकस यहां पे, कैंसिलेशन किन केसेस में हो सकता है, कैंसिलेशन पहला कि उस व्यक्ति ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, या फिर उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उनको कंप्लाई नहीं किया, या फिर उसने लॉ ही वॉयलेट किया, या फिर उस व्यक्ति ने अप्रूवल हमसे रजिस्ट्रेशन ले लिया था उसके बाद टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक द पर्सन हैज नॉट डन एनी एक्टिविटी एंड और द पर्सन हैज बीन नाउ डिफंक्ट डिक्लेयर्ड, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, तो इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये पांच केसेस कहते हैं कि उस व्यक्ति के सर्टिफिकेट को क्या कर सकता है कैंसिल। हमने एक और पॉइंट पढ़ा था ऑडिट, तो वहां पे क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति ने इंटीमेशन नहीं दिया इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं दिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इंटीमेशन जो दिया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऑडिट ऑर्डर कर सकते हैं। दैट आर दोज आर थ्री डिफरेंट पॉइंट्स। जब आप पॉइंट्स अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन भी होता है ना, तो आप पॉइंट्स को रीड करोगे सोचोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक अरे हाँ ये तो ऑडिट वाले थे, एक दो पॉइंट में आता है, तो रटाफिकेशन नहीं करना है, अच्छे से अगर समझ के आप जा रहे हैं तो कहीं आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो कैंसिलेशन के एकदम इजी पॉइंट्स। उसके बाद में एक्स इज एन एसोसिएशन हैविंग रजिस्ट्रेशन टू ट्रांसफर द एफसीआर रिसीव्ड बाय टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज द वैलिड एक्ट ऑफ एक्स, ठीक है। इफ यस देन व्हाट इज द प्रोसेस टू डू सो इफ देयर आर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि एक व्यक्ति जिसके और फंड्स दे लिया है क्या वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है क्या, दैट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। लेट्स सी, बहुत आसान है, हमने पढ़ा है ये भी कि ट्रांसफर कर सकता है नहीं कर सकता, लिमिट विमिट हमने सब कुछ पढ़ा है, सेक्शन बताया कोई मुझको, सेक्शन बताया गया कोई फटाफट से, फर्दर ट्रांसफर सेक्शन थ्री वो सेक्शन सेवन कि एक व्यक्ति इसने रिसीव किया वो आगे ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, सेक्शन में सेवन, चलिए फोकस। यस एक्स कैन ट्रांसफर द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन एज सेक्शन सेवन अकॉर्डिंग द प्रोविजन नो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड रिसीव्ड कैन ट्रांसफर, तो जनरली ट्रांसफर नहीं कर सकता है बट उसके आगे फिर लिमिट के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन मे ट्रांसफर द प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट अ पार्ट ऑफ सच फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन हु हैज नॉट बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, तो एक व्यक्ति जिसका सर्टिफिकेट नहीं है उसको एक लिमिट में कर सकते हैं, कितना 10% तक कर सकते हैं विद प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, फिर रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लिमिट दी हुई है कि आप 10% तक कर सकते हैं, फोकस करना अच्छे से, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर के आप करेंगे तो कितना कर सकते हैं, सिर्फ 10% तक कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 10%, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने उसी सेक्शन के अंदर लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ा था कि आप जब भी अब कैसा होता है कि हम कभी कभी सजेस्टेड आंसर देखते हैं तो वो पूरे सेक्शन को ही लिख देते हैं, तो उसके अंदर हमने रेगुलर बैच के अंदर डिटेल में देखा था कि भैया जी आपने कभी भी अगर सर्टिफिकेट लिया है तो उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं देंगे और मैक्सिमम 10% देंगे, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। देयर आफ्टर कि अगर किसी भी व्यक्ति को अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 12(11) में एप्लीकेशन 12 में सर्टिफिकेट मिलता है शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सीक प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसफरिंग इट टू एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, कि कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को अगर आपको देना है ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड व्यक्ति को देना है तो आपको अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं, ये भी मैंने चार्ट में क्लियरली बताया, और ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो ऑफ द ट्रांसफरर एज वेल एज रेसिपिएंट। तो ये पूरा जो सेक्शन हमने पढ़ा था वो पूरा यहां पर आ गया, तो फोकस वेरी केयरफुली, सेक्शन 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आगे आप देखोगे कि सिमिलर क्वेश्चन वापस दिखेगा, राइट। तो सेक्शन 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कैंसिलेशन वाला सेक्शन और सेक्शन 7 बहुत केयरफुली स्टार मार्क करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है Can foreign contribution be received in and utilized from multiple bank account? तो यहां पे ध्यान रखना है कि जब भी आता है तो पहले आपका SBI account में आना mandatory है, तो आप multiple में नहीं ले सकते, पहले mandatorily FCRA account with SBI New Delhi में आना चाहिए section number 17, और उसके बाद में आप चाहो तो अपनी operational convenience के लिए आगे transfer कर सकते हो। The foreign contribution should be received only in the exclusive single foreign contribution account of a bank, also called designated FC account, as mentioned the order of designation or prior permission granted and should be separately maintained by association. तो क्या लिखा है यहाँ पर, उन्होंने डिटेल में नहीं दिया, हम क्लियरली लिखते हैं कि सेक्शन 17 कहता है SBI के FCR अकाउंट में आना चाहिए वन टाइम, उसके बाद में आप ऑपरेशनल कन्वीनियंस के आगे ले सकते हैं। देखो क्या लिखा है, However, one or more account in one or more bank may be opened by association for utilizing the foreign contribution after it has been received in the designated FCRA account. कि एक बार आपने FCRA account में ले लिया है SBI के, उसके बाद अपने utilization के लिए आगे operational convenience के लिए आगे दूसरे schedule bank के accounts में transfer कर सकते हैं, जिससे आपकी convenience के मुझे HDFC जानता है तो मुझे mandatory एक बार SBI के FCRA में लेना है, फिर मैं HDFC के अंदर एक FCRA account open करूंगा, वहां transfer कर लूंगा और वहां से utilization कर सकता हूं, कोई problem नहीं है। That is question number 3 कि क्या multiple bank account में ले सकते हैं, तो पहले SBI में लेना mandatory, उसके बाद में आप आगे ले सकते हो। Can capital asset purchased the help of foreign contribution be acquired in the name of Mr. Ram, an office bearer of the association? ये क्या कह रहे हैं? तो मतलब general knowledge का question हो गया। कहीं regulation में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अगर मान लीजिए एक association ने
फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया कि यहाँ पे हम हॉस्पिटल ओपन करेंगे, तो हम जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो हमारे एसोसिएशन के एक व्यक्ति हमारे प्रमोटर के नाम पे खरीद सकते हैं क्या? अरे भैया जी नहीं खरीद सकते, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो पैसा आया है वो आप एसोसिएशन के नाम पे पैसा आया है तो एसोसिएशन नाम पे ही खरीदोगे, ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं खरीद सकते। ऑब्वियस सी बात है, आप समझो आज शुभम सुखदेव एक फाउंडेशन खोली, ठीक है, और बोला कि बाहर से वर्ल्ड वाइड हमें डोनेशन दो तो हम इस फाउंडेशन में यहाँ पे लोगों का इलाज कराएंगे, उन्होंने हमें भाई साहब समझो 200 करोड़ के डोनेशंस आ गए इन रुपीस, ठीक है। अब 200 करोड़ का मैंने क्या यार कहूँ, हॉस्पिटल की बड़ी सी बिल्डिंग ले ली इन द नेम ऑफ शुभम सुखलेचा, चलेगा क्या? नहीं, यू हैव टू बाय इट इन द नेम ऑफ द फाउंडेशन ओनली। तो क्या लिखा है? नो, एवरी असेट परचेज विद फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी एक्वायर्ड एंड परचेस इन द नेचर ऑफ द इन द नेम ऑफ द एसोसिएशन सिंस एन एसोसिएशन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई बड़ी बात नहीं है, तो एसोसिएशन आप होगा इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर नहीं, भाई लॉजिक है इसका, कहीं पर कोई ऐसा रीजन नहीं दिया था। आरटीपी का क्वेश्चन, वेदर foreign remittances received from a relative are to be treated as foreign contribution as per FCRA। relative से जो पैसा लेते हैं वो क्या यहां पर आएगा क्या? भैया जी relative से अगर आप लेते हैं up to 1 lakh rupees, हमने पढ़ा था definitions के अंदर, relative से अगर 1 lakh रुपए तक आप ले रहे हैं तो वहां पर ये कोई भी restriction नहीं है। relative से तो पैसा लेते हैं तो restriction में वैसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है, focus करना अच्छे से। तो उन्होंने लिखा है कि section 3 में prohibited लोग हैं, लेकिन उसका क्या लिखा है कि 1 lakh रुपीज से ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन है, 1 lakh रुपीज तक अगर आप रिलेटिव से ले रहे हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मिस्टर सतीश जनरल सेक्रेटरी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द अमेरिकन लेबर पार्टी, ही वांट्स टू अवेल फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सुना सुना, जनरल सेक्रेटरी उसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव करना है, डिफाइन द टर्म फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, डिसाइड वेदर ही कैन अवेल इट, डिस्कस ऑल्सो द एक्सेप्शन इफ एनी अंडर विच द प्रोविजन ऑफ एक्ट मे बी रिलैक्स। सुना ध्यान से क्या लिखा है, मिस्टर सतीश जनरल सेक्रेटरी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, वेरी केयरफुली सबसे मुझे तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का सेक्शन क्या, सेक्शन नंबर 6, 5 लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया था, वहां पे ऑफिस बेरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी था, तो ही इज एन ऑफिस बेरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने के लिए इसको मैंडेटरीली क्या करना होगा, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा। फिर उन्होंने कहा कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है मेडिकल एड, अगर आप अब्रॉड में थे और मेडिकल एड आपको अर्जेंटली चाहिए था तो वहां पे आपको प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, आप मेडिकल एड ले लो उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई कर सकते हो। डिफाइन करो क्या होता है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, तो हमने पढ़ा था कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए फॉरेन सोर्स इज ऑफरिंग एनी पर्सन नॉट अ कैजुअल वन इन कैश और इन काइंड टू प्रोवाइड व्हाट, आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री आपका ट्रांसपोर्ट एंड फ्री मेडिकल जो आपका पूरा ट्रीटमेंट है, तो दैट इज कवर्ड एज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो क्या वो ले सकता है मिस्टर सतीश? नहीं ले सकता है, विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ही ले सकता है, वो प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही ले सकता है। उसका एक्सेप्शन पूछा गया, एक्सेप्शन होगा मेडिकल ट्रीटमेंट। बहुत आराम से, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, इट मींस एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग पर्सन द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल to any foreign country or territory with free boarding, lodging, transport, medical treatment। ये हो गया foreign contribution। मैं स्टार मार्क कराया था उस टाइम पे भी। क्या मिस्टर सतीश ले सकते हैं? जी हाँ ले सकते हैं, but it will require prior approval of Ministry of Home Affairs before accepting foreign hospitality। Central government approval लेना है, Ministry of Home Affairs का approval लेना है, उसी के बाद में आप ले सकते हैं। In the instant case इसको लेना ही होगा prior approval, उसी के बाद में foreign hospitality ले सकते हैं। Exception, exception क्या है? Medical aid का, कि अगर आप इंडिया के बाहर हैं और आपको तुरंत मेडिकल एड की जरूरत पड़ गई तो आप बिना प्रायर अप्रूवल के ले सकते हैं, बट उसके बाद में आपको सेंट्रल को नोटिफाई करना पड़ता है विद इन 1 month टाइम, क्या क्या कि आपका सोर्स क्या था, किसने दिया, कितना अमाउंट दिया और किस तरह से वो यूज किया गया है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू दिस क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली देखना। An association registered under Foreign Contribution Regulation Act 2010, इसके अंदर रजिस्टर्ड एक एसोसिएशन है, received donation from a club registered in Singapore, तो इसको सिंगापुर के क्लब से foreign contribution मिला, ठीक है, तो registered है, ले सकती है। सुनना, the association proposes to transfer 10% of the donation to home for aged society and unregistered person and 15% to welfare club or registered person। समझ में आया? एक व्यक्ति है, वो रजिस्टर्ड है, वो आगे एक अनरजिस्टर्ड को थोड़ा ट्रांसफर करना चाहता है और रजिस्टर्ड को ट्रांसफर करना चाहता है, कर सकता है। सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन नंबर, मुझसे पहले बोलो, 7, मैंने कहा है सेक्शन नंबर 7 और आपका कैंसिलेशन का जो है सेक्शन नंबर 14, उसको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 7 पे वापस क्वेश्चन आया कि एक व्यक्ति है ना, उसने रजिस्टर किया, वो आगे ट्रांसफर करना चाहता है, 10% ट्रांसफर करना चाहता है टू अनरजिस्टर्ड एंड 15% करना चाहता है टू वेलफेयर क्लब विच इज रजिस्टर्ड, तो कर सकता है क्या? फर्दर ये इन्वेस्ट करना चाहता है पोर्शन ऑफ द डोनेशन इन चिट्स प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न, ये फर्दर आगे इन्वेस्ट करना चाहता है चिट फंड्स में जो कि हाई रिटर्न प्रॉमिस करेंगे। एक और सेक्शन एप्लीकेबल है, याद आ रहा है क्या? सेक्शन नंबर
8, सेक्शन नंबर 8 टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट कि एक जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा आया है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये कर सकता है कि तो अगर मैं सीधा आंसर बोलना चाहूं तो क्या 10% वो कर सकता है अनरजिस्टर्ड को? हाँ, नॉट एक्सीडिंग 10% अनरजिस्टर्ड को कर सकता है। तो यहां पे 10% होम फॉर एज सोसाइटी को कर सकते हैं, बट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी ऑब्टेन। फर्दर 15% रजिस्टर्ड को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? विदाउट एनी अप्रूवल। फिर क्या चिट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकता, बिकॉज सेक्शन 8 प्रोहिबिट करता है कि स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आई होप यू आर ऑल विथ मी। क्या लिखा है देखते हैं यहां पे। सेक्शन नंबर 7 का पहले रेफरेंस दिया है कि भैया जी आप किसी भी व्यक्ति जो कि अनरजिस्टर्ड उसको थोड़ा कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड है उसको कर सकते हो। इन द इंस्टेंट केस द एसोसिएशन कैन ट्रांसफर 10% ऑफ द डोनेशन टू होम फॉर एजेड सोसाइटी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड कैन ऑल्सो ट्रांसफर 15% टू वेलफेयर क्लब रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ द एक्ट। फर्दर सेक्शन नंबर 8 कहता है कि आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकते। रुको, क्या लिखा है? इन द इंस्टेंट केस द एसोसिएशन कैन नॉट इन्वेस्ट पोर्शन ऑफ द डोनेशन इन चिट प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न, बिकॉज वो स्पेकुलेटिव में कवर होता है। तो स्पेकुलेटिव क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था। कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट के अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होने की संभावना है, या फिर कहीं भी आप इन लियू ऑफ हाई रिटर्न इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई होप यू आर ऑल विद मी ब्यूटिफुली। एंड दिस हैविंग सेड, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, May 19 का क्वेश्चन है। आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसल्ड। वापस किस पे क्वेश्चन आया? कैंसिलेशन पे। क्या कहा मैंने? दो सेक्शंस दिमाग में बिठा लेना, सेक्शन नंबर 7, उसके बाद में सेक्शन नंबर 8 भी बिठा लो, सेक्शन नंबर 7-8 और उसके बाद में सीधा कैंसिलेशन का सेक्शन नंबर 14। वापस कैंसिलेशन क्वेश्चन के अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देखे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एफसीआर ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट 2.5 ईयर्स हैव पास्ड। कैंसिल किया था उससे 2.5 साल हो चुके, 2.5 ईयर्स हैव पास्ड। Since such cancellation, company has submitted its written declaration not to involve in such activity again and request to restore the registration. 2.5 साल के बाद वो आया है कि हमें please restore कर दो यार, हम वापस नहीं करेंगे। Advise the company on its eligibility for re-registration on grant of prior permission. Also state the circumstances under which the government can cancel the certificate registration granted to a person under the foreign contribution. आपको बताना है किन किन ground पे registration cancel हो सकता है और क्या ये company apply कर सकती है for re-registration. पहले आ जाता हूँ किन किन ground पे cancel कर सकता है। वही 5 ground पे cancel हो सकता है कि एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करते टाइम या रिन्यूअल के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन दी वो फॉल्स दी है, अप्लाई और रिन्यूअल के टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन दी उसको वॉयलेट किए, एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट किया, या फिर इस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन ले लिया बट 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक कुछ यूज ही नहीं किया, डिफंक्ट हो चुका है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में इसको सर्टिफिकेट कैंसिल करना है तो कर सकते हैं। ये 5 चीजें हो गई। फिर इस केस में व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, मुझे बताओ अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। मुझे लगता है आप सबको आंसर पता चल रहा है कि एक बार कैंसिलेशन होने के बाद 3 सालों तक आप वापस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 सालों तक आप वापस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 ईयर्स ही हुए तो इसको रुकना होगा, उसी के बाद में वो रीअप्लाई कर पाएगा। एंड आई होप यू ऑल विद मी। ये 5 केस बोल दिए कि किसमें कैंसिलेशन होगा और इन दिस केस उन्होंने ऊपर आंसर कर दिया होगा। ये देखो, इन द इंस्टेंट केस दिस कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रांट ऑफ प्राय परमिशन एज ओनली 2.5 ईयर्स हैव पास्ड सिंस द कैंसिलेशन, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 ईयर्स ऑफ कूलिंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन इज नॉट कंप्लाइड विद। एंड आई होप You are all with me, right? These are the questions. आप अगर कभी भी कोई पास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ही केक वॉक की तरह हैंडल कर पाएंगे। FCRA is a beautiful, beautiful law. इसको पहली बार पढ़ने में एफर्ट्स लगने थे, हमें रेगुलर बैच अभी पढ़ने में इसको कितने आई थिंक 10 आवर्स लग गए होंगे। तो 10 आवर्स हमें लगे FCRA एक बार पढ़ने में, लेकिन एक बार FCRA में पढ़ा तो इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा है दैट अब किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल नॉट बी एज इन यू विल नॉट मिक्स इट अप। एंड ये जो रिविजन लेक्चर है ये आप रेगुलर बैच के बच्चों को, मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार से मिलेगा कि विदाउट एनी व्यूज रिस्ट्रिक्शन आप इसको देख पाएंगे। तो वैन यूल बी एबल टू सी दिस रिविजन विदाउट एनी व्यूज का रिस्ट्रिक्शन, तो अगर आपने अपने एग्जाम के पहले 3-4 बार जब जब आपको संडे जब मौका मिला तब भी देख लेना, तो सारे सेक्शन नंबर भी दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएंगे दैट यूल बी ऑल सॉर्टेड विद द एग्जामिनेशन। सो आई होप यू थरली एंजॉयड द रिविजन एंड दिस हैज प्रूव टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज। So that will be all from my end and I'll see you soon for a wonderful session again. Thank you so much. Shubham Suklecha signing off. Bye-bye.